हेलो, आज ये वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने जस्ट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, और जस्ट अगर चैप्टर नंबर 1 आपने नहीं देखा तो जस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके जस्ट सारे वीडियोस जस्ट चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियोस वहाँ पर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, एंड एक और जस्ट फुल वीडियो चैप्टर नंबर 1 का भी जस्ट आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अभी जस्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। अंडर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जस्ट जो भी न्यू जस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1। ओके, तो जस्ट अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो कि ये जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर में हम कौन से टॉपिक सीखने वाले हैं। फर्स्ट तो यहाँ से जैसे हम स्टार्ट करें तो कि जस्ट ये चैप्टर में तो कि जस्ट फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ तो कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। तो अभी यहाँ पर जो ये चैप्टर है तो ये चैप्टर में हम जो लाइब्रेरी सीखने वाले हैं। तो कि जस्ट यहाँ पर एक हम जस्ट सीखेंगे यहाँ पर नमपाई। देन सेकेंड जस्ट यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं वो यहाँ पर है तो कि मैटप्लॉट जो लाइब्रेरीज है, ये दो लाइब्रेरीज है वो ये चैप्टर के अंदर यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेकेंड जो टॉपिक है अपना। सेकेंड टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है सीरीज। सीरीज एक्चुअल में यहाँ पर क्या है तो कि ये एक्चुअल में जो है यहाँ पर सीरीज तो ये एक टाइप के क्या है तो कि ये एक जो पाइथन के अंदर तो ये पाइथन के अंदर एक टाइप के क्या है तो कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एक सीरीज है, एंड सेकंड जो अपना है यहाँ पर हम जो नेक्स्ट में सीखने वाले हैं डेटा फ्रेम्स, ये दोनों यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर सीरीज की बात करें तो एक क्या टाइप के यहाँ पर सीरीज यहाँ पर क्या है तो कि जस्ट यहाँ पर तो कि एक जस्ट बोल सकते हैं उसको 1D यहाँ पर एरे। तो कि जस्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1D जस्ट यहाँ पर एरे। तो ये जस्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं। चलिए सेकेंड वन हम जस्ट यहाँ पर बात करें तो कि अपना जो यहाँ पर है डेटा फ्रेम्स। तो सीरीज यहाँ पर क्या था तो कि सिंगल डायमेंशन एरे है। अब यहाँ पर हम जस्ट बात करें तो कि डेटा फ्रेम्स की बात करें तो सिंपल ये जो रहती हैं ये जो डेटा फ्रेम यहाँ पर हम है तो ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है जस्ट अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो पाइथन के अंदर जो पांडास लाइब्रेरी के लिए। एंड नेक्स्ट तो यहाँ पर हम जिस बात करें डेटा फ्रेम थी तो कई डेटा फ्रेम यहाँ पर जो हमें सपोर्ट करेगा वो यहाँ पर 2D एरे, या फिर जस्ट यहाँ पर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में अगर हम जिस बात करें तो कि एक जस्ट यहाँ पर टेबल तो कई टेबल अगर हैं तो जस्ट यहाँ पर ऑब्वियस क्या हो जाएंगे तो कि जस्ट वहाँ पर होंगे रोज एंड कॉलम्स। तो इन शॉर्ट जो सीरीज है वो हम यहाँ पर हमें क्या करता है तो कि 1D एरे सब एज ए वर्क करेंगे, एंड यहाँ पर डेटा फ्रेम्स में यहाँ पर हम क्या करेंगे तो कि 2D एरे, दैट मीन्स हम टेबुलर फॉर्म में जो MySQL में हम जो टेबुलर फॉर्म में डेटा एंट्री करते हैं उस टाइप का यहाँ पर हमें डेटा फ्रेम सपोर्ट करेगा। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डेटा फाइल। तो एक्चुअल में यहाँ पर CSV जस्ट आपको जस्ट ऑलरेडी पता होगा तो कि CSV मीन्स क्या है तो कि कोमा सेपरेटेड। यहाँ पर हम क्या जस्ट क्या बोल सकते हैं तो कि जस्ट यहाँ पर हो सकता है कोमा सेपरेटेड यहाँ पर जो भी अपना करेगा वैल्यू। कोमा सेपरेटेड वैल्यू ये जस्ट यहाँ पर हो सकता है। एंड नेक्स्ट डेटा फ्रेम्स यहाँ पर बताया तो कि डेटा फ्रेम्स यहाँ पर एक्चुअल में क्या था तो कि जिस समय बताया तो कि एक टाइप का कौन सा था टेबुलर। तो एग्जिट यहाँ पर क्या हो गया तो कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ पर हम जस्ट बात कर सकते हैं तो कि जस्ट यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं तो कि जो यहाँ पर अपना जो टेबुलर तो कि जस्ट यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म में जस्ट यहाँ पर हमें डेटा एंट्री करना है तो कि टेबुलर फॉर्म टू CSV एंड CSV टू टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर जैसे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर तो कि पांडास सीरीज वर्सेस एंड जैसे यहाँ पर नमपाई एंड एरेज। तो यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं तो कि जो यहाँ पर वर्ड पांडास सीरीज एंड नमपाई एंड जो भी एनडी एरेज है तो यहाँ पर जस्ट यूज कर रहे वर्ड एनडी एरेज, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया तो कि एन डायमेंशन
ओके तो के जस्ट क्या हो जाएगा, तो के एन डायमेंशन, दैट मीन्स यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज से हम बात करें तो के क्या हो जाएगा, तो के मल्टी डायमेंशन। ओके तो ये जस्ट अपना यहाँ पर एरे टाइप का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम अपना टॉपिक है। ओके फर्स्ट यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन पाइथन लाइब्रेरीज का, ओके तो ये समझ लेते हैं। ओके तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, तो कि फर्स्ट यहाँ पर देखिए तो जस्ट अपनी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ, तो कि पांडस लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ओके ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके बिल्ट इन मॉड्यूल्स, तो जस्ट एक मॉड्यूल के लिए सिंपल जस्ट यहाँ पर एक जस्ट हम वर्ड यूज करें तो कि सिंपल जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझते हैं कि फंक्शंस that allows to perform many action without having to write a details program for them, यानी कि जो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ओके तो हम उसका अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें जिस फिर उसके लिए कोई अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके एंड नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो कि जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर बताया हुआ है तो कि ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ओके तो ऑलरेडी वहाँ पर बिल्ट इन बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं दैट कैन बी इम्पोर्टेड एंड यूज, तो कि जस्ट वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो कि अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर उसको क्या कर सकते हैं वहाँ पर, तो कि वहाँ पर हम उसको इम्पोर्ट करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके कुछ यहाँ पर लाइब्रेरीज के जो नाम दिए हुए कुछ जस्ट यहाँ पर पाइथन लाइब्रेरीज के, जैस यहाँ पर हम जस्ट बात किया था कि नमपाई पांडास एंड मैटप्लॉब जो लाइब्रेरी यहाँ पर दिया हुआ। ओके थ्री वेल एस्टेब्लिश पाइथन लाइब्रेरीज फॉर साइंटिफिक एंड एनालिटिक यूज, ये एक पॉइंट जस्ट नोट कीजिएगा कि फॉर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर यूज़ होगा, तो कि ये तीन लाइब्रेरीज हैं। ओके यू किस लिए यूज़ होगा, तो कि वन इज फॉर साइंटिफिक एंड सेकेंड वन इसका यूज़ क्या है, तो कि एनालिटिक यूज़ के लिए यहाँ पर ये लाइब्रेरीज हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्या बता, देखो दिस लाइब्रेरीज अलाउज अस टू मैनिपुलेट ट्रांसफॉर्म एंड विजुलाइज डेटा, तो इसका जस्ट यूज़ भी नोट डाउन कीजिएगा, तो कि एक तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको, जस्ट वहाँ पर ट्रांसफॉर्म एंड डेटा जस्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कि विजुलाइज करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर हम तीन लाइब्रेरीज जो है वो तीन लाइब्रेरीज का यहाँ पर यूज़ देखेंगे एंड मोस्ट जस्ट यहाँ पर यूज़ क्या उसका, तो कि जस्ट साइंटिफिक एंड एनालिटिक यूज़ के लिए, और जस्ट उन लाइब्रेरीज को हम क्या कर सकते हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड उसको ट्रांसफर और डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो कि ये जो यहाँ पर लाइब्रेरीज है वो बिल्ट इन है एंड अपने प्रोग्राम में जस्ट वो प्रोग्राम्स को हमें प्रोग्राम्स में यूज़ करना है, तो हम डायरेक्टली इम्पोर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, तो कि नमपाई लाइब्रेरी। ओके तो कि जस्ट यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे नमपाई। ओके तो नमपाई एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, तो कि देखो विच स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, फर्स्ट ये एक नोट कीजिएगा। ओके तो जस्ट उसका पूरा नाम क्या है, तो कि जस्ट इज न्यूमेरिकल पाइथन। ओके लाइब्रेरी दैट वी डिस्कस इन द क्लास 11, ऑलरेडी हमने क्लास 11 में डिस्कस किया हुआ है। ओके पैकेज दैट कैन बी यूज टू स्टैटिकल डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये दो यूज हैं किसका, तो कि यहाँ पर जस्ट यहाँ पर जो दिया हुआ नमपाई जो लाइब्रेरीज है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ओके यूज टू मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट्स एंड हैज अ फंक्शंस एंड टूल वर्किंग विद दीज एरे एलिमेंट्स रिसाइड टुगेदर इन अ मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस क्विकली, तो जस्ट यहाँ पर एक कौन सा, तो कि जस्ट मल्टी डायमेंशन एरे ऑब्जेक्ट्स। ओके नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो कि जो सेकेंड यहाँ पर है पांडास। ओके तो ये जस्ट यहाँ पर क्या है, देखो तो कि जस्ट पूरा नाम पैनल डेटा हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल। ओके ये जस्ट एक नोट कीजिएगा, तो कि हाई लेवल मैनिपुलेशन टूल एंड किस लिए यूज़ होगा, तो कि डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। ओके एंड सेकेंड जो यूज़ दिया हुआ, तो कि इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा। ओके इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा एंड यूजिंग द पांडास लाइब्रेरी विच कैन बी गेट सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है तो जिस वहाँ पर बहुत सारे और भी जस्ट बिल्ट इन कुछ फंक्शंस है वो हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ बिल्ट इन पैकेज लाइक अ नमपाई एंड मैटप्लॉब लाइब्रेरी। ओके ये बिल्ट इन पैकेज है जस्ट हमें इम्पोर्ट करना होगा। ओके गिव्स अस अ सिंगल कन्वेंशन पैस टू मोस्ट ऑफ द डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन वर्क,
ओके तो एक जिस यहाँ पर क्या है तो कि पांडा जो नंपाई और मेट जो प्लॉट लाइब्रेरी उसकी तरह ये भी एक जस्ट क्या है तो कि बिल्ट इन पैकेज है वो हमें जैसे यहाँ पर कन्वेंशनल पैकेज है उसमें वहाँ पर हम डेटा एनालिसिस और कुछ विजुअलाइज करना है तो जस्ट कर सकते हैं। ओके एंड द लास्ट वन ओके एज अ थ्री इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके तो के जस्ट यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट एक जस्ट नोट कीजिएगा। ओके दैट्स थ्री इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और वो डेटा स्ट्रक्चर कौन से है, वन इज अ सीरीज ओके डेटा फ्रेम एंड थर्ड वन इज अ पैनल। ओके और इसका जस्ट यूज क्या होता है टू मेक द प्रोसेस फॉर द डेटा एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक इफेक्टिव एफिशिएंट। ओके तो के जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे तो के जो डेटा प्रोसेस है उसको यहाँ पर एनालाइज सिस्टमेटिकली एनालाइज करना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट जस्ट यहाँ पर प्रोसेस करना है तो हम यहाँ पर जो पांडास लाइब्रेरीज है वो हम यूज कर सकते हैं। चले नेक्स्ट वन यहाँ पर हम देखते हैं तो के मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ओके अब जस्ट यहाँ पर यूज़ क्या है तो के जस्ट यूज फॉर द ग्राफिक एंड विजुलाइजेशन। फर्स्ट यूज यहाँ पर ये रहेगा मेन जो यूज है वन इज अ ग्राफिक एंड सेकेंड वन यहाँ पर विजुलाइजेशन के लिए हम ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन यूजिंग मैटर वी कैन जनरेट अ पब्लिकेशन क्वालिटी लाइक अ प्लॉट्स इंस्टाग्राम बार्स जिस यहाँ पर स्केटर प्लॉट ये जस्ट यहाँ पर जो विजुलाइजेशन के लिए यूज होता है वो यहाँ पर हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट एट अ बिल्ट इन नंपाई एंड डिजाइन टू वर्क विद अ वेल नंपाई एंड पांडास जस हम नंपाई और पांडास के साथ भी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। चले नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखते हैं तो कि जस्ट व्हाई पांडास इज नीडेड एंड नंपाई कैन बी यूज फॉर डेटा एनालिसिस। ओके तो कि हम जस्ट पांडास के जरूरी क्या है तो कि जस्ट अगर नंपाई ऑलरेडी डेटा एनालिसिस है तो जस्ट कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस दिए हुए पांडास एंड नंपाई के बीच। ओके एक्चुअल में क्या देखो तो कि फर्स्ट यहाँ पर क्या है तो कि नंपाई अरे जैसी होमोजीनियस डेटा एंड वाइल द पांडास डेटा फ्रेम के अंडर डिफरेंट यहाँ पर एक जिस वर्ड यूज करें होमोजीनियस मीन्स यहाँ पर हम जस्ट क्या कर सकते हैं तो के सेम डेटा टाइप। ओके तो ये जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम डेटा टाइप एंड यहाँ पर देखो एक जस्ट वर्ड यूज किया डिफरेंट डेटा टाइप लाइक अ फ्लोट इंटीजर स्ट्रिंग एंड डेट एंड टाइम एक्सेट्रा ये एक फर्स्ट डिफरेंट है। सेकेंड तो हाउ इज अ सिंपल इंटरफेस ऑपरेशन फॉर फॉलोइंग द लोडिंग प्लॉटिंग सिलेक्शन ज्वाइनिंग ग्रुप बाय विच में हैंडी डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एंड थर्ड पांडास यूज व्हेन द डेटा इज इन अ टेबुलर फॉर्मेट वेयर द नंपाई यूज अ न्यूमेरिक एरे बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन ये एक जस्ट यहाँ पर डिफरेंस है तो कि जो पांडास हैं यहाँ पर कौन से तो कि जस्ट टेबुलर फॉर्म है। ओके एंड जो यहाँ पर नंपाई है तो कि नंपाई यहाँ पर जस्ट कौन सा तो कि यहाँ पर जस्ट यहाँ पर न्यूमेरिक एरे बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन। ओके नेक्स्ट लास्ट वन फोर्थ तो कि पांडास डेटा जस्ट पांडास डेट फ्रेम्स दैट मीन्स जो भी यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में हमें जस्ट डिस्कस किया था वेरी इजी टू कीप अप डेटा अगर डेटा टेबुलर फॉर्म में है। ओके सिंपल जस्ट डेटा अगर टेबुलर फॉर्म में है तो वो एकदम क्या रहेगा तो कि जस्ट वो डेटा को ट्रैक करने में इजी रहता है जस्ट हम टेबल में से इजीली हम समझ सकते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पांडास इंस्टॉल कैसे करना है। ओके तो अपने कंप्यूटर में जो पांडास लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कैसे करना है ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जस्ट यहाँ पर डिटेल्स में क्योंकि पांडास लाइब्रेरी और नंपाई लाइब्रेरी अपने जिस कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर जस्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। हेलो आज के वीडियो लेक्चर में हम जस्ट सीखेंगे पांडास तो के पांडास जो लाइब्रेरीज है वो पाइथन में यहाँ पर इंस्टॉलेशन कैसे करें। ओके फर्स्ट यहाँ पर जस्ट क्या बताया तो कि जस्ट यहाँ पर पांडास इंस्टॉल पांडास फ्रॉम कमांड ब्रिड तो जस्ट हमें यहाँ पर एक कमांड टाइप करना है जस्ट कमांड ने ऑलरेडी जस्ट दिया हुआ है पीआईपी इंस्टॉल एंड पांडास। ओके एंड सेकेंड जो पॉइंट है सेकेंड पॉइंट के बाद हम जस्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम यहाँ पर कैसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में वो हम सीखने वाले हैं। ओके नेक्स्ट अभी क्या बताया देखो बोथ नंपाई एंड पांडास कैन बी इंस्टॉल ओनली व्हेन द पाइथन इज ऑलरेडी इंस्टॉल तो हमें नंपाई और जो पांडास लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉलेशन करने से पहले अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉलेशन करना है। तो पाइथन अगर जस्ट कैसे इंस्टॉलेशन करना है उसका जस्ट डिटेल वीडियो जस्ट आप आई बटन पर जस्ट दिया होगा वहाँ पर आप जस्ट देख सकते हैं।
ओके एंड नेक्स्ट ओके द सेम इज ट्रू फॉर द अदर लाइब्रेरीज ऑफ द पाइथन, यानी कि बाकी अगर पाइथन जो आपको लाइब्रेरीज चाहिए तो भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉलेशन होना चाहिए। चले स्टार्ट करते हैं तो कि पाइथन कैसे इंस्टॉलेशन करना है। पाइथन लाइब्रेरीज हैं पांडास एंड नमपाई, वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन कैसे करना है। फर्स्ट पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन करने से पहले पाइथन कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो आज हम सीखेंगे। ओके बाद में हम जस्ट लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो हम सीखेंगे। एंड डिटेल वीडियो चाहिए तो जस्ट आई बटन पर आपको जस्ट वहाँ पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा तो कि पाइथन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉलेशन कैसे करना है। चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं पाइथन यहाँ पर इंस्टॉलेशन का, तो जस्ट यहाँ पर पाइथन सेटअप फाइल, उसको जस्ट हम क्या कर देंगे डबल क्लिक। ओके एंड जस्ट यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ, जस्ट कंटिन्यू, जस्ट वो यहाँ पर सेटअप कंटिन्यू करेगा। ओके तो अभी जस्ट यहाँ पर अपना जस्ट पाइथन यहाँ पर सेटअप सक्सेसफुली यहाँ पर जस्ट कंप्लीट हो गया, उसको हम यहाँ पर जस्ट हम करते हैं क्लोज। ओके अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है तो कि जिस हमें लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन करना है, तो लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन करना है तो उससे पहले हमें क्या करना है तो कि जस्ट अपना पाइथन लोकेशन हम जस्ट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कि यहाँ पर जस्ट मैं कर देता हूँ फर्स्ट यहाँ पर हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ओके तो जस्ट यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट एंड उसको जस्ट यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम उसको ओके जस्ट अपना कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना जो भी यहाँ पर हमें आइडियल। ओके तो ये जस्ट अपना आइडियल है। अभी जस्ट यहाँ पर पाइथन लाइब्रेरीज हमें क्या करना है इंस्टॉलेशन करना है, तो फर्स्ट यहाँ पर जस्ट हमें उसका लोकेशन पता होना चाहिए जो पाइथन हमने कहाँ पर स्टोर किया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे तो कि जो यहाँ पर शो आपको जो शो करा है तो वहाँ पर आई क्लिक करें। ओके एंड जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ओपन फाइल लोकेशन, उसको जस्ट आपको क्या करना है क्लिक करना है। ओके जैसे ही करेंगे तो आपको एक जस्ट स्क्रीन आ जाएगा यहाँ पर, तो ये जस्ट आपका यहाँ पर स्क्रीन है, तो यहाँ पर जस्ट शो कर रहा है आइडियली जो यहाँ पर अपना पाइथन जो वर्जन है। ओके इसको राइट क्लिक करेंगे एंड जस्ट यहाँ पर हम एक ऑप्शन करेंगे प्रॉपर्टीज। ओके प्रॉपर्टीज जो डायलॉग बॉक्स हैं, तो ये डायलॉग बॉक्स में हम क्या करेंगे तो कि यहाँ पर एक जस्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओपन फाइल लोकेशन। ओके तो ओपन फाइल लोकेशन यहाँ पर है, उसको हम क्लिक कर देंगे। ओके नाउ जस्ट ये हमें जस्ट अपना पाइथन जहाँ पर इंस्टॉल है उसका लोकेशन मिल जाएगा। नाउ जस्ट आपको क्या करना है तो यहाँ पर एक जस्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रिप्ट। ओके तो इसको हम जस्ट क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे, तो ये जस्ट यहाँ पर देखो हमें जस्ट वो PIP जस्ट इंस्टॉलेशन यहाँ पर मॉड्यूल शो कर रहा है। ओके नाउ अभी जस्ट हमें क्या करना है तो यहाँ पर जस्ट हम क्लिक करेंगे और ये जो पाथ है तो उसको यहाँ पर हम राइट क्लिक करके हम कर देंगे कॉपी। ओके नेक्स्ट अभी हम जस्ट कहाँ पर जाएंगे तो अपने जो यहाँ पर हमने कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी जो ओपन किया हुआ है। ओके तो वहाँ पर हम जस्ट अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे एंड जस्ट वहाँ पर हम क्या करेंगे तो कि फर्स्ट आपको टाइप करना है CD। ओके तो फर्स्ट आपको जस्ट वहाँ पर क्या टाइप करना है तो आपको जस्ट वहाँ पर टाइप करना है CD स्पेस एंड कंट्रोल V जो हमने वहाँ पर पाथ क्या किया था तो कि जो कॉपी किया हुआ था पाथ उसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे पेस्ट। नाउ प्रेस एंटर। ओके जो भी यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन करना है वो कमांड अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, लाइक हमें क्या करना है PIP ओके इंस्टॉल, यहाँ पर जस्ट हमें कमांड देना है इंस्टॉल और जस्ट फर्स्ट यहाँ पर हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे पांडास। ओके एंटर। अभी यहाँ से जस्ट क्या हो जाएगा तो कि अपना जो इंस्टॉलेशन प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर अभी क्या हो गया तो कि स्टार्ट हो जाएगा। ओके अभी जस्ट यहाँ पर हमें क्या एक मैसेज जस्ट हो गया तो कि इंस्टॉल सक्सेसफुली इंस्टॉल दैट्स नमपाई पांडास यहाँ पर जस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। ओके अभी जस्ट सेम वे यहाँ पर हम नमपाई भी इंस्टॉलेशन करना ऑलरेडी जस्ट यहाँ पर हमें बता रहा है नमपाई जस्ट इंस्टॉलेशन हो गया। ओके फिर भी जस्ट हमें करना है तो यहाँ पर हम जस्ट वही यूज कर सकते हैं दैट्स PIP इंस्टॉल। ओके दैट्स यहाँ पर हम जस्ट टाइप कर देंगे नमपाई एंड देन प्रेस एंटर, तो ऑलरेडी जस्ट यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जो भी हमें पांडास लाइब्रेरी नमपाई लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पांडास लाइब्रेरी जो यहाँ पर सीरीज है डेटा फ्रेम जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो पाइथन में यूज कैसे करना है। चलिए जस्ट स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ IDLE। ओके तो यहाँ पर जस्ट हमने जो पाइथन इंस्टॉलेशन किया था वो यहाँ पर हम
क्लिक कर देंगे। ओके अभी जस्ट यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है, तो फर्स्ट एक जो सीरीज एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक दिया वो यहाँ पर हम देखते हैं। लाइक फर्स्ट हम यहाँ पर हम टाइप करते हैं इम्पोर्ट ओके पांडास एज पीडी, एंटर देंगे। ओके नेक्स्ट यहाँ पर जो सीरीज यहाँ पर जो दिया हुआ है सीरीज वन इज इक्वल टू जिस यहाँ पर हम टाइप करेंगे पी डी डॉट एंड जो भी यहाँ पर दिया हुआ है सीरीज ओके एंड जस्ट यहाँ पर फर्स्ट राउंड ब्रेकेट एंड कली ब्रेक सॉरी स्क्वेयर ब्रेकेट दैट से हमें पता है कि जस्ट एरे ओके सिंगल डायमेंशन एरे तो दैट्स 10 20 एंड यहाँ पर हम जस्ट 30 ओके जस्ट ब्रेक इट ओवर देन राउंड ब्रेक इट ओवर ओके नाउ एंटर। ओके नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे तो जस्ट यहाँ पर हम सीरीज प्रिंट करना है तो जस्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंट और राउंड ब्रेकेट में हमें जस्ट क्या करना था तो कि यहाँ पर हमें जो सीरीज हमने दिया हुआ है वो सीरीज हमें क्या करना है प्रिंट वन ओके तो यहाँ पर जस्ट एंटर देंगे तो ये जस्ट यहाँ पर हमें क्या करेंगी तो कि जो यहाँ पर हमने सीरीज दिया था वो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और जस्ट नेक्स्ट में अपने जो भी कोर्स में जितने भी सीरीज दिया है ओके वो आप इस तरह से जस्ट प्रैक्टिकली जस्ट टाइप करना है और जस्ट आप वहाँ पर वो एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। ओके फर्स्ट यहाँ पर जस्ट क्या बताया देखो डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाई टू द डेटा। ओके तो एक्चुअल में ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है तो कि जस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशंस तो कि जो हम डेटा पर क्या करने वाले हैं जो अप्लाई करने वाले हैं एक तो ये सेकेंड टू इट एनेबल्स एफिशिएंट स्टोरेज रिट्रीवर एंड मॉडिफिकेशन तो कि जस्ट हम डेटा स्टोर करते हैं डेटा जस्ट वहाँ पर डेटा जस्ट रिट्रीव करते हैं एंड वो डेटा में हम क्या कर सकते हैं तो कि मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट दिया वी ऑलरेडी वर्क विद द डेटा स्ट्रक्चर एन डी एरे। ओके जस्ट पहले भी हमने डिस्कस किया था एन डी एरे जस्ट यहाँ पर कौन सा था तो कि जस्ट हमें सिंपल बताया था कि कौन से था तो कि मल्टी डायमेंशन एरे ओके इन नमपाई क्लास 11 ऑलरेडी हमने सिखा था और उसके वजह से यहाँ पर क्या कर सकते थे हम तो कि स्टोर कर सकते थे एक्सेस कर सकते हैं और वो डेटा को हम क्या कर सकते हैं अपडेट भी कर सकते हैं और यूजिंग तो कि जस्ट कौन सा यहाँ पर तो कि जो नमपाई एरे के थ्रू। ओके तो अपने जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो कि जस्ट यहाँ पर हमें जो करना है अपनी बुक के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वो दो डेटा स्ट्रक्चर है एक है सीरीज एंड सेकेंड हम जो सीखने वाला है डेटा फ्रेम ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने कोर्स में दिए हुए तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। चले फर्स्ट हम जस्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सीरीज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। ओके फर्स्ट तो ये पॉइंट एकदम इजी पॉइंट जस्ट यहाँ पर तो कि सीरीज इज द वन डायमेंशन एरे। ओके एक्चुअल में ये क्या है तो कि वन डायमेंशन एरे है। ओके सेकेंड कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट लिस्ट यहाँ पर स्ट्रिंग हो गई विच बाई डिफॉल्ट न्यूमरिक डेटा लेबल स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ओके ये नोट कीजिएगा एक तो ये सिंगल डायमेंशन एरे है और एक तो सीक्वेंस ऑफ जिस वहाँ पर क्या दिए हुए हैं तो कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज दिए हुए हैं एंड जो उसका जो न्यूमरिक लेबल है ओके जो इंडेक्स है वो ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होता है तो कि जस्ट वो स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो। ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या बता रहे देखो डेटा लेबल एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड इट्स इंडेक्स तो कि जो डेटा वैल्यू है वो यहाँ पर जस्ट एसोसिएटेड है वो वैल्यू के साथ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जस्ट हमने टाइप किया कि जिसमें यहाँ पर टाइप किया ए बी सी डी। ओके ये तीन टाइप क्या तो कि जो उसका जो लेबल यहाँ पर डेटा लेबल है फॉर एग्जाम्पल ए तो कि ए जस्ट स्टार्ट फ्रॉम तो कि जीरो देन द बी देन द वन देन द टू एंड देन यहाँ पर थ्री तो ये उसकी जस्ट क्या हो जाएंगे इंडेक्स। ओके वी कैन ऑल्सो असाइन द वैल्यू टू अदर डेटा टाइप एज अ इंडेक्स। ओके तो जैसे वहाँ पर अदर डेटा टाइप्स हैं हम जैसे यहाँ पर फ्लोट में स्ट्रिंग में भी एज ए इंडेक्स यहाँ पर देना है तो हम वहाँ पर दे सकते हैं जो भी और डेटा टाइप्स हैं वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। ओके वी कैन इमेजिन अ पांडा सीरीज एज ए कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। हमने जैसे जो स्प्रेडशीट लाइक एक्सेल लाइक प्रोग्राम में ओके तो जैसे वो यहाँ पर एज ए जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो कि वो डेटा सीरीज यहाँ पर एज ए हम एग्जाम्पल ले सकते लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जस्ट दिया हुआ तो कि ये जस्ट यहाँ पर क्या हो गया तो कि कुछ वैल्यूज हैं कुछ हमने नेम टाइप किया हुआ और ये उसके इंडेक्स वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू एक्सेस दिस तो हमें उसका इंडेक्स वैल्यू देना होगा कौन सा
ओके थ्री, हम उसको जस्ट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं बट हमारे को उसको वैल्यू एक्सेस करना है, ये वैल्यू एक्सेस करना है, तो उसका इंडेक्स वैल्यू हमें यूज करना है यहाँ पर 3. तो जस्ट आइडेंटिफाई जो होगा वो यहाँ पर किसके थ्रू होगा, तो ओके जस्ट यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू के थ्रू. चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्रिएशन ऑफ सीरीज. अभी हमें डेटा सीरीज यहाँ पर कैसे क्रिएट करना वो यहाँ पर हम जस्ट देखेंगे. ओके टू क्रिएट और यूज सीरीज वी नीड टू फर्स्ट इम्पोर्ट द पांडाज लाइब्रेरी. ओके हमें जस्ट क्या करना है, तो ओके यहाँ पर पांडाज लाइब्रेरी यहाँ पर इम्पोर्ट करना है. ओके एग्जिट हमने यहाँ पर क्या किया, तो ओके देखो फर्स्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द स्केलर वेरिएबल्स, फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ओके इम्पोर्ट पांडा एज अ पीडी. ओके हमने यहाँ पर क्या किया, तो ओके पांडाज लाइब्रेरीज को जस्ट यहाँ पर इंपोर्ट किया और इनिशियल कौन सा हमने एलियास कौन सा दिया पीडी. ओके नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, तो ओके एक हमने जस्ट सीरीज क्रिएट किया, जस्ट उसका यहाँ पर नाम दिया सीरीज 1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. ओके एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैल्यूज, ओके तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा वैल्यूज दे दिया 10 20 एंड 30 एंड नेक्स्ट सेंटेंस जो यहाँ पर हमने दिया सीरीज 1 तो जस्ट हमने प्रिंट किया. ओके तो ये एग्जिट यहाँ पर क्या हो गया, तो कि ये जो यहाँ पर है तो कि 0, 1 एंड 2 तो ये एग्जिट उसका कौन सा वैल्यू यहाँ पर हो गया, तो कि ये जस्ट यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं इंडेक्स, ये हो जाएगा उसका इंडेक्स. बट यहाँ पर जो ये है 10, 20 देन 30 ये जो है उसको हम जस्ट क्या बोलेंगे, तो कि यहाँ पर उसको जस्ट बोलेंगे डेटा वैल्यू. ओके तो जस्ट हमें आउटपुट में यहाँ पर जस्ट जो यहाँ पर 2 यहाँ पर जो कॉलम्स है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है, एक उसका इंडेक्स वैल्यू एंड सेकेंड जो यहाँ पर है वो उसका डेटा वैल्यू. ओके अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पर एक कुछ दो सिंटैक्स बता रहा है, तो कि वी डू नॉट एक्सप्लिट स्पेसिफाई इंडेक्स और द डेटा वैल्यू वाइल क्रिएटिंग द सीरीज, देन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स इज स्टार्ट फ्रॉम 0 थ्रू एन माइनस 1. तो कि जस्ट वहाँ पर एक एक नंबर जस्ट स्टार्ट तो ऑलवेज कहाँ से होगा, वो 0 से ही स्टार्ट होगा. यार एन इज द नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट, दस यहाँ पर एन माइनस 1 जो भी नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 7 दिया है, तो कि जस्ट 0, 1, 2, 3 दैट मीन्स यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं एन माइनस 1. ओके नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज देखते हैं. ओके यहाँ पर क्रिएशन ऑफ सीरीज सेम टॉपिक, वी कैन ऑल्सो असाइन द यूजर डिफाइंड लेबल. देखो ये जस्ट यहाँ पर पॉइंट है थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर आया. ओके तो पहले जस्ट 0, 1, 2, 3 वो जस्ट सिस्टम भी, बट यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं कौन सा, यहाँ पर यूजर डिफाइंड लेबल्स टू द इंडेक्स टू यूज देम टू एक्सेस द एलिमेंट्स. ओके नाउ कैसे करेंगे, तो के एग्जाम्पल देखो जिस दिया हुआ है यूजर डिफाइंड लेबल्स. ओके एंड जस्ट यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, तो के जस्ट वो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए. ओके क्या दिया, तो के पांडाज पीडी जस्ट पहले ही हमने ऑलरेडी दिया था. ओके दैट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, तो के सीरीज 2 पीडी डॉट सीरीज, यानी कि जो पीडी यहाँ पर जो इनिशियल हमने दिया था पांडाज लाइब्रेरी को यूज करके हम कर रहे हैं. ओके तीन नाम मेंशन किए ओके सीरीज में 1, 2 और 3 एंड उसका देखो इंडेक्स यहाँ पर ये एक हो जाएगा, तो कि ये जो इंडेक्स दिया हुआ है ये जस्ट यहाँ पर क्या हो गया, तो कि ये जस्ट यहाँ पर हो गया यूजर डिफाइंड. ओके ये जो लेबल्स हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, तो कि यूजर डिफाइंड लेबल्स दैट मीन्स उसका जस्ट इंडेक्स अभी कौन सा हो गया, तो कि यूजर डिफाइंड लेबल्स. ओके लाइक अभी देख यहाँ पर देखें आउटपुट में, तो आउटपुट एग्जिट क्या शो करें, तो कि 7 एंड 3 एंड 1 तो ये यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो कि इसको जस्ट यहाँ पर एग्जिट हमें बोलना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं तो कि यूजर डिफाइंड क्या है यहाँ पर, तो कि यहाँ पर जस्ट लेबल्स ओके टू इंडेक्स यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं. ओके एंड यहाँ पर जैसे हम क्या कहें, तो कि ये जो एलिमेंट्स हैं ओके ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें जैसे यहाँ पर श्याम ओके तो के जो श्याम जो यहाँ पर डेटा एलिमेंट्स है अगर उसको एक्सेस करना है हमें कौन सा इंडेक्स वैल्यू यूज करेंगे, तो कि यहाँ पर जस्ट 3. इन शॉर्ट हमने यहाँ पर क्या यूज किया, तो कि यूजर डिफाइंड लेबल्स यूज किया इंडेक्स में. ओके एंड वो एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो हमें जस्ट वो यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू हम कर सकते हैं. ओके तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं. ओके वी कैन ऑल्सो यूज द लेटर्स और द स्ट्रिंग एज अ इंडेक्स, यहाँ पर हम एज अ इंडेक्स
ओके यहाँ पर जस्ट सिंपल समझिएगा तो कि एज ए इंडेक्स यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, लेटर्स और स्ट्रिंग्स वो भी यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देखें तो कि जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी, ओके एक जस्ट यहाँ पर दिया। ओके नेक्स्ट सीरीज टू इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। ओके नेक्स्ट यहाँ पर हमने जस्ट सीरीज दे दिया नंबर और इंडेक्स वैल्यू। देखो इंडेक्स यहाँ पर हम जस्ट यूजर डिफाइन इंडेक्स यहाँ पर लेबल्स यहाँ पर दे रहा है टू इंडेक्स फरवरी मार्च एंड अप्रैल। तो ये एक्चुअल में देखे यहाँ पर ये जो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है ओके तो ये यहाँ पर क्या हो गया तो कि जस्ट हमने यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं। ओके तो यहाँ पर जस्ट हमने लेबल जस्ट पास किए हुए बट यहाँ पर हमने कौन से दिए तो कि यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग। ओके तो स्ट्रिंग एज ए यहाँ पर हमने क्या किया तो कि इंडेक्स लेबल यहाँ पर दिए हुए एंड ये जस्ट यहाँ पर अपना हो जाएगा सीरीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जस्ट यहाँ पर दिया हुआ क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द नंपायरस, ये जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर टू क्रिएशन ऑफ सीरीज। ओके जस्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ द सेकेंड वन जस्ट आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द नंपाई एरेज एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट देखा था जस्ट सीरीज क्रिएट करना जस्ट वहाँ पर पूरा हमने जस्ट जो भी टॉपिक्स हैं वहाँ पर सीरीज के यहाँ पर देखे गए। चलिए अभी जस्ट हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट जस्ट सीरीज फ्रॉम द नंपाई एरेज। ओके अभी फर्स्ट यहाँ पर एक जस्ट हमें बता रहे हैं तो कि सिंपल है कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे तो कि क्रिएट करेंगे कौन सा वन डायमेंशन नंपाई एरेज। ओके कैसे कर रहे हैं और ये जस्ट यहाँ पर जो स्क्रिप्ट दिया हुआ जो भी कोड दिया हुआ वो कैसे टाइप करना है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो जस्ट आप पाइथन में कैसे ये टाइप कर सकते हैं प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो हमने प्रीवियस बताया था। ओके चले स्क्रिप्ट समझते कैसे दिया तो कि इम्पोर्ट नंपाई एज अ एनपी जस्ट यहाँ पर एक हमने यहाँ पर लाइब्रेरी इंक्लूड किया नंपाई सेकेंड यहाँ पर हमने पांडास यहाँ पर इंक्लूड किया है। ओके अभी जस्ट यहाँ पर क्या करें एरे वन इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे। ओके एंड जस्ट यहाँ पर सिंगल डायमेंशन एरे यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 और उसका वैल्यू दे दिया। ओके नेक्स्ट में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सीरीज थ्री इज इक्वल टू जस्ट पीडी दैट मीन्स यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं एंड जस्ट यहाँ पर क्या पास कर दिया तो कि यहाँ पर हमने पास कर दिया एरे वन और एरे वन जस्ट कहाँ पर तो कि जस्ट यहाँ पर एन पी नंपाई से दिया था। ओके अभी जैसे एग्जिट क्या हुआ तो कि जस्ट यहाँ पर प्रिंट 0 1 2 3 ओके ये जस्ट यहाँ पर एग्जिट क्या हो जाएंगे तो कि ये हमें जस्ट पता है तो कि एग्जिट क्या होगा तो कि इसका आंसर आप जस्ट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमने जो ये जो दिया हुआ थी चार वैल्यू ओके तो ये हमारा जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कि ये जस्ट यहाँ पर हो जाएगा डेटा वैल्यू। ओके तो इसका जस्ट आंसर आप मुझे जस्ट वहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम ओके नेक्स्ट यहाँ पर जस्ट दिया हुआ है तो कि वी कैन यूज अ लेटर और स्ट्रिंग एज अ इंडेसिस यहाँ पर एज ए इंडेक्स। ओके जस्ट यहाँ पर हमें एज ए इंडेक्स यहाँ पर क्या यूज करना है तो कि जस्ट यहाँ पर हमें लेटर्स और स्ट्रिंग्स यूज करना है कैसे यहाँ पर तो कि चलिए देखते हैं तो कि फर्स्ट यहाँ पर जैसे एक सीरीज यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं क्या डिफाइन कर रहे हैं तो कि सीरीज 4 इज इक्वल टू पीडी दैट मीन्स जो हमने ऊपर प्रीवियस ऑलरेडी यूज किया था तो कि इम्पोर्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो कि इम्पोर्ट पांडास एज पी डी। ओके फर्स्ट सेंटेंस ऑलवेज ये रहेगा ओके पी डी डॉट सीरीज एरे वन ओके जो प्रीवियस में था यहाँ पर कौन सा था तो कि यहाँ पर एरे जो भी यहाँ पर एरे वन ये जो नंबर्स दिए 1 2 3 4 ओके एंड नेक्स्ट तो कि यहाँ पर क्या दिया इंडेक्स तो कि ये जस्ट चार वैल्यू एज ए इंडेक्स यहाँ पर पास किया हुआ है। ओके अभी नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो कि जस्ट यहाँ पर क्या दिया था तो कि इंडेक्स वैल्यू एज ए इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया तो कि ये जो हमने यहाँ पर दिया था एक्सेट यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है तो कि लेटर्स और यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम तो कि स्ट्रिंग एज ए इंडेक्स यहाँ पर यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। ओके एंड ये जिस यहाँ पर कौन सा होगा तो कि ये अपना यहाँ पर जो हमने प्रीवियस देखा था तो कि ये एरे वन जो वैल्यू हमने वहाँ पर दिया हुआ है। ओके तो ये एग्जिट ये वैल्यू ओके बट यहाँ पर एक चीज और है कि जस्ट यहाँ पर जस्ट नोट डाउन कर लेना ओके व्हेन द इंडेक्स लेबल्स आर पास विद द एरे ओके एंड द इंडेक्स लेबल जो ये लेबल्स दिए हुए
ओके पास विद द एरे, जो हमने एरे में 1 2 3 4 यहाँ पर जो पास किया हुआ, ओके देन द लेंथ ऑफ द इंडेक्स एंड द एरे मस्ट बी सेम साइज, यानी कि 1 2 3 4, तो ये 4 तो ये भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए. ओके एल्स इट विल बी रिजल्ट इन वैल्यू एरर, अगर इनके दोनों मैच नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो कि जस्ट एरर जनरेट कर सकता है. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो भी यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है. ओके तो देखो एग्जिट एरर कैसे यहाँ पर जनरेट कर रहा है, कैसे यहाँ पर देखो, तो कि यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिखा, तो कि सीरीज 5 पीडी डॉट सीरीज एरे 1. ओके तो कि एरे 1 में यहाँ पर कौन से जस्ट एलिमेंट्स है, तो कि 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर टोटल कितने होंगे, तो कि 1 2 3 4, और यहाँ पर देखो 3 हो गए. ओके जनवरी फरवरी मार्च, तो कि एग्जिट कैसे होगा, तो कि यहाँ पर जस्ट देखो, तो कि एक साइड यहाँ पर, देन सेकेंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर. ओके एंड एरे वैल्यू कितना था, तो कि 1 2 3 4, तो कि ये जस्ट यहाँ पर मैच नहीं हुआ, दैट्स वाई यहाँ पर देखो यहाँ पर वैल्यू एरर एग्जिट क्या बता रहे हैं, तो कि लेंथ ऑफ वैल्यूज 4. ओके 4 मीन्स ये जो एरे 1 का. ओके एंड डज नॉट लेंथ ऑफ द इंडेक्स द इंडेक्स वैल्यू, तो ये जस्ट यहाँ पर अपना जो इंडेक्स वैल्यू है ये दोनों यहाँ पर मैच नहीं हुआ, दैट्स वाई ये हमें क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू एरर शो कर रहा है. चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. ओके क्रिएशन ऑफ सीरीज, बट यहाँ पर जस्ट वहाँ पर कैसे सीरीज क्रिएट करना है, तो के फ्रॉम डिक्शनरी. ओके सीरीज क्रिएट करना है बट कहाँ से क्रिएट करना है, तो के डिक्शनरी से करना है. ओके अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पर एग्जिट क्या बताया, रिकॉल द डिक्शनरी हैज अ की वैल्यू पेयर्स एंड द वैल्यू दैट कैन बी इजीली रिट्रीव व्हेन द की इज नॉन. ओके सिंपल यहाँ पर जस्ट क्या चाहिए, तो के वैल्यू पेयर्स. ओके एंड क्या चाहिए, तो के वैल्यू जो भी हमें रिट्रीव कर सकते हैं इजीली उसको जस्ट यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो के यहाँ पर जस्ट बोलेंगे की. ओके सेकेंड जस्ट यहाँ पर डिक्शनरी कीज कैन बी यूज टू कंसिडर इंडेक्स फॉर सीरीज. ओके तो जो यहाँ पर डिक्शनरी है ये जस्ट नोट कीजिएगा, ठीक है, डिक्शनरी की है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, किस लिए यहाँ पर, तो कि इंडेक्स फॉर सीरीज. ओके लाइक एग्जांपल में अभी जस्ट हम देखेंगे यहाँ पर द कीज एंड द डिक्शनरी 1 बिकम्स इंडिसेस इन द सीरीज. ओके लाइक डिक्शनरी 1, ओके डिक्लेरेशन क्या हो यहाँ पर, ओके क्या दिया हुआ, तो कि इंडिया दैट मीन्स यहाँ पर न्यू दिल्ली यूके और ये. ओके ये जस्ट यहाँ पर दिया हुआ. ओके नाउ फर्स्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो कि प्रिंट डिक्शनरी कर रहे हैं, तो एग्जिट आउटपुट हमें यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो कि ये जो यहाँ पर शो कर रहा है ये हमें आउटपुट शो करेंगे इंडिया डॉट न्यू दिल्ली, ये एग्जिट शो कर रहा है. ओके नाउ भी यहाँ पर जस्ट देखें तो कि क्या बता रहे, तो कि इनपुट पांडा जेड पी डी देन द सीरीज 8 पी डी डॉट सीरीज डिक्शनरी 1. डिक्शनरी 1 मीन्स कौन सा, तो कि ये जो पार्ट है पूरा. ओके ये डिक्शनरी 1 जो भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ. ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो प्रिंट सीरीज 8 और ये सीरीज प्रिंट कर रहे हैं, तो कि एग्जिट क्या हुआ, तो कि इंडिया न्यू दिल्ली यूके लंदन जापान, ये जस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है प्रिंट. बट यहाँ पर एग्जिट क्या हो गया, तो कि जस्ट एग्जिट यहाँ पर क्या बताया, देखो द डिक्शनरी कीज कैन बी यूज टू कंटेक्ट इंडेक्स फॉर ए सीरीज. ओके तो कि यहाँ पर जस्ट एज ए इंडेक्स ऑफ सीरीज. चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. ओके टॉपिक एग्जिट क्या बता रहे हैं, देखो एक्सेसिंग यहाँ पर एक्सेस करना है एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज. ओके तो कि जो सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि दो कॉमन वेज है, कौन सा, एक तो यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू और दूसरा यहाँ पर कैसे, तो कि स्लाइसिंग के थ्रू. इससे जस्ट ये दो यहाँ पर है कि जिसके थ्रू हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं सीरीज के एलिमेंट्स यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं. ओके फर्स्ट यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग. ओके इंडेक्सिंग यहाँ पर क्या है, तो कि इंडेक्सिंग इज अ सीरीज सिमिलर टू दैट 4 नम पाई एरेज एंड इज यूज टू एक्सेस एलिमेंट इन अ सीरीज. सेकेंड तो कि इंडेक्स हैज टू टाइप्स, वन इज अ पोजिशनल इंडेक्स एंड सेकेंड वन इज लेबल इंडेक्स. ओके तो ये जस्ट यहाँ पर दो टाइप के हैं. नेक्स्ट पोजिशन इंडेक्स टेक एन इंटीजर वैल्यू दैट कॉरेस्पॉन्डिंग इट्स विद पोजिशन दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो पहले से हमें पता है, तो कि इंडेक्स जस्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से. वेर द लेबल इंडेक्स टेक्स एनी यूजर डिफाइंड लेबल्स एज इंडेक्स, लाइक हमने प्रीवियस हमने जैसा एग्जाम्पल में देखा था, तो कि कौन सा दिया था, तो कि जनवरी
फरवरी जैसे यहाँ पर हमने जो दिया था, ये कौन से हो जाएंगे? तो कि यूजर डिफाइंड लेबल्स, एंड यहाँ पर जो पोजिशनल्स बता रहे थे कि पोजिशनल में कौन से 0, 1, 2, 3 ये कौन से हो जाएंगे? तो के पोजिशनल। ओके अभी जस्ट यहाँ पर एग्जांपल में देखे तो कि क्या बता रहे हैं, फॉलोइंग शोज द यूसेज ऑफ द पोजिशनल इंडेक्स फॉर एक्सेसिंग वैल्यू फ्रॉम द सीरीज। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखे क्योंकि तो के सीरीज नाम इज इक्वल टू पीडी सीरीज देन यहाँ पर 10, 20, 30। ओके नाउ अभी क्या करना है तो कि हमें एलिमेंट एक्सेस करना है। ओके कैसे, यहाँ पर देखे तो कि सीरीज नेम यहाँ पर दिया हुआ है 2। ओके एंड आउटपुट कौन सा है 30। कैसे यहाँ पर तो कि ये जो 10 है तो उसका इंडेक्स वैल्यू 0, देन 20 है तो उसका इंडेक्स 1 और जो यहाँ पर 30 है उसका इंडेक्स वैल्यू हो गया 2। दैट मीन्स आंसर कौन सा आया तो के 30। ओके तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो कि जस्ट इंडेक्स पोजिशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं सीरीज में से। चले नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो के सेम टॉपिक। ओके बट यहाँ पर हम जस्ट देखते हैं इंडेक्सिंग कैसे करें। व्हेन द लेबल्स आर स्पेसिफाइड वी कैन यूज द लेबल्स एट इंडिसेस यहाँ पर, और इंडिसेस का यहाँ पर मतलब हम क्या करेंगे इंडेक्स। व्हाइल द सिलेक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द सीरीज एज ऑन बिलो दैट वैल्यू 3 इज डिस्प्लेज एट फॉर द लेबल इंडेक्स मार्च। ओके अभी देखो यहाँ पर एग्जिट हम देखें तो कि क्या बताया तो कि एक जस्ट नाम दिया pd dot series then the 2, 3, 4 array declaration और index value exit क्या हो गया तो कि फरवरी मार्च एंड अप्रैल। ना अभी क्या कर रहे हैं देखो तो कि यहाँ पर हम जिस कर रहे हैं तो कि एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर सीरीज को, बट यहाँ पर सीरीज एक्सेस कैसे कर रहे हैं यहाँ पर तो कि लेबल्स यूज करके। ओके एंड जो वैल्यू जो दिया हुआ है वो यहाँ पर लेबल्स क्या है तो कि जस्ट यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग में दिया हुआ, तो एग्जिट यहाँ पर कौन सा दिया तो कि मार्च दिया हुआ है। ओके तो मार्च यहाँ पर हम देखें तो कि जस्ट यहाँ पर इसका कौन सा हो गया तो कि 0 एंड यहाँ पर सेकेंड सॉरी 0 एंड 1, तो यहाँ पर हम देखें तो जस्ट यहाँ पर भी सेम 0 एंड तो कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो कि 1। ओके तो ये जस्ट हमारा आंसर कौन सा हो गया तो कि यहाँ पर हमें 3 शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ओके इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल दैट्स वैल्यू न्यू डेली इज डिस्प्ले फॉर द लेबल इंडेक्स इंडिया। ओके जस्ट यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं देखो सेम यहाँ पर तो के सीरीज यहाँ पर देन पीडी सीरीज देन यहाँ पर कुछ सिटीज के नेम दिए हुए हैं सीरीज में। ओके एंड इंडेक्स वैल्यू क्या दिया है तो कि इंडिया यूएस एंड जस्ट यूके फ्रांस ये यहाँ पर दिया हुआ है। ओके बट अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो कि जिस यहाँ पर जो लेबल इंडेक्स कौन सा तो कि इंडिया तो कि उसके थ्रू हम उसका सिटी नेम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं। ओके तो कि जस्ट यहाँ पर ये 0th पोजीशन पर है और यहाँ पर भी ये 0 तो कि जस्ट यहाँ पर इंडिया जस्ट दिया हुआ है तो दैट्स व्हाई दैट डिस्प्लेज अ न्यू दिल्ली। तो सिंपल है तो कि जस्ट यहाँ पर न्यू दिल्ली इज डिस्प्लेज फॉर द लेबल इंडेक्स कौन सा तो कि इंडिया। ओके ये जस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं स्क्रिप्ट ने यहाँ पर सीरीज ओके जस्ट एक सिंपल यूज किया हुआ है एक्सेस एन एलिमेंट फॉर द सीरीज यूजिंग पोजिशनल इंडेक्स। तो पोजिशनल इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ 1 और 1 में यहाँ पर क्या रहा है तो कि वॉशिंगटन डीसी और 1 में एग्जिट यहाँ पर देखे तो कि ये 0th पोजिशन एंड ये कौन सा पोजिशन तो कि 1, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें क्या शो कर रहा है तो कि वॉशिंगटन डीसी। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंडेक्सिंग में। ओके तो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए सीरीज कैन बी एक्सेस। ओके तो कि यहाँ पर जो सिंपल मोर देन वन एलिमेंट ओके एंड एक्सेस यूजिंग लिस्ट ऑफ पोजिशनल इंटीजर्स और अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेबल। कैसे यहाँ पर देखे सीरीज ने कैसे एग्जिट किया तो कि सीरीज एंड 3, 2। ओके एंड यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है तो कि जैसे एक और सीरीज के थ्रू प्रिंट करें एंड यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ तो कि यूके एंड यूएसए, तो यहाँ पर देखें तो कि यूके जैसे लंदन एंड यूएसए उसका यहाँ पर जो है समय शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जांपल। द इंडेक्स वैल्यू एसोसिएट विद द सीरीज कैन बी अल्टर असाइनिंग द न्यू इंडेक्स वैल्यू। ओके तो यहाँ पर जैसे हम क्या कर सकते हैं उसको जैसे यहाँ पर वैल्यू सीरीज को भी अल्टर कर सकते हैं और उसका न्यू वैल्यू सॉरी न्यू इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर देखे। ओके एग्जिट यहाँ पर क्या हुआ देखो तो के सीरीज क्या है जिस यहाँ पर दे दिया हमने 10, 20, 30 एंड 40। प्रीवियस हमने जिस क्या दिया था तो के जिस वहाँ पर हमने कंट्री नेम दिया था
तो एग्जिट क्या हुआ, तो कि देखो ये जिस अभी वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तो कि ये हो गया यहाँ पर उसका इंडेक्स वैल्यू, ओके। एंड बाकी ये जो ऑलरेडी वहाँ पर यूज़ किया था हमने, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर स्लाइसिंग दिया हुआ, और स्लाइसिंग जिस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो, आज के ट्यूटोरियल में हम जस्ट कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज, ओके। लास्ट जितने भी ट्यूटोरियल्स, जितने भी हम चैप्टर नंबर 2 में जितना देखा, हमने जस्ट स्टार्ट किया था सीरीज, और सीरीज में जस्ट वहाँ पर इंडेक्स एंड जस्ट वहाँ पर हमने जो एलिमेंट्स डेटा वैल्यू थे, ओके। तो अगर जैसे एक्सेस करना है, तो कि जैसे हमने देखा था लास्ट में, हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम जैसे क्या कर सकते थे कि वैल्यू को यहाँ पर जो भी डेटा वैल्यू उसको एक्सेस कर सकते थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम जैसे स्टार्ट करेंगे स्लाइसिंग, ओके। तो स्लाइसिंग एग्जिट यहाँ पर यूज़ क्या है, तो कि जस्ट यहाँ पर एक जस्ट बताया, टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ द सीरीज दैट कैन बी डन थ्रू द स्लाइसिंग, ओके। तो यहाँ पर जस्ट लास्ट प्रीवियस हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एक जैसे यहाँ पर देखा था 0, 1, 2, 3, और यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज जस्ट यहाँ पर हम टाइप करें, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमें यहाँ पर 12, ओके, ये नंबर एक्सेस करना है, तो हमें जस्ट इंडेक्स के थ्रू हम जस्ट वहाँ पर क्या कर सकते थे, तो कि 12 को एक्सेस कर सकते थे, ओके। अभी यहाँ पर एग्जिट क्या है, तो टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ सीरीज, ओके। तो कि यहाँ पर सीरीज का जस्ट कोई पार्ट एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं, ओके। सिमिलर टू स्लाइसिंग यूज विद अ नम पाई एरेज, वी कैन डिफाइन द पार्ट ऑफ द सीरीज टू बी स्लाइस बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट एंड एंड पैरामीटर्स, यानी कि हम सीरीज को क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, ओके। तो कि जैसे हमें क्या स्पेसिफाई करना है, तो कि एक तो हमें यहाँ पर स्टार्ट एंड दूसरा एंड पैरामीटर हमें स्पेसिफाई करना है, इन शॉर्ट कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक वो सीरीज हमें एंड करना है, कहाँ तक हमें वो पार्ट चाहिए, ओके। व्हेन वी यूज अ पोजिशनल इंडिसेस, दैट मीन्स इंडेक्स, ओके, जैसे यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे इंडेक्स फॉर स्लाइसिंग, द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स, ओके, स्टार्ट एंड एंड पोजिशन इज एक्सक्लूडेड, ओके। तो यहाँ पर जस्ट एक वर्ड दिस प्रॉपर, ये जस्ट नोट डाउन कीजिएगा, द एंड इंडेक्स पोजिशन इज एक्सक्लूडेड, यानी कि जो लास्ट वन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ओनली नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ द सीरीज एज एक्सट्रैक्टेड, ओके। तो यहाँ पर एंड माइनस स्टार्ट जो यहाँ पर फॉर्मूला बेस हो यहाँ पर वर्क करेगा, ओके। तो द सिंपल स्लाइस यहाँ पर क्या यूज होगा, तो कि कुछ हमें पार्ट सीरीज जो ऑलरेडी है उसमें से हमें कुछ डेटा वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ओके। तो हमें दो पैरामीटर्स देने होंगे, एक स्टार्ट और दूसरा यहाँ पर एंड, और यहाँ पर अगर स्लाइस करते हैं आप, ठीक है, तो कि जस्ट यहाँ पर क्या होगा, तो कि एंड जो इंडेक्स होगा उसको वो क्या कर देगा, एक्सक्लूडेड कर देगा यहाँ पर, यानी कि वो डिस्प्ले नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो कि स्लाइस का एक जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है, ओके। तो इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी, यहाँ पर जस्ट हमने पाइथन जो पांडास लाइब्रेरी को जस्ट इंपोर्ट किया, ओके। जैसे एक सीरीज पीडी डॉट सीरीज, ओके, द सेम प्रीवियस एग्जांपल, न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, एंड इंडेक्स वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ है, ओके। नाउ अभी देखो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, तो कि जस्ट यहाँ पर क्या किया, तो कि 1:3 दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, दैट मीन्स 1, 2, 3, ओके, 1, 2, 3 दिया, बट यहाँ पर जो थर्ड है उसको वो क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जस्ट बात करें, तो कि यहाँ पर जस्ट कौन सा, तो कि न्यू दिल्ली 4, 0, वॉशिंगटन 1, देन लंदन, देन यहाँ पर 2, एंड लास्ट वन था पेरिस यहाँ पर 3, ओके। अभी जस्ट यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो कि 1 से स्टार्ट हुआ, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक जो वैल्यू रहेगा वो अपना रहेगा वॉशिंगटन, एंड यहाँ पर 3 तक, तो कि 1 एंड 2, तो सेकेंड वैल्यू यहाँ पर जस्ट कौन सा आना चाहिए, तो कि ये नंबर, ओके। एंड जस्ट 3 जो थर्ड वन है वो यहाँ पर क्या होगा, तो कि ये यहाँ से एक्सक्लूड होगा, यानी कि ये प्रिंट नहीं होगा, तो दैट यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या शो कर रहा है, देखो, तो कि इंडेक्स यहाँ पर USA, ओके, तो कि एक जस्ट ये प्रिंट हो रहा है, ओके, एंड सेकेंड यहाँ पर, तो कि इंडेक्स UK, तो ये दोनों प्रिंट, एंड एग्जैक्टली सेम, तो कि यहाँ पर वॉशिंगटन DC एंड जो यहाँ पर लंदन, तो ये जस्ट यहाँ पर एग्जिट क्या यूज़ किया है, तो कि यहाँ पर वो स्लाइस
यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि जस्ट कुछ ही पार्ट, यानी कि वो एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर. ओके नाउ जस्ट यहाँ पर जो बता रहा ऑलरेडी जो आउटपुट है डेटा वैल्यूज एट द इंडिसेस दैट मीन्स इंडेक्स. ओके इंडेक्स वन एंड टू आर डिस्प्लेस्ड. ओके थर्ड को उसने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया. ओके सेकेंड यहाँ पर जस्ट देखते हैं, इफ द लेबल इंडेक्स आर यूजिंग फॉर स्लाइसिस एंड द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स लेबल इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द आउटपुट. ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जस्ट देखे तो कि क्या एग्जिट यूज कर रहे हैं, तो कि यूएसए एंड कोलन टू फ्रांस. ओके तो यहाँ पर हम देखे तो प्रीवियस वन, तो कि यूएसए ओके टू यहाँ पर फ्रांस कोलन यूज कर रहे हैं. तो एग्जिट कैसे यहाँ पर, तो कि यहाँ पर जस हम करें तो कि यूएसए तेजस यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कि यूएसए से क्या होना चाहिए, यूएसए से यहाँ से क्या हुआ स्टार्ट, उसके बाद नेक्स्ट में जो भी है एंड जो यहाँ पर है तो के फ्रांस, ये तो यहाँ से जस्ट क्या हुआ तो कि यूएसए स्टार्ट, बीच में कौन सा आ रहा है यूके आ रहा है एंड लास्ट वन इज फ्रांस. ओके तो कि जो इंडेक्स वैल्यू अगर जैसे यहाँ पर दे रहे हैं तो दस ये भी हमें यहाँ पर कर सकते हैं, बट बीच में यूज कौन सा करें है कोलन यूज करें. ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वी कैन ऑल्सो गेट द सीरीज इन अ रिवर्स ऑर्डर. ओके तो रिवर्स ऑर्डर में भी दे सकते हैं, तो कि जस्ट एग्जिट कैसे हैं, तो कि वही सेम प्रीवियस हमें एंड जस्ट एक्सेस यहाँ पर देखो तो कि जस्ट ब्लैंक ब्लैंक एंड माइनस वन, दैट मीन्स यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है. तो देखो एग्जिट यहाँ पर तो जस्ट सीरीज देखे तो कि फ्रांस यूके यूएस एंड इंडिया. ओके तो ये जस्ट एग्जिट यहाँ पर क्या हुआ, तो कि ये रिवर्स ऑर्डर देखे यहाँ पर जस्ट आ रहा है इंडिया यूएस एंड यूके एंड फ्रांस, ये इसका जस्ट ओरिजिनल ऑर्डर है. एंड रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, तो कि फ्रांस यूके यूएस एंड इंडिया. तो ये जस्ट हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कि रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर प्रिंट कर रहा है. चलो नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पर, वी कैन ऑल्सो यूज स्लाइसिंग टू मॉडिफाई द वैल्यूज. ओके यहाँ पर स्लाइस का हम यूज कर सकते हैं, किस लिए यूज कर सकते हैं, तो कि वैल्यू को मॉडिफाई करना है. ओके तो कि वैल्यूज मॉडिफाइड सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स नॉन एज दैट्स यहाँ पर हो सकता है, कैसे, तो कि सिंपल है, तो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यूज, किसकी वैल्यूज को, जो सीरीज एलिमेंट्स है, कैसे. ओके तो कि नंपाई यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं. ओके एंड नेक्स्ट पी डी डॉट सीरीज दैट यहाँ पर एक दे रहे हैं एन पी डॉट अरेंज. ओके एंड क्या दिया यहाँ पर 10 16 एंड 1. ओके इंडेक्स एग्जिट यहाँ पर क्या हो गया, तो कि ए बी सी डी ई एफ यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ. ओके अभी देखो यहाँ पर एग्जिट क्या हो गया, तो कि जस्ट यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ए जस्ट यहाँ पर उसका क्या हो गया, तो कि ये उसका यहाँ पर हो गया इंडेक्स वैल्यू एंड जो सीरीज था तो कि 10 टू 16 एंड 1 बाय, तो यहाँ पर 10 टू यहाँ पर जस्ट 15 यहाँ पर जस्ट हो गया, तो कि 16 को वो क्या कर रहा था एक्सक्लूड कर रहा था, तो 10 टू 16 तो यहाँ पर जस्ट 10 टू यहाँ पर 15 हमें शो कर रहा है. चलो नेक्स्ट वन यहाँ पर हम देखते हैं, वी कैन ऑल्सो स्लाइसिंग टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ सीरीज एलिमेंट एंड ओके तो यहाँ पर हम जस्ट क्या कर सकते हैं, तो कि एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे, तो कि देखो यहाँ पर अलग क्या क्या हुआ, तो प्रीवियस वन थे यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो कि जस्ट वहाँ पर वैल्यू दिया था एंड जस्ट सीरीज में कुछ वैल्यू यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो कि फर्स्ट एंड सेकेंड में यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो कि 11 एंड 12. ओके अभी देखो यहाँ पर क्या क्या है, सीरीज अल्फा दैट 1 2 3 दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा चेंज होगा, तो कि फॉर एग्जांपल अगर करें तो कि ये 0 देन ये 1 2 3 4 एंड 5. ओके बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो कि 1 2 3 दैट मीन्स जो चेंज होगा वो कहाँ पर होगा, 1 एंड 2 3 को वो यहाँ पर एक्सक्लूड करेगा, तो उसका वैल्यू यहाँ पर जस्ट क्या हो गया, तो कि चेंज हो गया 50, यानी कि वो वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया, जो डेटा वैल्यू था सीरीज का वो वैल्यू को यहाँ पर उसने मॉडिफाई किया विद द वैल्यू 50. ओके चल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. ओके स्लाइसिंग इट चेंजेस द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स. ओके एग्जिट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो कि चेंजेस कर रहे हैं, तो कि वैल्यू एट द एंड इंडेक्स लेबल एंड कब करेगा, तो कि व्हेन द स्लाइसिंग डन यूजिंग लेबल्स. ओके अभी देखो यहाँ पर जस्ट क्या कर रहे हैं, तो कि जस्ट अगर लेबल्स के थ्रू हम कर रहे हैं, तो कि हम जस्ट वहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं. अभी जस्ट एग्जिट कैसे हुआ, तो कि सीरीज अल्फा सी टू ई दैट मीन्स यहाँ से सी टू इफ. ओके और उसका वैल्यू कितना कर दिया, तो कि यहाँ पर जस्ट चेंज हो गया 500. ओके तो जस्ट यहाँ पर किसका यूज़ किया, तो कि इंडेक्स लेबल का यूज़ कर रहे हैं बीच में से, जस्ट यहाँ पर सी टू
ई का जितना भी वैल्यू था, जैसे यहाँ पर हम देखें तो कि जैसे यहाँ पर सी टू जो भी यहाँ पर वैल्यू 50, 30 एंड 40 शो करा, बट यहाँ पर देखो वैल्यू कितना चेंज हो गया, तो यहाँ पर कर दिया 500, 200 एंड 500, तो यहाँ पर वो वैल्यू चेंज हुआ। चले नेक्स्ट, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज हैं, ओके, तो वो हम नेक्स्ट यहाँ पर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो सीखा था इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सीरीज। ओके, एक्चुअल में एट्रीब्यूट्स यहाँ पर क्या है, तो कि एट्रीब्यूट्स यहाँ पर क्या है, तो कि वी कैन एक्सेस अ सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो कुछ यहाँ पर एट्रीब्यूट जो सीरीज के एट्रीब्यूट्स है वो एक्चुअल में यहाँ पर जस्ट क्या है, तो कि जस्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम क्या कर रहे हैं, तो कि एक्सेस कर रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पर क्या होगा, तो कि जस्ट यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स, किसके एट्रीब्यूट्स, तो के सीरीज के एट्रीब्यूट्स। ओके, फर्स्ट अभी हम जस्ट स्टार्ट करें एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडा सीरीज। ओके, जो पांडा सीरीज है उसके कुछ यहाँ पर एट्रीब्यूट्स। ओके, फर्स्ट जो एट्रीब्यूट नेम दिया हुआ है इंडेक्स डॉट नेम। ओके, इंडेक्स डॉट नेम, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, असाइन ए नेम टू द इंडेक्स टू द सीरीज। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जिट हम क्या कर रहे हैं, तो कि सीरीज जैसे यहाँ पर नेम दिया हुआ है डॉट इंडेक्स डॉट नेम, और उसका जिस नाम यहाँ पर हमने क्या असाइन किया, कंट्रीज। ओके, एंड जिस यहाँ पर कौन सा हमने जिस यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज किया, तो कि इंडेक्स डॉट नेम। ओके, अभी एग्जिट यहाँ पर देखिए आउटपुट हम जिस यहाँ पर प्रिंट कर रहे, तो एग्जिट क्या हुआ, तो कि ये देखो यहाँ पर, तो कि जस्ट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो सीरीज था अपने पास उसको हमने जस्ट यहाँ पर क्या कर दिया, तो कि नेम असाइन कर दिया। ओके, तो पूरा सीरीज को यहाँ पर हमने नेम असाइन किया। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो कि जस्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट दिया हुआ वो वैल्यू एट्रीब्यूट है। ओके, तो एग्जिट वो क्या करेगा, प्रिंट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज। ओके, तो जो सीरीज है उसकी जो वैल्यूज हैं, तो एग्जिट यहाँ पर कौन सा यूज किया, देखे तो कि फर्स्ट सीरीज नेम एंड यहाँ पर देखे तो कि डॉट वैल्यूज एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। ओके, तो एग्जिट जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया, तो एग्जिट हमें आउटपुट यहाँ पर क्या मिल गया, तो कि ये जैसे अपना यहाँ पर आउटपुट, तो जो अपना सीरीज ने था यहाँ पर हमें शो करेगा। ओके, तो ये था वैल्यू एट्रीब्यूट। ओके, थर्ड वन यहाँ पर दिया हुआ साइज। ओके, दिस एग्जिट नेम सजेस्ट करा हमें प्रिंट नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज ऑब्जेक्ट, तो जो ऑलरेडी सीरीज है, लाइक हमारा जो सीरीज है सीरीज यहाँ पर ये दिया हुआ है, एंड डॉट साइज यूज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो के जस 1, 2, 3, 4। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं, तो के जस हमें आउटपुट ने एग्जिट यहाँ पर क्या शो करा है, तो के 4, ये यहाँ पर थर्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एट्रीब्यूट कौन सा दिया है, तो के एम्प्टी एट्रीब्यूट दिया हुआ है। ओके, अभी जस यहाँ पर प्रॉपर समझेंगे, प्रिंट ट्रू इफ द सीरीज इज एम्प्टी, अगर वहां पर सीरीज में एक भी एलिमेंट्स नहीं है, कुछ भी डेटा वैल्यू नहीं है, ओके, तो यहाँ पर जस क्या करेगा, तो कि यहाँ पर हमें रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज, अगर वहां पर जस कुछ वैल्यू है तो हमें जस रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखे सीरीज कैप्टन जस यहाँ पर डॉट एम्प्टी। ओके, जस बट यहाँ पर हमने जो सीरीज क्रिएट किया हुआ था, तो कि ये सीरीज ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो कि कुछ यहाँ पर जो हमने सीरीज क्रिएट किया हुआ है ये, तो ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर वैल्यूज डेटा वैल्यूज ऑलरेडी दी हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर हमें क्या रिटर्न कर रहा है, तो कि यहाँ पर देखे तो कि यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स। रीजन, तो कि जो यहाँ पर ये सीरीज है उसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर कुछ डेटा वैल्यू ऑलरेडी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखे तो कि जस उसी में सेम एग्जांपल में, तो कि जस यहाँ पर डॉट पी डी एक यहाँ पर एम्प्टी सीरीज यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, सीरीज एम्प्टी डॉट पी डी। पी डी मीन्स हमें जस पता है हमने ऑलरेडी हमने दिया था जस यहाँ पर क्या होना था, तो कि इम्पोर्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इम्पोर्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो कि पांडा एज अंडर्स एज पी डी। ओके, उसके जो यहाँ पर इनिशियल पी डी डॉट सीरीज। ओके, नाउ सीरीज डॉट एम्प्टी, तो यहाँ पर जस्ट एग्जिट आंसर क्या हुआ, ट्रू, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो दैट्स वाई ये हमें जो आंसर शो कर रहा है ये यहाँ पर एम्प्टी शो कर रहा है। चले नेक्स्ट यहाँ पर जो बता रहा है मेथड्स ऑफ सीरीज।
ओके, तो कुछ सीरीज के कुछ मेथड्स यहाँ पर हम यूज करेंगे. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मेथड्स दैट अवेलेबल इन द पांडा सीरीज. लाइक फर्स्ट एक जैसे यहाँ पर एग्जांपल है उसको कंसिडर करें. ओके, सीरीज 1020 देन द पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट अरेंज 10 to 20 देन द 1. ओके, ये सीरीज और जस्ट प्रिंट करें तो जस्ट इंडेक्स यहाँ पर ऑटो डिफाइन कर दिए, बट जैसे यहाँ पर सीरीज दी हुआ है तो 10, 11, 12 ये जिस कहाँ तक तो के 19 और 20 है उसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड. एंड इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम द जिस 0, 0, 2 जितने यहाँ पर है टोटल कितने यहाँ पर तो के 10. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर मेथड फर्स्ट मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं हेड और एंड. तो एग्जिट क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं यहाँ पर. रिटर्न द फर्स्ट एन नंबर्स ऑफ द सीरीज. ओके, फर्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ सीरीज. फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल में देखिए हमने यहाँ पर कितना दिया, 2. तो के जस्ट यहाँ पर हेड है तो के जस्ट यहाँ पर फर्स्ट. ओके, फर्स्ट 2 तो ये देखो यहाँ पर तो के जस्ट कितने हो गए तो के 2, 0 and 1. ओके, इफ द वैल्यू फॉर द एन इज नॉट पास देन द बाय डिफॉल्ट टेक्स अ 5. अगर कुछ भी यहाँ पर वैल्यू देखो यहाँ पर हमने जस्ट पास किया था तो के 2 शो करा है, बट यहाँ पर देखे तो यहाँ पर कुछ भी हमने प्रिंट पास नहीं किया, कुछ यहाँ पर हमने नंबर्स यहाँ पर पास नहीं किए. दैट मीन्स वो कितने यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये टोटल हमें कितने 5. दैट मीन्स यहाँ पर 0, 2, 4 ये जैसे हमें रिटर्न करा, यानी कि डिफॉल्ट वो कितना लेगा तो के जस्ट डिफॉल्ट यहाँ पर 5 यहाँ पर जैसे वो यहाँ पर डिस्प्ले लेगा. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मेथड काउंट मेथड. Returns the number of not a number values. Okay, तो कि यहाँ पर जो नन वैल्यू है वो यहाँ पर सीरीज में कितना है तो यहाँ पर वो प्रिंट कर रहा है. ओके, तो कि जस्ट यहाँ पर not a number value. ओके, तो जस्ट यहाँ पर हमें टोटल कितना रिटर्न कर रहा है तो कि जस्ट यहाँ पर 10. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे यहाँ पर तो कि जस्ट प्रीवियस ऑलरेडी हमने देखा था तो कितने थे 0 to 9. दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 10. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर काउंट हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज अ टेल. तो ये एग्जिट क्या रीजन कर रहा है तो के हेड में क्या था तो के जस्ट फर्स्ट एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं. अब यहाँ पर देखो टेल. ओके, तो रिटर्न्स द लास्ट एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ सीरीज. तो के जो सीरीज में जो लास्ट के जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पर शो करेगा. इफ द वैल्यू इज एन नॉट पास दैट डिफॉल्ट कितना लेगा तो के टेक्स 5. ओके, लास्ट जो भी फाइव्स हैं वो यहाँ पर लेगा. लाइक फॉर एग्जांपल देखें तो 2, तो 2 में देखो यहाँ पर जस्ट कौन से शो कर रहे हैं 8 and 9. ओके, एंड यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं तो कौन से लिए तो के लास्ट 5, 9, 8, then 7, 6 and 5. तो के जो लास्ट के 5 नंबर्स हैं वो यहाँ पर हमें शो करेगा. चले नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं सीरीज में, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. हेलो, आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज. ओके, क्लास 11 में जस्ट ऑलरेडी हमने जस्ट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस वहाँ पर हमने सीखे हुए थे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. ये कुछ मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है वो हमने क्लास 11 में ऑलरेडी ठीक है सीखे हुए थे जो ऑन नम पाई अरेज. ओके, नाउ अभी जिस यहाँ पर सेम जिस यहाँ पर सिमिलर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम सीखने वाले, बट यहाँ पर क्या सीखेंगे तो के ऑपरेशंस ऑन टू सीरीज इन पांडास. ओके, व्हाइल परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज इंडेक्स मैचिंग इज इम्प्लीमेंटेड एंड मिसिंग ऑल द वैल्यूज फिल्ड विद द एन ए एन बाई डिफॉल्ट. ओके, सिंपल यहाँ पर यस क्या है तो कि हम जो सीरीज फिल करने वाले और जो यहाँ पर इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है. ओके, तो जस इन शॉर्ट वहाँ पर वो जस क्या प्रिंट करेगा तो कि जस वहाँ पर हमें जस वो शो कर देगा एन ए एन वैल्यू. कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज. तो यहाँ पर दो सीरीज हम जस कंसिडर कर रहे होंगे, पहले यहाँ पर क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर रहता है जो सीरीज के जो भी ऑपरेशंस है वो यहाँ पर हम देखेंगे. ओके, अभी देखो फर्स्ट सीरीज ए. सीरीज ए क्रिएट किया दिस पीडी. पीडी मीन्स यहाँ पर जो हमें पता ऑलरेडी जो हमें पता होना चाहिए तो कि जो हमने पहले यहाँ पर क्या किया होगा तो कि इम्पोर्ट यहाँ पर जो हमने लाइब्रेरी यूज किया होगा पांडास एज पीडी. ओके, तो ये जो हमने लाइब्रेरी इम्पोर्ट किया तो कि पीडी डॉट सीरीज एंड यहाँ पर एक सीरीज
एंड हमने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर दिया। तो जैसे इंडेक्स ए बी सी डी दैट अगर आउटपुट यहाँ पर हम जस्ट देख रहे हैं, ये जस्ट इसका आउटपुट हमें शो कर रहा है। तो ये जस्ट यहाँ पर है पूरे जो भी यहाँ पर नंबर्स है, ये एक्चुअल में क्या है, तो कि ये इंडेक्स वैल्यू एंड ये जस्ट अपना यहाँ पर सीरीज जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। एंड द सीरीज वे सिमिलर वे जस्ट यहाँ पर पी डी देन द सीरीज कुछ यहाँ पर वैल्यूज दिया एंड यहाँ पर भी जस्ट कुछ इंडेक्स वैल्यू जस्ट दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ओके एडिशन ऑफ टू सीरीज, तो एडिशन मीन्स जस्ट पता है यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ पर सम एडिशन करना एक जस्ट यहाँ पर देखते हैं। ओके फर्स्ट मेथड, ओके तो यहाँ पर जस्ट टू वेज है, दो मेथड्स यहाँ पर कुछ दिए। तो फर्स्ट मेथड में यहाँ पर क्या है, टू सीरीज आर सिंपली एडेड टूगेदर, यानी कि दो सीरीज जस्ट वहां पर एड कर रहे हैं। ओके देन यू आर नॉट दैट आउट ऑफ आउटपुट ऑफ एन, ओके जस्ट आउटपुट ऑफ एडिशन इज एन ए एन। ओके अगर जस्ट वहां पर आउटपुट में यहाँ पर हमें जस्ट शो करता है एन ए एन, दैट मीन्स इफ वन ऑफ द एलिमेंट्स और द बोथ एलिमेंट्स हैव नो वैल्यूज, लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो हमने जस्ट यहाँ पर क्या किया, तो सीरीज ए सीरीज बी, और यहाँ पर हम देखें तो जस्ट ये जो पूरा है ये एग्जिट क्या हुआ, तो के इंडेक्स वैल्यू है। ओके एंड यहाँ पर देखें तो के सीरीज ए और सीरीज बी अगर वो क्या हुआ, तो के दोनों के यहाँ पर एलिमेंट्स अगर वो वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर देखें जस्ट यहाँ पर ऑलरेडी जस्ट दिया हुआ, तो के हमने जस्ट देखा था ए एंड जो भी यहाँ पर सीरीज है और सीरीज बी के अंदर। चलो ओके एग्जिट यहाँ पर देखो, तो ये जस्ट एन की प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो तो सीरीज ए का वैल्यू जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ 1 2 3 4 5, ओके एंड नीचे यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कौन से थे, तो ए बी सी डी एंड ई वाई जेड। ओके आपने जैसे यहाँ पर अभी देखा तो एक्स वाई जेड ए सी ई और यहाँ पर ए सी ई ये कॉमन था। ओके नेक्स्ट यहाँ पर हम देखे सीरीज यहाँ पर जस्ट एक्चुअल में यहाँ पर जो सीरीज यहाँ पर दिया हुआ है सीरीज बी, यहाँ पर जस्ट ये सीरीज रहेगा यहाँ पर बी। ओके तो जस्ट यहाँ पर माइनस टेन, तो जस्ट यहाँ पर बी में कुछ यहाँ पर नहीं है, देन यहाँ पर तो के बी में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो डेट्स व्हाई यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, एलिमेंट जस्ट नहीं है, तो के यहाँ पर जस्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा नैन, यहाँ पर एन ए एन, तो यहाँ पर भी जस्ट प्रिंट करा है। एंड एक्चुअली यहाँ पर सीरीज ए में यहाँ पर वैल्यू नहीं है, ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पर इंडेक्स कौन सा सीरीज बी का इंडेक्स है, तो भी यहाँ पर जस्ट वैल्यू कौन सा शो करेगा एन ए एन। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ द सेम यहाँ पर टू सीरीज। ओके तो अभी देखो दिस डिफरेंट क्या करे, इन द सेकंड मेथड इज अप्लाई वी डू नॉट वांट हैव द एन ए एन वैल्यूज, अगर वहां पर आउटपुट में हमें एन ए एन वैल्यूज नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, वी कैन यूज द सीरीज मेथड एड। तो ये जस्ट पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में जस्ट नोट कीजिएगा, अगर इन केस अगर हमें वहां पर एन ए एन वैल्यू नहीं चाहिए तो जस्ट हम यहाँ पर सीरीज में एक मेथड यूज करेंगे, मेथड कौन सा एड, एंड अ पैरामीटर फील विद द रिप्लेस मिसिंग वैल्यू विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू वहां पर जो नॉट आ रहा है, जिस कुछ वैल्यू नहीं कर रहे हैं हम, तो उसकी जगह क्या होना चाहिए, तो कुछ वैल्यू वहां पर स्पेसिफाई करना है। ओके कॉलिंग सीरीज डॉट ए, ओके यहाँ पर ब्रैकेट में पैरामीटर सीरीज बी पास कर दिया, एंड देन ए इज इक्वल टू कॉलिंग अ सीरीज ए प्लस बी, तो जैसे प्रीवियस हमने यूज किया था सीरीज ए प्लस बी, बट एड जो मेथड यहाँ पर है अलाउ द एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट इन सीरीज ए और सीरीज बी दैट माइट बी मिसिंग। ओके एग्जैक्ट देखो यहाँ पर सीरीज ए डॉट एड क्या एड कर रहे हैं, तो कि सीरीज बी एंड जो मिसिंग वैल्यू है सीरीज आइदर सीरीज ए और बी में, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक जस्ट यूज किया कौन सा, तो के फील वैल्यू, और क्या यूज किया हमने यहाँ पर, क्या ऐड कर दिया, तो के जीरो, बट स्पेशली हमने मेथड कौन सा यूज किया यहाँ पर, तो के एड। ओके अभी देखो यहाँ पर जस्ट प्रीवियस टेबल हमने जस्ट देखा था, तो के यहाँ पर क्या था, तो के यहाँ पर भी नन था यहाँ पर और यहाँ पर, एंड नाउ अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो जस्ट यहाँ पर फील क्या हो जाएगा, तो के जीरो, ओके एंड यहाँ पर भी जस्ट क्या फील हो जाएगा, तो जीरो। अभी देखो आउटपुट में यहाँ पर जैसे हमें क्या कर रहा है, सो तो के टू कर रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर फोर एंड यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर 10 शो कर रहा है, तो एग्जिट क्या हुआ, तो के यहाँ पर 2 + 0, तो आंसर 2, फिर 4 + 0 देन 0 + 20 एंड 0 + 10, तो जस्ट मिसिंग जो वैल्यू था वहां पर पहले एन ए एन, ओके ये जस्ट हमें शो कर रहा था, बट नाउ भी हमने जस्ट रिप्लेस किससे किया,
तो केजस व्हील वैल्यू हम पर जीरो कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सबट्रैक्शन। ओके सबट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज। ओके अभी एग्जिट देखो, नाउ वी रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू 1000 बिफोर सबट्रैक्शन ए, सॉरी सबट्रैक्शन फ्रॉम सीरीज बी फ्रॉम सीरीज ए यूजिंग अ मेथड सबट्रैक्शन। ओके एग्जिट देखिए, यहाँ पर सीरीज ए माइनस सीरीज बी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस जैसे पहले हमने एडिशन में देखा था, तो यहाँ पर जस्ट कौन सा प्रिंट कर रहा है, एन ए एन यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि एक में जस्ट वो सीरीज मिस कर रहे हैं, जस्ट उसका वैल्यू नहीं दे रहा है इंडेक्स के सामने, वो नहीं है। ओके नाउ भी यहाँ पर देखो सबट्रैक्शन मेथड हम यूज कर रहे हैं सीरीज ए डॉट सबट्रैक्शन एंड सीरीज बी, और कौन सा वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जस्ट फिल कर रहे हैं 1000। ओके अभी यहाँ पर देखो जस्ट 998 आया, 998 क्यों, तो के जस्ट उसका प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर कौन सा था, 2, 4, 20 and 10, ये प्रीवियस वैल्यू था। अभी देखो जस्ट यहाँ पर एग्जिट उसी तरह से आउटपुट शो करा है, तो जस्ट 1000 था, 1000 में से जस्ट क्या कर दिया, तो के माइनस 2 कर दिया, फिर यहाँ पर 4 था, तो दैट मीन्स 996 एंड यहाँ पर देखो तो वहाँ पर 20 एंड यहाँ पर 10 जो उसका प्रीवियस वैल्यू था, उसने जस्ट यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में से वो माइनस कर दिया, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर आउटपुट ये शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सीरीज। ओके तो जस्ट यहाँ पर इट कैन बी जस्ट टू वे, और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो रिप्लेसिंग बिफोर रिप्लेसिंग, तो ऑब्वियस वहां पर हमें क्या शो करेगा, तो एन ए एन यहाँ पर प्रीवियस ऑलरेडी था, तो कि एक इंडेक्स में वो वैल्यू इंडेक्स वैल्यू क्या कर रहा था, मिसिंग कर रहा था, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमें आंसर शो करेगा एन ए एन, यहाँ पर भी एन ए एन और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कि एन ए एन। ओके एंड यहाँ पर जस्ट बिफोर रिप्लेसिंग जीरो है। नाउ भी नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो के जैसे हम क्या कर रहे हैं, तो के वो वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं जीरो से, तो एग्जिट यहाँ पर देखो जिस मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन मेथड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो एग्जिट क्या हुआ, सो सीरीज ए डॉट एम यू एल देन द सीरीज बी फिल वैल्यू विद अ जीरो। ओके तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर दोनों जगह पर जीरो। एग्जिट टेबल में देखो तो यहाँ पर भी सीरीज होगा अपना बी, तो 1 जिस यहाँ पर इंटू 10 तो माइनस 10। ओके बट यहाँ पर देखो 2 इंटू 0 तो ऑब्वियस आंसर यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा। देन यहाँ पर 4 इंटू 0 तो यहाँ पर आंसर 0 ही होगा। एंड यहाँ पर क्या हुआ, तो कि यहाँ पर ये जो सीरीज ए में वैल्यू है मिसिंग था वाई और जेड का, तो यहाँ पर 0 इंटू 20 तो आंसर 20। एंड यहाँ पर भी जस्ट क्या हो जाएगा, 0 इंटू यहाँ पर 0 सो आंसर करेगा, तो ये एग्जिट यहाँ पर रिप्लेस 0 से रिप्लेस कर रहे हैं तब। चलो नेक्स्ट यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं। ओके अभी डिवीजन के लिए यहाँ पर जस्ट क्या हुआ, तो कि ये भी यहाँ पर जस्ट दो मेथड से हम डिवीजन कर सकते हैं, लाइक सिंपल यहाँ पर सीरीज डिवीजन करें तो सीरीज ए डिवीजन सीरीज बी। ओके जस्ट माइनस 10 और यहाँ पर जस्ट बिफोर यहाँ पर 0 अगर कर रहे हैं तो हमें ये आंसर शो करेगा ऑब्वियस, लाइक यहाँ पर टेबल में हम देखें तो यहाँ पर भी सीरीज बी। ओके तो 1 and 10 तो यहाँ पर, देन यहाँ पर भी कुछ वैल्यू नहीं, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर, तो आंसर हमें क्या शो करेगा, तो ये हमें जस्ट शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जस्ट टू जो डिवीजन था, तो ओके नाउ रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू विद अ जीरो बिफोर डिवीजन टेबल ए एंड टेबल बी। ओके तो यहाँ पर देखो जस्ट मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, तो के सीरीज ए देन मेथड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो के डिवीजन नाउ द सीरीज बी एंड रिप्लेस विद द वैल्यू जीरो। ओके अभी यहाँ पर देखो जस्ट हमें की वर्ड शो करेगा आई एन एफ। ओके तो देखो टू देन यहाँ पर जस्ट कर रहे हैं, तो जस्ट जीरो, तो ये जस्ट यहाँ पर हमें शो कर रहा है एंड यहाँ पर भी जस्ट जीरो था और यहाँ पर जस्ट जीरो। ओके तो जस्ट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हमें जस्ट डिवीजन शो कर रहा है एंड यहाँ पर भी डिवीजन शो कर रहा है, तो ये ऑब्वियस यहाँ पर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर डेटा फ्रेम। ओके तो ये जो डेटा फ्रेम टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे एंड लास्ट में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। हेलो, आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का सेकंड जो टॉपिक था वो फ्रेम। इससे पहले हमने जस्ट सीखा था तो के सीरीज। ओके और सीरीज हमने इससे पहले सीखा था, अभी जस्ट हम स्टार्ट करेंगे डेटा फ्रेम।
ओके फर्स्ट यहाँ पर क्या बता देगा, वी नीड टू वर्क ऑन द मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम। ओके तो प्रीवियस हमने जैसे यहाँ पर सीखा था तो कि सीरीज कैसे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड ये एक्चुअल में क्या था, सीरीज। नाउ अभी यहाँ पर क्या बताया, टू वर्क विद मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम वी नीड टू प्रोसेस द टेबुलर डेटा। तो जस्ट सिंपल है भाई, हाँ अभी यहाँ पर जो हम वर्क करेंगे वो जस्ट यहाँ पर कौन सा वर्क करेंगे, तो कि जस्ट वी वर्क ऑन द टेबुलर डेटा। और टेबल में जस्ट हमें पता है तो कि टेबल में जस्ट क्या होता है, तो कि रोज होती हैं एंड जस्ट क्या होते हैं, कॉलम्स। ओके फॉर एग्जांपल जस्ट दिया हुआ है तो कि रिजल्ट ऑफ अ क्लास द आइटम्स इन अ रेस्टोरेंट्स मेनू और द रिजर्वेशन चार्ट ऑफ द ट्रेन। तो ये बेसिकली जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल किसके हैं, तो कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वो टेबुलर डेटा के हैं। ओके नेक्स्ट के यहाँ पर जैसे पांडास स्टोर द सर्च आर टेबुलर डेटा यूजिंग डेटा फ्रेम। तो जो पांडास लाइब्रेरीज हैं तो कि वहां पर जो डेटा स्टोर रहता है वो यहाँ पर कैसे स्टोर होता है, तो कि जैसे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में, और जो वो क्या यूज करते हैं, तो कि जैसे यहाँ पर यूज करेंगे डेटा फ्रेम। ओके अभी एक्चुअल में डेटा फ्रेम क्या है, तो कि इज अ टू डायमेंशन लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ MySQL, यानी कि एक टाइप का हमें यह जस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो कि एक जस्ट एक टाइप का हमें यहाँ पर टू डायमेंशन दैट यहाँ पर हमें 2D एक टाइप का एरे जस्ट यहाँ पर, एंड वो जस्ट वन टाइप ऑफ कैसे हैं, तो कि ये जो हमने टेबल, तो कि जो लेडियम में पता है MySQL में जो टेबल देता है दैट कंटेन्स अ रोज ओके एंड दैट अ कॉलम्स। ओके नाउ इट कंटेन्स अ रोज एंड अ कॉलम्स एंड देयरफॉर has a two both have a row and a column index। तो already जिस हमें पता है तो कि यहाँ पर जिस हमने बताया तो कि ये जिस रहेंगे तो ये actual में क्या रहेंगे, तो कि ये रहेंगे यहाँ पर column index। okay ये column index रहेंगे और ये जो रहते हैं तो ये क्या रहते हैं, तो कि ये रहते हैं row index। okay now next each column can have the different types of values such as a numeric string and a बुलियन एक्सेट्रा। लाइक फॉर एग्जाम्पल टेबल है तो कि टेबल में जस्ट यहाँ पर हम देते हैं तो कि नेम एंड एड्रेस एंड फोन नंबर एंड व्हाटएवर जो वैल्यू है, तो कि वो कोई भी टाइप का वैल्यू हो सकता है, वो वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग या फिर बुलियन दैट रिटर्न यस और नो जस्ट यहाँ पर हो सकता है, उस टाइप का वैल्यू हो सकता है कॉलम में। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा, फर्स्ट यहाँ पर जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो कि एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट करना है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट अ लाइब्रेरी पांडास। ओके तो इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी। नाउ दैट्स यहां पर एक जस्ट क्रिएट कर रहे डेटा फ्रेम एलिमेंट देन इज इक्वल टू पीडी। तो जस्ट पीडी यहां पर जस्ट क्या हुआ, तो कि जस्ट पांडा का एलियास है डॉट डेटा फ्रेम। और यहां पर जस्ट नोट किया हमने कुछ भी पैरामीटर्स यहां पर पास नहीं किए, ये जस्ट यहां पर कौन सा है अभी, तो कि ये अभी यहां पर एम्प्टी है, कुछ भी हमने वैल्यू पास नहीं किया हुआ है। ओके नेक्स्ट इज प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर आउटपुट के लिए, जैसे हमने यहाँ पर जस्ट वही सेम यहाँ पर दिया, तो एग्जिट ये क्या हो गया, तो कि एम्प्टी डेटा फ्रेम कॉलम्स ब्लैंक एंड इंडेक्स ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी पैरामीटर्स कुछ भी पास नहीं किया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। नाउ सेकेंड जिस पॉइंट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम from numpy nd arrays। okay that means yahan par hum bol sakte hain to ki kaun sa, to ki two dimension or the multi dimension। okay consider the three numpy nd arrays, now create a data frame without any column labels। okay thus yahan par create kar rahe data frame, aur data frame obvious hai to just kya ho jayega, सिंपल ये जैसे एक कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे, तो कि डेटा फ्रेम है तो दैट मींस टेबल, और यहाँ पर जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर कुछ भी कॉलम्स हैं, यानी कि ये जो कॉलम्स दिए हैं ये तीनों कॉलम्स, उसके कुछ भी यहाँ पर लेबल्स नहीं है। कैसे क्रिएट किया, देखो फर्स्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, नाउ एरे वन एनपी, एनपी मीन्स यहाँ पर नंपाई का जैसे एक ऑब्जेक्ट या फिर जैसे यहाँ पर एलियास यहाँ पर बोल सकते हैं, तो एनपी डॉट एरेज एंड 10 20 30 एंड एरे टू दैट यहाँ पर 100 जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया एंड एरे 3 और कुछ वैल्यू पास करें। ओके नाउ वी जस्ट नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, तो कि डेटा फ्रेम 4 इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम एरे 1। ओके कौन सा पास किया यहाँ पर, तो कि 10 20 एंड 30। नाउ जस्ट यहाँ पर हम प्रिंट करने के लिए जस्ट यहाँ पर हमने पास किया, तो देखो जस्ट यहाँ पर
एक भी हमने इंडेक्स वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। बट यहाँ पर डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू कौन सा यहाँ पर शो करा है, 0, 1 एंड 2। और ये जो अपना है ये कौन सा अपना है, तो कि यहाँ पर हमने जो पास किया था एरे वन, कौन सा एरे वन, तो कि ये जो यहाँ पर एरे वन है, ठीक है, ये वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। और किसमें हमने जिस पास कर दिया, डेटा फ्रेम में पास किया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ओके, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, ओके एंड सेम, तो जस्ट यहाँ पर क्या करें, तो कि डेटा फ्रेम यूजिंग मोर देन वन एंड एरेज, ओके, तो कि यहाँ पर अभी एक से ज्यादा एरेज यूज कर रहे हैं। कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर देखो एरे वन भी पास किया, एरे थ्री एंड एरे टू, और प्रीवियस हमने देखा था यहाँ पर देखो एरे वन, एरे टू और एरे थ्री, और तीनों का वैल्यू 10, 20, 30, 100, 230, -20 एंड ये जो वैल्यू था। तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीनों पास कर रहे हैं। नाउ अभी यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट, प्रीवियस से एग्जाम्पल यहाँ पर जस्ट क्या कर दिया, तो कि यहाँ पर कॉलम वैल्यू पास कर रहे हैं, ओके कॉलम वैल्यू पास कर रहे हैं, बट इंडेक्स यहाँ पर नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो एग्जिट देखो यहाँ पर, तो कि इंडेक्स वैल्यू जस्ट प्रिंट हो गया एंड कॉलम लेबल, तो ये जस्ट यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या हो जाएंगे, तो कि यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं क्या होगा, तो कि ये अपना हो जाएगा यहाँ पर कॉलम लेबल्स, और प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने कॉलम लेबल्स नहीं दिए थे, बट यहाँ पर हमने कॉलम लेबल डिफाइन किए। तो एग्जिट आउटपुट कैसे हुआ, तो कि ये जस्ट यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ये जो यहाँ पर कॉलम लेबल है ये जस्ट प्रिंट कर रहा है, ओके एंड ये तीनों एरेज की जो वैल्यूज है एरे वन, एरे टू एंड एरे थ्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ओके, तो जस्ट यहाँ पर क्रिएट करें, कैसे कर रहे हैं देखो, तो क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो लिस्ट डायरेक्टरीज इक्वल टू, तो कि ए 10, then the B 20, then the A 5, then the B 10, C 20. Okay, now next क्या कर रहे हैं, तो कि data frame list directory is equal to PD dot data frame, और just यहाँ पर कौन सा यहाँ पर dictionary just pass कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर list dictionary जो यहाँ पर हमने create किया हुआ है, okay, exit output कैसे हुआ, तो कि यहाँ पर देखो, तो कि A, okay, तो उसके अंदर जैसे हमने कौन सा दिया था, तो कि यहाँ पर just 10, ओके तो यहाँ पर हमने 10 और यहाँ पर 5, ओके कौन सा, तो के ए के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट बी, तो के बी के अंदर जैसे हमने कौन सा दिया था, तो के यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर जिस दिया था 10, तो यहाँ पर 20 एंड 10, ओके नेक्स्ट वन यहाँ पर देखे, तो जैसे यहाँ पर हम सी का वैल्यू, बट यहाँ पर सी मिसिंग है, ठीक है, तो के जो फर्स्ट यहाँ पर दिया था यहाँ पर सी मिसिंग है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर फर्स्ट में क्या हुआ एन ए एन प्रिंट हुआ, बट सेकेंड जो था डिक्शनरी, सेकेंड डिक्शनरी में यहाँ पर 20 दिया हुआ, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें 20 शो कर रहे हैं, ओके तो जस्ट यहाँ पर एक क्या हुआ, तो के जस्ट यहाँ पर जो भी, तो के देयर विल बी मेनी रोज एज नंबर ऑफ डिक्शनरीज प्रेजेंट इन द लिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो अपना डिक्शनरी है जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर यहाँ पर कितनी रोज है, तो के 2 रोज है, एंड दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, तो के 2 डिक्शनरी यहाँ पर दिया हुआ है, ओके अभी नेक्स्ट यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, तो के जो कॉलम्स हैं, ओके कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिक्शनरी इन द लिस्ट, तो के यहाँ पर अपने कितने कॉलम्स हो जाएंगे, तो के कॉलम्स ए, कॉलम बी एंड कॉलम यहाँ पर सी, ओके तो के 3 कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम्स यहाँ पर सी, एंड लास्ट में यहाँ पर हमने जस्ट देखा था, तो अभी हमने जैसे एक्शन किया एन एन दिया था, ओके क्यों यहाँ पर एन एन क्यों करा, तो कि जस्ट वो वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, डिक्शनरी वन में है वो वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, दैट्स व्हाई यहाँ पर वो दिया, बट सेकंड डिक्शनरी में यहाँ पर वो ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, सेम टॉपिक बट डिफरेंट, यहाँ पर क्या करें देखो, वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट, ओके अब यहाँ पर हम क्या करें, तो के लिस्ट से यहाँ पर जस्ट क्या करें, तो के फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, वहां पर हमने डिक्शनरी यूज किया था बट यहाँ पर एक से ज्यादा डिक्शनरी, फॉर एग्जाम्पल जस्ट कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, लाइक यहाँ पर देखो कंसिस्ट द कीज, यहाँ पर कुछ कीज दिए हुए, स्टेट, जी एरिया, ग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया, VDF that means very dense forest and कुछ example like दिया हुआ, ओके अभी exit क्या हुआ देखो, तो एक dictionary create किया, ओके उसके अंदर जस्ट यहाँ पर क्या हुआ, तो के state और state के यहाँ पर कुछ elements, तो के ये जस्ट 3 नाम यहाँ पर दे दिया, फिर geographical area, तो के geographical area एक और जस्ट create किया और उसके अंदर कुछ यहाँ पर information दिया
एंड थर्ड जो यहाँ पर क्रिएट किया वो यहाँ पर जस्ट क्या किया तो के जस्ट और तो के इन शॉर्ट यहाँ पर जस्ट क्या हो गया तो के डेटा फ्रेम क्रिएट किया बट मोर देन वन लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज यानी कि एक से ज्यादा डिक्शनरी यहाँ पर देखे स्टेट देन द जियोग्राफिकल एरिया एंड द थर्ड वन इज VDF. ओके नाउ वी नेक्स्ट क्या करें देखो डेटा डी फ्रेम फॉरेस्ट इज इक्वल टू PD.DFrame और जस्ट क्या ऐड कर दिया सिंपल डिक्शनरी यहाँ पर जो फॉरेस्ट यहाँ पर जो क्रिएट किया हुआ है वो जस्ट ऐड कर दिया. नाउ अभी देखे तो ओके जस्ट प्रिंट कर रहे हैं तो स्टेट ओके ये फर्स्ट यहाँ पर सेकेंड जी एरिया देन द VDF एंड यहाँ पर वो वैल्यू हमें क्या कर रहा है जस्ट यहाँ पर वो प्रिंट कर रहा है. चल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर तो जस्ट वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स सेम एग्जाम्पल बट अभी हम क्या कर रहे हैं तो कॉलम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं. ओके एग्जिट कैसे करेंगे तो वी कैन डन बाय असाइनिंग द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द डिक्शनरी लाइक कैसे तो वही सेम एग्जाम्पल डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी फॉरेस्ट कॉलम्स तो अभी देखो यहाँ पर जस्ट चेंज कर रहे हैं स्टेट VDF एंड जी एरिया. प्रीवियस वन क्या था तो स्टेट जी एरिया एंड VDF ये लोकेशन था तो अभी जस्ट यहाँ पर चेंज हो गया. तो एग्जिट कैसे किया तो के पीडी दैट मींस पांडा लाइब्रेरी डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी कौन सा फॉरेस्ट जो प्रीवियस हमने यहाँ पर क्रिएट किया था. ओके नेक्स्ट तो के जस्ट यहाँ पर हम देखे तो के डी फ्रेम देन द फॉरेस्ट वन तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा जस्ट क्या हो गया तो के उसका जस्ट यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया. ओके अभी नेक्स्ट देखे तो कैसे यहाँ पर ओके क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम्स ऑन सीरीज अभी हम सीरीज से यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट करें तो एग्जिट कितनी सीरीज तो के सीरीज वन सीरीज सॉरी ए सीरीज बी सीरीज सी एंड तीन सीरीज डिक्लेयर विथ यहाँ पर सीरीज देखो तो के 1 2 3 4 यहाँ पर सीरीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंडेक्स दे रहा है अगर सीरीज है तो इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पर तो ये दस यहाँ पर इंडेक्स भी दिए हुए हैं तीनों के तो एग्जिट देखो यहाँ पर क्या एड किया तो के डी फ्रेम पांडास के अंदर डेटा यहाँ पर डेटा फ्रेम में कौन सा सीरीज ऐड किया हुआ है तो कि यहाँ पर डेटा फ्रेम में सीरीज ए दैट मींस ये तो देखो आंसर यहाँ पर कौन सा आया तो कि ये जो वैल्यू है तो कि ये कौन से हो जाएंगे तो कि ये यहाँ पर इंडेक्स. ओके तो ये एग्जिट क्या हो गए उसके तो कि इंडेक्स एंड यहाँ पर ये जो अपना है ये कौन सा हो गया तो कि ये अपना हो गया सीरीज. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ओके क्रिएशन ऑफ डेटा सीरीज मोर देन वन सीरीज. ओके वहां पर पहले वाले में प्रीवियस वन यहाँ पर क्या था तो कि हमने एक एड किया था सीरीज यहाँ पर सीरीज ए. ओके अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पर एक से ज्यादा सीरीज तो कैसे कर रहे देखो तो कि एक और जस्ट यहाँ पर डी फ्रेम क्रिएट किया एंड नाउ अभी दिस डिफरेंट क्योंकि क्या हो गया सीरीज ए एंड सीरीज बी और यहाँ पर देखे तो कि प्रीवियस यहाँ पर देखो ये सेम बट यहाँ पर एक ही सीरीज था तो के जस्ट ब्रेकेट बट यहाँ पर देखो स्क्वेयर ब्रेकेट्स में वो यूज कर रहे दैट मींस ये क्या हो जाएगा एक टाइप का यहाँ पर एरे और जस्ट हमें आउटपुट यहाँ पर क्या शो कर रहा है तो के सेम तो के जस्ट एज ए रो यहाँ पर सीरीज ए एंड सीरीज बी और उसकी इंडेक्स वैल्यू ए बी सी डी और ई यहाँ पर हम जस्ट देखे तो अपने जस्ट यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है तो के ए बी सी डी और ये सेम इंडेक्स है यहाँ पर भी. चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ओके अभी नेक्स्ट यहाँ पर तो के जस्ट ऑलरेडी वैल्यू शो कर रहा है तो के क्रिएशन डेटा फ्रॉम द सीरीज बट यहाँ पर अलग क्या हुआ देखो यहाँ पर एक जैसे हमने किया तो के सीरीज ए एंड सीरीज सी तो यहाँ पर हम पहले देख लेते सीरीज ए और सीरीज सी में ओके सीरीज ए एंड सीरीज सी तो कि 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज दिए एंड यहाँ पर देखे बट इंडेक्स वैल्यू देखो जेड वाई ए सी एंड ई. ओके अभी देखो यहाँ पर जस्ट क्या करें ये एग्जांपल में तो कि जस्ट यहाँ पर ए तो एग्जिट क्या हुआ द डिफरेंट कैटेगरीज डू नॉट हैव द सेम सेट ऑफ लेबल्स यहाँ पर जस्ट लेबल चेंज हो गए थे लाइक अगर अरेंज कर रहे हैं प्रॉपर ए बी सी डी ई एंड वाई जेड क्योंकि ये जो प्रीवियस वन थे वो दोनों में कॉमन थे. Now, but the number of columns in the data frame is equal to the number of different labels in all ranges. Therefore, if the no corresponding value for the label in a particular range, the NaN is inserted. Okay, so for example, यहाँ पर हम देखें तो कि series A के अंदर तो यहाँ पर Z और Y वो यहाँ पर क्या था missing था and series जो यहाँ पर C है तो उसमें यहाँ पर कौन सा तो कि B and
डी, ये दोनों क्या था, मिसिंग था, दैट्स व्हाई यहाँ पर वैल्यू कौन सा, तो के एन ए एन सीरीज बी में, सॉरी सीरीज सी के अंदर एंड सीरीज ए के अंदर कौन सा, तो के जेड एंड वाई, ये दोनों मिसिंग थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, सेम टॉपिक। ओके, एंड द डिक्शनरी ऑफ अ सीरीज कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट शीट, यहाँ पर एक जस्ट रिजल्ट शीट दिया हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट शीट इज ए डिक्शनरी सीरीज कंटेनिंग द मार्क्स ऑफ फाइव स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइव स्टूडेंट्स ये, वन इज अर्णव, देन रमी, देन समृद्धि, रिया एंड मलिका, तो पांच स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मार्क्स एड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आर द कीज, तो ये जो है तो अर्णव ये जो दिए, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कीज। ओके, एंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सीरीज आर द सब्जेक्ट नेम एज अ सॉन्ग, तो ये जो यहाँ पर है मैथ साइंस हिंदी, तो ये जस्ट एग्जिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कि ये उसका हो जाएगा इंडेक्स। ओके, अभी देखो सीरीज जस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, पीडी डॉट सीरीज 1991 यहाँ पर सब में जस्ट दिए हुए हैं, तो एग्जिट देखे तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है अर्णव रमित, ये जो यहाँ पर दिया हुआ, तो कि ये जस्ट यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो गई, तो कि ये इसको हम बोल सकते हैं कीज, तो ये जस्ट यहाँ पर पूरा जो भी है लेबल्स दिए, कॉलम लेबल्स है, बट ये जो यहाँ पर है हिंदी साइंस एंड ये जो मैथ्स है, ओके, तो ये जस्ट यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, तो कि ये जस्ट अपना यहाँ पर हो जाएगा इंडेक्स वैल्यूज। ओके चल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओके, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी सीरीज। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन द डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ अ सीरीज द रिजल्टिंग इंडेक्स और द रो लेबल्स आर एन यूनियन ऑल द सीरीज इंडेक्सिंग यूज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो जस्ट यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, तो के जस्ट सीरीज वन जस्ट वैल्यू दे दिया, इंडेक्स यहाँ पर जस्ट डिफाइन कर दिया, नेक्स्ट सीरीज टू और यहाँ पर कुछ वैल्यू एंड इंडेक्स दिया हुआ है, देन द सीरीज थ्री और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो के यूनियन कर रहे हैं और यूनियन कर रहे हैं तो जस्ट क्या बताया, तो के डिक्शनरी ऑफ अ सीरीज रिड्यूसिंग इंडेक्स और द रो लेबल्स आर ए यूनियन ऑल द सीरीज इंडेक्सिंग टू बी क्रिएट अ डेटा फ्रेम, लाइक यहाँ पर सीरीज वन सीरीज टू एंड सीरीज थ्री और यहाँ पर देखे तो ये जस्ट यहाँ पर क्या हो गया, तो के लेबल्स, तो के ए बी सी डी जो सब में यहाँ पर जो कॉमन है, लाइक यहाँ पर ए एंड यहाँ पर देखे तो सी, ओके ए सी एंड ई, ओके तो यहाँ पर देखो ये तीनों में यहाँ पर क्या है, तो कॉमन है, तो के ए सी एंड ई, ओके नेक्स्ट है यहाँ पर देखे तो के वाई एंड जेड, वाई एंड जेड तो के यहाँ पर फर्स्ट में मिसिंग है, ओके बाकी दोनों में यहाँ पर जस्ट कॉमन है, तो फर्स्ट में मिसिंग है, दैट्स व्हाई यहाँ पर देखो क्या शो कर रहा है, एन ए एन शो कर रहा है, बट यहाँ पर हम देखे तो के बी, ओके बी एंड डी, तो बी एंड डी फर्स्ट में दिया हुआ बट सेकेंड एंड थर्ड में मिसिंग है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें कौन सा वैल्यू शो कर रहा है, एन ए एन एंड एन ए एन यहाँ पर हमें शो कर रहा है। चल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन ऑन द रोज एंड द कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम, ये टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट अपना क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक जस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, थैंक यू। हेलो, हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर टू, और चैप्टर नंबर टू के आज की जिस क्लास में हम जस्ट सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम, तो कौन से टाइप के ऑपरेशंस करेंगे, तो के ऑपरेशंस लाइक सिलेक्टिंग डिलीटिंग एडिंग एंड रीनेमिंग। ओके, तो जस्ट ये चार जो ऑपरेशंस हैं ये सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन रोज एंड कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम। फर्स्ट यहाँ पर हमें जस्ट बताया तो के कौन सा करना है, एडिंग अ न्यू कॉलम, हमें न्यू कॉलम ऐड करना है। वी कैन इजीली ऐड अ न्यू कॉलम टू अ डेटा फ्रेम, लेट अस कंसीडर दैट्स जो रिजल्ट पहले वाला जो हमने क्रिएट किया था डिफाइन किया था ऑलरेडी, इन ऑर्डर टू न्यू कॉलम द अनदर स्टूडेंट्स एट अ नेम, ओके वी कैन राइट अ फॉलोइंग, तो के जस्ट यहाँ पर हम क्या करें, एक कॉलम ऐड करें एंड जस्ट कॉलम नेम कौन सा है, तो के ये जो यहाँ पर कॉलम नेम दिया है
वो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो एग्जिट यहाँ पर हमने जस्ट डेटा फ्रेम कौन सा यूज़ करें, तो जस्ट यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम यूज़ किया रिजल्ट df, ये डेटा फ्रेम यूज़ करें। एंड जस्ट यहाँ पर कॉलम, तो कि ये जस्ट यहाँ पर कॉलम ऑलरेडी यहाँ तक कॉलम्स थी, ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पर हमने क्या किया तो कि ऐड किया। एंड दैट उसका जो वैल्यू है, तो ये जस्ट तीन वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड किया। तो ये एग्जिट यहाँ पर हमने आउटपुट देखा, तो कि हमें आउटपुट में हमें जस्ट क्या शो करा है, तो कि ये ऑलरेडी पहले से ही थे कॉलम्स यहाँ पर, ये और ये सारे, बट हमने जस्ट यहाँ पर एक ऐड किया ये कॉलम। ओके, तो इजीली जस्ट कमांड यहाँ पर क्या करना है, तो कि एक जस्ट डेटा फ्रेम जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किए थे प्रीवियस में, तो वही डेटा फ्रेम से जस्ट यहाँ पर हम क्या करें यूज़ करें। चलो नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर जो सेकेंड वन है, एडिंग ए न्यू कॉलम टू डेटा फ्रेम। एक और जस्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो कि जस्ट यहाँ पर assigning a values to a new column label that does not exist will create a new column at the end if the column is already exist. Okay, this ye point yahan par rahega, to ki column already exists in a data frame then assignment statement will update the value. Agar this already hai to yahan par wo kya kar dega, to ki uska value ko update kar dega. For example, to ki just yahan par jo diya hua hai ye, ओके ये कॉलम नेम है रमित, एंड उसका जस्ट यहाँ पर वैल्यू, तो ऑलरेडी ये यहाँ पर था, तो अभी जस्ट नेक्स्ट हमने वैल्यू क्या करेंगे, तो कि यहाँ पर वो वैल्यू अपडेट हो जाएगा। तो कि जस्ट यहाँ पर कॉलम ऐड, ऑलरेडी हमने प्रीवियस कॉलम ऐड किया था, बट अभी यहाँ पर जो ऑलरेडी वो कॉलम है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कि जस्ट वो अपडेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एडिंग न्यू कॉलम टू डेटा फ्रेम। ओके सेम टॉपिक, तो वी कैन चेंज द डेटा, ओके वी कैन चेंज अ डेटा इंटायर कॉलम टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। ओके ये जस्ट पॉइंट कीजिएगा, तो कि चेंज डेटा तो एंटायर कॉलम विद अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ डेटा फ्रेम। ओके नाउ दस यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, तो कि जस्ट यहाँ पर क्या करें, तो कि सेट द मार्क 90 एंड जस्ट जो नेम है वो नेम कौन सा, तो कि ये जो स्टूडेंट है उसका नाम है जो भी यहाँ पर, एंड वहाँ पर वो क्या करें, तो कि वो वैल्यू सेट करें 90। फॉर एग्जाम्पल देखें, तो कि यहाँ पर अपना डेटा फ्रेम एंड जस्ट यहाँ पर हमने वैल्यू दिया, तो कि जस्ट कौन सा स्टूडेंट, तो कि जस्ट यहाँ पर नेम एंड ये वैल्यू से क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो कि जस्ट यहाँ पर देखें, तो अर्नव यहाँ पर उसकी तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स में यहाँ पर 90 हुआ। पहले उसके जस्ट यहाँ पर हम मार्क्स देखें, तो ये जस्ट उसका प्रीवियस वैल्यू था, बट अभी हमने जस्ट क्या कर दिया, तो कि यहाँ पर सब में यहाँ पर 90 से रिप्लेस कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओके एडिंग अ रूट रो, ओके एडिंग अ न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम। तो जस्ट वहाँ पर कॉलम की जगह यहाँ पर जैसे हम रो अगर इंसर्ट करना है, तो न्यू रो भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तब से हमें क्या यूज़ करना है, तो कि एक मेथड यहाँ पर जस्ट ये नोट डाउन कीजिएगा, तो कि रो ऐड करने के लिए जस्ट यहाँ पर जो मेथड है वो मेथड का नाम है डेटा फ्रॉम डॉट LOC देन द ब्रैकेट्स। ओके चलो नाउ कंसीडर द डेटा फ्रेम रिजल्ट df दैट हैज थ्री रोज थ्री सब्जेक्ट्स मैथ साइंस एंड हिंदी। सपोज यू नीड टू ऐड द मार्क्स ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट इन रिजल्ट df, यानी कि डेटा फ्रेम में एक और हम यहाँ पर रेड एक और यहाँ पर हम जस्ट रो इंसर्ट कर रहे हैं नेम कॉल इंग्लिश। लाइक कैसे किया, तो कि देखो रिजल्ट ये अपना डेटा फ्रेम और यहाँ पर मेथड यूज़ किया हमने डॉट LOC एंड यहाँ पर जस्ट जो रो ऐड करना है, तो ये इसका जस्ट एक इंडेक्स ऐड किया एंड यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पर ऐड करे, तो एग्जिट यहाँ पर देखो एंड ऑफ जस्ट यहाँ पर वो रो यहाँ पर हमें ऐड हो जाएगा, तो जस्ट इंग्लिश एंड उसका जो वैल्यू हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पर ऐड हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओके नेक्स्ट वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू अ रो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्स वैल्यू लेबल। ओके तो जस्ट यहाँ पर एग्जिट क्या बता रहे, तो कि वी कैन नॉट यूज दिस मेथड, दिस मेथड मीन्स कौन सा डॉट LOC, ओके टू एड अ रो ऑफ डेटा विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी कि डुप्लीकेट अगर जो हम ऐड करें, ओके इंडेक्स वैल्यू लेबल, ओके लाइक इंग्लिश वैल्यू लाइक हिंदी इंग्लिश ये जो बता रहे हैं, इन सच केस रो विद दिस इंडेक्स लेबल विल बी अपडेटेड। सॉरी तो जस्ट यहाँ पर क्या हुआ, देखो जस्ट यहाँ पर रिजल्ट LOC एंड इंग्लिश, तो ऑलरेडी जस्ट यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो कि जस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है,
कौन सा, तो के इंग्लिश, यानी कि ये डुप्लीकेट हो गया। तो ना नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो के ये जो हमने वैल्यू दिया तो वो वैल्यू को जस्ट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे कॉलम में था, कॉलम नेम यहाँ पर जैसे हमने चेंज किया था, ओके यहाँ पर हमने चेंज किया था। तो अभी देखो यहाँ पर जस्ट ये लेबल सेम एंड जस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो के जस्ट वैल्यू वहाँ पर अपडेट हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द डेटा वैल्यूज ऑफ द रो ऑफ अ पर्टिकुलर विद अ पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, तो जस्ट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो रो है एल ओ सी मेथड का यूज़ करके, वो रो वैल्यू भी हमें जस्ट कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो हम जस्ट वो चेंज भी कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया, तो के देखो यहाँ पर हम जस्ट यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट डी एफ, तो ये जस्ट अपना क्या है, तो के ये अपना डेटा फ्रेम है। ओके एंड दैट एल ओ सी, तो के एल ओ सी यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो के ये मेथड। ओके अभी जैसे यहाँ पर कौन सा, तो के मैथ सब्जेक्ट्स में कौन सा वैल्यू हमें जस्ट चेंज करना है, तो के जो ओरिजिनल वैल्यू उससे हमें यहाँ पर क्या करना है, जीरो। लाइक देखो यहाँ पर हम देखें तो के मैथ्स, ओके और मैथ्स में जितनी भी वैल्यूज थी यहाँ पर सब में उससे क्या कर दिया, तो के जिस जीरो से यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ दिया हुआ, तो एग्जिट यहाँ पर नोट क्या है, तो के इफ़ यू ट्राई टू एड अ रो विथ लेसर वैल्यू देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर कॉलम से वो वैल्यू हम उसे कम एंटर कर रहे हैं तो जिस हमें क्या शो करेगा, तो के यहाँ पर वैल्यू एरर शो करेगा। और जिस वैल्यू एरर मैसेज एग्जिट, वो मैसेज क्या होगा, तो के कैन नॉट सेट अ रो विथ अ मिसमैच कॉलम, ये जिस हमने यहाँ पर एक वो मैसेज हमें शो करेगा अगर वो कॉलम वैल्यू से कम है तो। ओके इफ यू ट्राई टू एड अ कॉलम विद अ लेसर वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम, इट रिजल्ट इन अ वैल्यू, ओके वैल्यू एरर, और यहाँ पर वैल्यू जस क्या हो जाएगा, तो के वैल्यू एरर मैसेज, तो के वैल्यू एरर लेंथ डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स, तो यहाँ पर जिस इंडेक्स मीन्स यहाँ पर जिस रो, ओके तो एग्जिट यहाँ पर क्या हुआ, तो के इस साइड अगर जिस बात करें तो क्या ये जो है, ठीक है ये जिस यहाँ पर रोज, तो के रोज का अगर साइज नहीं हुआ, अगर वो इंडेक्स से मैच नहीं कहा, तो हमें जिस यहाँ पर ये एरर शो करेगा। और यहाँ पर एग्जिट कौन सा वर्क कर रहा था, तो के कॉलम्स हैं। ओके चलो नेक्स्ट, ओके एग्जिट के यहाँ पर क्या बताया, देखो तो के एडिंग अ न्यू रूट और डेटा फ्रेम, ओके दैट्स एग्जिट सेम टॉपिक, तो रिजल्ट डी एफ ओके कोलन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एग्जिट क्या कह रहे हैं, तो कि सेट ऑल द वैल्यूज टू ऑफ अ डेटा फ्रेम विद अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो यहाँ पर देखो पूरा डेटा फ्रेम है उसका वैल्यू यहाँ पर हमने क्या किया, जीरो। तो एग्जिट आप जस्ट आउटपुट देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें पूरा वो जितने भी वैल्यू रिप्लेस विद अ जीरो। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन ऑन द रोज इन द कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम एंड टॉपिक दैट्स यहाँ पर डिलीटिंग रोज और कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। ओके एग्जिट अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, देखो तो जस्ट यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप मैथड टू डिलीट अ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, यानी कि डेटा फ्रेम में से कोई भी हमें रोज कॉलम डिलीट करना है, तो जस्ट हम यहाँ पर एक मेथड यूज करेंगे डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप। ओके वी नीड टू स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ द लेबल टू बी ड्रॉप एंड एक्सिस फ्रॉम विच दे नीड टू बी ड्रॉप। ओके दस यहाँ पर नेम्स हमें स्पेसिफाई करना है जो भी हमें डिलीट करना है। टू डिलीट अ रो द पैरामीटर एक्सिस इज असाइन अ वैल्यू जीरो एंड फॉर डिलीटिंग कॉलम्स द पैरामीटर एक्सिस असाइन द वैल्यू वन। ओके ये जस्ट एक पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, तो कि जो भी यहाँ पर रो डिलीट करने के जस्ट यहाँ पर असाइनमेंट जो वैल्यू है वो हमें जीरो देना है एंड कॉलम के लिए यहाँ पर वैल्यू हमें देना है वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओके फॉलोइंग दैट्स एग्जांपल टू डिलीट अ रो विद अ लेबल साइंस, ओके साइंस जो लेबल है तो जस्ट यहाँ पर हमें डिलीट करना है, तो ओके एग्जिट यहाँ पर हम जो पहले हमें एग्जांपल था तो यहाँ पर ऑलरेडी साइंस लेबल दिया था, तो अभी वो हमें डिलीट करना है कैसे, देखो तो के डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, ये मेथड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर ये मेथड यूज कर रहे हैं एंड रिजल्ट डी एफ ऑलरेडी हमें पता है डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या यूज़ किया, तो कि साइंस और एक्सिस मीन्स यहाँ पर जीरो, एक्सिस यहाँ पर अगर बात करें तो प्रीवियस यहाँ पर ऑलरेडी हमने बताया, तो कि अगर हमें डिलीट यहाँ पर करना है रो तो एक्सिस वैल्यू क्या देना है, जीरो, और अगर यहाँ पर हमें कॉलम डिलीट करना है तो एक्सिस वैल्यू हमें क्या देना है वन, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने देखो एक्सिस वैल्यू क्या दिया है
जीरो, जीरो मीन्स यहाँ पर क्या डिलीट होगा, तो के रो। अभी देखो जस्ट आउटपुट आप देख सकते हैं, तो के मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश, दैट मीन्स यहाँ पर जो साइंस था वो साइंस यहाँ पर क्या हो गया, तो के वो साइंस यहाँ पर वो सब्जेक्ट यहाँ पर डिलीट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ द डिलीट कॉलम्स हैविंग द लेबल्स, जो ये तीन नाम्स दिए हैं, तो ये तीन नाम क्या कर रहे हैं, तो के डिलीट कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस यहाँ पर क्या था, तो के देखो जस्ट ये यहाँ पर टोटल सिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स सिक्स कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जस्ट हमने यहाँ पर कौन सा डिलीट करना है, तो के ये डिलीट करना है, फिर यहाँ पर ये डिलीट होना चाहिए एंड ये तीन कॉलम्स हमें क्या करना है, उसको डिलीट करना है। तो एग्जिट यहाँ पर कैसे रहेगा, तो कि यहाँ पर अपना डेटा फ्रेम, देन द डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉ एंड जो भी यहाँ पर तीनों कॉलम्स, तो ये कॉलम्स हमने दे दिया एंड नाउ एक्सिस इज वन। ओके, एक्सिस वन यहाँ पर हमने क्यों दिया, तो कि ये जस्ट हम क्या डिलीट कर रहे हैं, तो कि कॉलम डिलीट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हमने एक्सिस कौन सा दिया हुआ है, वन। ओके, अभी यहाँ पर देखें तो जस्ट बाकी रहे तीन कॉलम, तो जस्ट ये कॉलम और ये और ये, तो यहाँ पर तीन कॉलम्स हमें, ये एग्जिट अपना जस्ट यहाँ पर क्या है, तो कि ये अपना आउटपुट है। ओके, तो ये एग्जिट यहाँ पर हम रोज सॉरी कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ पर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। एक सिंपल याद रखना है, रो डिलीट करना है तो एक्सिस जीरो एंड कॉलम डिलीट करना है तो एक्सिस वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, रीनेमिंग रोज लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। ओके, जस्ट रो लेबल जस्ट वहाँ पर हमें इंडेक्स है, इन शॉर्ट यहाँ पर जो रो लेबल्स हैं उसको जस्ट नाम चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो एक मेथड यूज कर रहे हैं, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम। ओके, जो रो लेबल्स हैं उसके जस्ट हमें चेंज करना है, तो जस्ट मेथड एक यूज करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एग्जिट क्या कर रहे हैं, तो के जो रीनेम टू रीनेम द रोज इंडिसेस, मैथ्स सब्जेक्ट वन, साइंस सब्जेक्ट टू एंड हिंदी सब्जेक्ट थ्री एंड इंग्लिश सब्जेक्ट फोर। तो एग्जिट हम क्या कर रहे हैं, तो कि जो भी मैथ्स के लिए सब्जेक्ट वन, साइंस के टू, हिंदी के थ्री और इंग्लिश के लिए हम फोर, ये हम जस्ट न्यू नेम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि उसको जस्ट रीनेम कर रहे हैं। एग्जिट यहाँ पर कैसे होगा, तो कि देखो रिजल्ट डी एफ, रिजल्ट डी एफ डॉट रीनेम, ये जस्ट यहाँ पर हमने क्या यूज किया यहाँ पर, तो कि हमने यहाँ पर मेथड यूज किया। नाउ यहाँ पर देखें तो कि एग्जिट कैसे हैं, तो कि राउंड ब्रेकेट, कर्ली ब्रेकेट्स, मैथ्स, मैथ्स को रिप्लेस कर रहे हैं सब्जेक्ट वन से, साइंस को रिप्लेस कर रहे हैं सब्जेक्ट टू से और इंग्लिश को रिप्लेस कर रहे हैं सब्जेक्ट थ्री से। एंड नाउ यहाँ पर देखो एक्सिस क्या दिया हुआ, तो कि इंडेक्स, और इंडेक्स मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कि इंडेक्स मीन्स अपना यहाँ पर हो जाएगा, तो कि यहाँ पर रो लेबल्स। ओके, इंडेक्स मीन्स यहाँ पर अपने क्या हो जाएंगे, रो लेबल्स, एंड द रो लेबल्स मीन्स कौन से थे, तो कि मैथ्स एंड साइंस एंड इंग्लिश और जो लास्ट में है हिंदी, तो ये अपने क्या हो जाएंगे, रो लेबल्स। तो देखो एग्जिट क्या रिप्लेस हुआ, तो के मैथ्स से वो रिप्लेस कर रहे थे सब्जेक्ट वन, साइंस को सब्जेक्ट टू, फिर इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट थ्री एंड जस्ट वहाँ पर हिंदी के लिए सब्जेक्ट फोर। तो एग्जिट देखें यहाँ पर तीनों कर दिया, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू एंड सब्जेक्ट फोर, तो ये एग्जिट यहाँ पर हमने रीनेम किए जो भी यहाँ पर रो लेबल्स हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ओके, टू अल्टर द कॉलम नेम्स, अभी पहले हमने रो किया था रीनेम, अभी हम जस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉलम नेम्स चेंज कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट यहाँ पर अगेन वी यूज रीनेम मेथड, वही सेम मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, बट पैरामीटर चेंज, पैरामीटर क्या चेंज हुआ, तो कि पैरामीटर एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स देना। एग्जिट अभी कैसे कर रहा है देखो, तो कि रिजल्ट डी एफ डॉट रीनेम सेम मेथड यूज करें। नाउ देखो तो कि कॉलम लेबल्स यूज करें, कॉलम लेबल्स एट अर्नव रिप्लेस विद स्टूडेंट वन। ओके, तो यहाँ पर एग्जिट कौन सा था, तो कि यहाँ पर था अर्नव, देन यहाँ पर जस्ट था रेमिट एंड यहाँ पर जो भी था, तो कि जो यहाँ पर नाम दिया, तो कि ये स्टूडेंट्स का नाम था, देन यहाँ पर देखो ये एग्जिट नहीं दिया, बट यहाँ पर जैसे हम देखें लास्ट वन, तो कि ये कौन सा था, तो कि ये लास्ट ये स्टूडेंट्स नेम था। ओके, तो अभी देखें यहाँ पर, तो कि रमित एंड यहाँ पर स्टूडेंट टू, देन समृद्धि दैट यहाँ पर स्टूडेंट हो गया थ्री, बट फोर को रिप्लेस नहीं कर रहे थे, रिया को जैसे यहाँ पर जो कॉलम नेम चेंज नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई ये हमें आउटपुट में एज इट इज यहाँ पर शो करा, बट ये जो नाम दिया था स्टूडेंट्स का यहाँ पर, तो ये नाम को यस यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट फोर से।
एंड देखे यहाँ पर जैसे ये चेंज हुआ तो के एक्सिस यहाँ पर क्या दे दिया कॉलम्स, और प्रीवियस में जैसे वहाँ पर कर दिया था रोज, दैट मीन्स यहाँ पर देखे तो ये जो रोज लेबल एज इट इज सेम एंड यहाँ पर कॉलम नेम्स क्या होंगे तो कि चेंज हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्सेसिंग डेटा फ्रेम्स एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग, ये जस्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। हेलो, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12। ओके, अच्छा जैसे यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू जो डेटा फ्रेम्स हैं उसके एलिमेंट को कैसे यहाँ पर एक्सेस करना है तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देयर आर टू डिफरेंट वेज, यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं जो जिसके थ्रू हम यहाँ पर डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पर तो के लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है एंड सेकेंड वन इज बुलियन इंडेक्सिंग। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम। ओके, एक्सेसिंग डेटा फ्रेम्स टू इंडेक्सिंग एंड फर्स्ट यहाँ पर हम जस्ट डिस्कस करेंगे लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। ओके, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में यहाँ पर क्या है तो के दे आर सेवरल मेथड्स इन द पांडास टू इंप्लीमेंट लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। लाइक फर्स्ट वन तो के दिस डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी इज एन इम्पोर्टेंट मेथड दैट इज यूज फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग विद अ डेटा फ्रेम। ओके, एग्जिट कैसे है तो कि यहाँ पर जस्ट फर्स्ट हमने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम जस्ट क्रिएट किया था रिजल्ट डी एफ जो पहले ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल्स में देखा हुआ था। ओके, नाउ वी जस्ट हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं देखो द सेम, तो यहाँ पर जो अपना रिजल्ट है तो कि एक जस्ट यहाँ पर हमने जस्ट पहले ही बताया तो कि ये जस्ट हमने क्या किया था तो कि एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। ओके, एंड जस्ट यहाँ पर जो एल ओ सी जो मेथड है वो यूज़ करें एंड यहाँ पर जस्ट हमने एक एलिमेंट नेम दिया साइंस। तो अभी जस्ट यहाँ पर एग्जिट आउटपुट क्या हुआ तो कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उसके यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स के तो कि यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो ये एग्जिट हम क्या कर रहे हैं तो कि जो डेटा फ्रेम है उसके एलिमेंट्स यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एंड कौन सा मेथड के थ्रू डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी मेथड को यूज़ करके। चलो नेक्स्ट यहाँ पर लेबल बेस में तो क्या करेंगे तो कि व्हेन द रो लेबल इज पास एज एन इंटीजर वैल्यू। ओके, एज ए इंटीजर वैल्यू लाइक यहाँ पर जस्ट पास किया हुआ है 2। ओके, इट इज इंटरप्रेटेड एज अ लेबल ऑफ इंडेक्स एंड नॉट एज एन इंटीजर पोजिशन अलोंग द इंडेक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे तो कि डी फ्रेम एंड 10 मल्टीप्लाइज पी डी डॉट डेटा फ्रेम, तो पी डी एग्जिट यहाँ पर क्या है तो कि जस्ट पांडास का यहाँ पर एलियाज है जस्ट पहले ही जस्ट यहाँ पर पता होना चाहिए तो कि एग्जिट हमें क्या दिया था तो कि इम्पोर्ट पांडास यहाँ पर एज क्या दिया होता है पी डी एंड ये जस्ट हमने क्या कर दिया तो कि डेटा फ्रेम तो कि पी डी डॉट डेटा फ्रेम एंड कुछ यहाँ पर एरे यहाँ पर पास किया हुआ है। ओके, नाउ जस्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो कि यहाँ पर हम जस्ट एक्सेस कर रहे हैं कौन सा तो कि 2, तो 2 मीन्स यहाँ पर जस्ट कौन सा हो जाएगा तो कि ये 0 देन 1 एंड 2, दैट मीन्स यहाँ पर हमें कौन सा शुरू कर रहा है 30, तो दैट मीन्स यहाँ पर सिंपल इंटरप्रेट इज एज अ लेबल ऑफ द इंडेक्स नॉट एन इंटीजर पोजिशन अलोंग द इंडेक्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर व्हेन अ सिंगल कॉलम इज पास इट रिटर्न्स अ कॉलम एज अ सीरीज। लाइक कैसे दिया तो कि रिजल्ट डी एफ अपना डेटा फ्रेम एल ओ सी मेथड एंड जस्ट यहाँ पर पास कौन सा कर रहे हैं तो कि लेबल कौन सा कॉलम लेबल ये स्पेशली हाँ ये जो है एग्जिट क्या है यहाँ पर तो कि ये जस्ट यहाँ पर एग्जिट है यहाँ पर अपना कॉलम लेबल। ओके, तो जस्ट क्या पास किया अर्नव, तो जितने भी यहाँ पर अर्नव के सब सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर हमें मार्क्स शो कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, टू रीड मोर देन वन रो ओके फ्रॉम अ डेटा फ्रेम द लिस्ट रो लेबल यूज एज अ सॉन बिलो। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा रो तो के रिजल्ट डी एफ डॉट एल ओ सी। अभी देखो रोज यहाँ पर कौन से साइंस एंड द हिंदी, तो ये जस यहाँ पर दो रो एक्सेस कर रहे हैं एंड ये जस अपने थे कॉलम लेबल्स। ओके चलो, तो जस यहाँ पर ये पूरे जितना भी हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो जस बुलियन इंडेक्सिंग दिया हुआ है। ओके, बुलियन इंडेक्सिंग ऑलवेज अगर जस यहाँ पर एक ही जस याद रखना है तो कि जस यहाँ पर क्या होगा तो कि अगर कोई भी बुलियन वैल्यू है दैट ऑलवेज आइदर रिटर्न ट्रू या फिर रिटर्न यहाँ पर क्या करेगा फॉल्स।
ओके, बुलियन मींस अ बाइनरी वेरिएबल दैट कैन रिप्रेजेंट आइदर टू स्टेट, वन इज ट्रू एंड इंडिकेट बाय द वन, एंड कौन सा तो के फॉल्स, एंड फॉल्स इंडिकेटेड बाय द जीरो. ओके, इन अ बुलियन इंडेक्सिंग वी कैन सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यूज टू द डेटा rather than the rows or the column label. तो जस यहाँ पर क्या return करेगा, तो के जस select, हम क्या select करेंगे, तो के subset of data based on actual value. Okay, we can use a condition on the names to filter the data value. Consider the data frame result df and following the displays a true or the false whether the data value is satisfied the given condition or not. ओके, ये जस अपना क्या है यहाँ पर, तो के रिजल्ट df अपना यहाँ पर था डेटा फ्रेम. ओके, अब यहाँ पर देखे तो यहाँ पर एग्जिट क्या किया, तो के रिजल्ट df डॉट lse maths ग्रेटर देन 90, एक कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि मैथ्स में जितने भी यहाँ पर 90 मार्क्स हैं. ओके, अगर यहाँ पर जो मैथ्स में जो स्टूडेंट्स को 90 अप मार्क्स है, ठीक है, अगर 90 अप है तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. अगर लेस देन यहाँ पर 90 है दैट मीन्स वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखे तो क्या अर्नव, तो क्या अर्नव के यहाँ पर देखे तो दिस मार्क्स कितने हैं, 90 है, दैट्स वाई यहाँ पर वो रिटर्न कर रहा है हमें फॉल्स. ओके, 91 होता तो यहाँ पर वो क्या रिटर्न करता, ट्रू. हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स देखे तो 92 दिया हुआ है मेथ को, दैट मीन्स यहाँ पर रिटर्न देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, दैट मीन्स इट्स ग्रेटर देन 90. ओके, उसके बाद यहाँ पर देखे तो के 89 एंड 81. ओके, तो यहाँ पर देखे तो ये दोनों वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, दैट मीन्स यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है. बट यहाँ पर देखे तो के 94 दिया तो ये जस यहाँ पर आंसर हमें कौन सा रिटर्न कर रहा है, ट्रू, दैट मीन्स ये क्या रिटर्न कर रहा है, अगर कंडीशन स्पेसिफाई जो कंडीशन किया हुआ है वो अगर ट्रू है, ठीक है, सेटिस्फाई होता है तो दैट मीन्स वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स. चल नेक्स्ट देखते हैं, टू चेक विच सब्जेक्ट अर्नव हैज अ स्कोर मोर देन 90. ओके, तो के अर्नव के यहाँ पर जो भी 90 है, तो के फॉर एग्जांपल मैथ्स, तो के मैथ्स में यहाँ पर उसके जो सम मार्क्स देखे तो कितने थे यहाँ पर, तो के 90 थे, तो के दैट मीन्स वो यहाँ पर क्या था, कंडीशन फॉल्स हो रहा था. फिर साइंस में एंड हिंदी, तो यहाँ पर अर्नव के हम जिस मार्क्स देखे तो साइंस में 91 और हिंदी में 97 थे, तो यहाँ पर वो रिटर्न हमें क्या कर रहा है, तो कि यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू. नेक्स्ट, ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है तो कि एक्सेसिंग डेटा एलिमेंट्स थ्रू स्लाइसिंग. ओके, स्लाइसिंग के थ्रू हमें क्या करना है, तो कि डेटा यहाँ पर जस्ट हमें एक्सेस करना है. तो ये जस्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंडेक्सिंग के थ्रू हमने डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को एक्सेस किया था. आज के वीडियो लेक्चर में हम जस्ट स्टार्ट करेंगे तो कि डेटा फ्रेम के एलिमेंट एक्सेस करना है, बट यहाँ पर जस हम यूज करेंगे स्लाइसिंग का. ओके, तो कैसे करेंगे, तो वी कैन यूज स्लाइसिंग टू सिलेक्ट द सबसेट ऑफ रोज और अ कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम. टू रिट्रीव द सेट ऑफ रोज स्लाइसिंग कैन बी यूज विद अ रो लेबल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जस्ट रिजल्ट df, तो ये एग्जिट अपना क्या है यहाँ पर, तो कि ये अपना डेटा फ्रेम डिक्लेरेशन है एंड मेथड सेम जो लास्ट इंडेक्सिंग में हमें यूज किया था loc. एंड अभी देखो यहाँ पर जिस हम क्या यूज कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर हम रो लेबल्स यूज कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर साइंस एंड मैथ्स यहाँ पर जो है वो एग्जिट हम क्या यूज कर रहे हैं, तो कि रो लेबल्स यूज कर रहे हैं. ओके, तो एग्जिट आउटपुट देखे तो कि यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके यहाँ पर हमें क्या शो कर रहा है, तो कि मैथ्स और साइंस के यहाँ पर मार्क्स उसको शो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें शो कर रहे हैं. ओके, नाउ द रोज विद द लेबल मैथ्स एंड द साइंस आर डिस्प्ले, नॉट दैट डेटा फ्रेम स्लाइसिंग इन द इंक्लूसिव ऑफ द एंड वैल्यूज, यानी कि इंक्लूसिव करे, एक्सक्लूसिव यहाँ पर नहीं करे, लाइक यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस दिया हुआ तो दैट ऑल्सो इंक्लूड साइंस, यहाँ पर वो साइंस को भी क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्सेसिंग डेटा फ्रेम्स एलिमेंट टू स्लाइसिंग में, सेम टॉपिक में, बट यहाँ पर एग्जिट क्या करें, देखो यूज अ स्लाइस ऑफ लेबल विद अ नेम टू एक्सेस अ वैल्यू दोज रोज एंड इन दोज रोज इन दैट कॉलम ओनली. तो एग्जिट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टू एक्सेस अ वैल्यूज ऑफ दोज रोज दैट इन अ कॉलम ओनली, जो कॉलम में रहेगी वो वैल्यू.
फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम देखें तो कि जैसे यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट रोज विद अ लेबल मैथ्स एंड अ साइंस, बट यहाँ पर जो कॉलम लेबल है वही कॉलम लेबल के लाइक एग्जैक्ट यहाँ पर डेटा फ्रेम एलओसी मेथड, ओके दो यहाँ पर रोज कौन सा है तो कि ये भी एक टाइप का कौन सा है तो कि मैथ्स रो है एंड यहाँ पर क्या है तो कि ये भी रो, बट ये जो यहाँ पर है ये एग्जैक्ट क्या हो गया तो कि ये कॉलम, तो यहाँ पर ऑलरेडी बताया था टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ रोज तो कि ये दोनों रोज की वैल्यू एक्सेस करनी है एंड इन दैट कॉलम ओनली, तो ये कॉलम यानी कि अर्नव के मैथ्स और साइंस के यहाँ पर रोज को ही एक्सेस करना है, तो ये एक और एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर वी मे यूज स्लाइस लेबल्स, स्लाइस ऑफ द लेबल विद अ स्लाइस ऑफ अ कॉलम टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दोज रोज एंड अ कॉलम, ओके तो एग्जिट देखे यहाँ पर तो के मैथ्स ये भी क्या है तो के भाई रो एंड साइंस तो कि ये भी रो, तो एग्जिट यहाँ पर बताया तो कि यूज लेबल ऑफ विद स्लाइस अ स्लाइस ऑफ कॉलम नेम्स टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दोज रोज एंड अ कॉलम, तो यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे तो कि ये दोनों एग्जिट होते हैं यहाँ पर तो कि कॉलम्स, तो अभी देखो वहाँ पर डिफरेंट प्रीवियस जो एग्जाम्पल था उससे डिफरेंट क्या हुआ तो कि यहाँ पर दोनों कॉलम्स एंड दोनों यहाँ पर रोज दोनों एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिव वी यूज अ स्लाइस लेबल विद अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स नेम्स टू एक्सेस वैल्यूज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो अभी देखो यहाँ पर डिफरेंट क्या हुआ तो कि यहाँ पर एक एग्जिट यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं तो कि एरे यूज कर रहे हैं, ओके तो यहाँ पर जैसे क्या यूज कर रहे हैं तो कि कॉलम्स के यहाँ पर कुछ एरे यूज कर रहे हैं लाइक अर्नव एंड स्निधि, और प्रीवियस में हमने यहाँ पर क्या किया था तो कि डायरेक्टली हमने वो कॉलम नेम्स यहाँ पर यूज कर रहे थे, ओके अभी देखिए यहाँ पर सेम तो कि वही सेम यहाँ पर आउटपुट देखे तो अर्नव एंड समृद्धि एंड यहाँ पर दो रोल यहाँ पर हमें शो कर रहा है। हेलो, आज के जिस ट्यूटोरियल में हम जिस कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड आज के जिस हम टॉपिक में सीखेंगे जॉइनिंग मर्जिंग एंड कंटिन्यूशन ऑफ डेटा फ्रेम्स कैसे करेंगे तो कि जिस यहां पर एक मेथड दिया हुआ है पांडास डॉट डेटा फ्रेम डॉट अपेंड टू मेथड टू मर्ज टू डेटा फ्रेम्स यानी कि दो डेटा फ्रेम्स को मर्ज करना है, तो ये जस्ट यहाँ पर जो मेथड है पांडास डॉट डेटा फ्रेम डॉट अपेंड मेथड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है। इट अपेंड रोज ऑफ द सेकेंड डेटा फ्रेम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डेटा फ्रेम यानी कि फर्स्ट डेटा फ्रेम की एंड में ये सेकेंड जो यहाँ पर है डेटा फ्रेम की रोज यहाँ पर अपेंड करेंगे। ओके कॉलम्स नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट डेटा फ्रेम आर एडेड एज ए न्यू कॉलम। ओके तो कि जो कॉलम फर्स्ट डेटा फ्रेम में प्रेजेंट ओके तो यहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ पर तो कि वो जस्ट वहाँ पर एज ए न्यू कॉलम वहाँ पर एड होगा। फॉर एग्जाम्पल द कंसिडर टू फ्रेम्स वन इज अ डी फ्रेम एंड सेकेंड वन डी फ्रेम टू। ओके दो फ्रेम्स डिक्लेरेशन कैसे कर रहे हैं देखो एग्जाम्पल में हम देखें यहाँ पर एक डी फ्रेम वन डिक्लेरेशन किया है तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम एंड यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 5। ओके नेक्स्ट कॉलम्स तो के उसके कॉलम्स कौन से होंगे तो के C1 C2 एंड C3। ओके अभी एग्जिट देखो यहाँ पर आउटपुट में देखे तो आउटपुट में यहाँ पर तो के C1 C2 एंड C3। ओके ये जो तीनों कॉलम्स है ये तीनों कॉलम्स किसके हैं तो के यहाँ पर जो डी फ्रेम वन है। ओके तो ये कौन से हैं तो के डी फ्रेम वन। ओके अभी नेक्स्ट तो के इंडेक्स कौन से दिए हुए R1 R2 एंड R3 तो ये जो तीनों है ये कौन से होंगे तो कि ये भी डी फ्रेम वन के दिए हुए। ओके नाउ देखो यहाँ पर डी फ्रेम वन को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जिट आउटपुट हमें कौन सा शो कर रहा है तो कि R1 R2 R3 देन द C1 C2 एंड C3 यानी कि यहाँ तक हमें जो डेटा है वो डेटा कौन सा है तो कि डी फ्रेम वन का। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखें डी फ्रेम टू एक और फ्रेम जनरेट कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर 10 20 30 40 एंड 50 ये तीन यहाँ पर जस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड है रोज दे। ओके एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो कि यहाँ पर जस्ट हम दे रहे हैं तो कि भाई कॉलम्स C2 एंड C5 तो यहाँ पर एक जस्ट हम नोट करेंगे तो यहाँ पर C2 एंड C2 ये दोनों में कॉमन है एंड इंडेक्स R4 R2 एंड R5। ओके तो रोज यहाँ पर R2 भी यहाँ पर क्या है तो कि जस्ट यहाँ पर कॉमन दिया हुआ है
एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम देखे तो वो कैसे एग्जिट कर रहे हैं, देखो तो आउटपुट एग्जिट कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखे तो के आर वन तो के सी वन ये था यहाँ पर तीनों था, बट सी फाइव तो के सी फाइव यहाँ पर क्या था भाई, तो कि यहाँ से वो डेटा फ्रेम वन में मिसिंग था, दैट्स वाई यहाँ पर वो क्या कर रहा है तो के एन एन वैल्यू शो कर रहा है। नेक्स्ट आर टू, तो आर टू अगर जस्ट दे रहे तो के आर टू यहाँ पर देखे तो आर टू यहाँ पर तो के रो नंबर टू ओके, और सी वन सी टू ओके, बट यहाँ पर सी थ्री तो के सी थ्री है तो के सी थ्री यहाँ पर देखे तो हम यहाँ पर डेटा फ्रेम टू में यहाँ पर क्या था तो जस्ट यहाँ पर मिसिंग है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखे तो यहाँ पर भी एन एन शो कर रहा है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हम देखे आर फोर ओके, आर फोर एग्जिट क्या हुआ तो के देखो आर फोर तो के आर फोर के अंदर यहाँ पर सी वन तो के सी वन ओके एंड सी थ्री ओके, ये दोनों क्या है यहाँ पर तो के ये यहाँ पर मिसिंग है, तो दैट्स वाई देखो तो के यहाँ पर भी हमें सी वन क्या कर रहा है तो के एन एन शो कर रहा है, एंड यहाँ पर सी थ्री यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है तो के एन एन शो कर रहा है, दैट्स वाई वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। और यहाँ पर हम जस्ट देखे तो जो यहाँ पर आर टू तो R2 टू यहाँ पर देखे तो R2 टू यहाँ पर अवेलेबल था, बट यहाँ पर जस वो R2 टू यहाँ पर भी अवेलेबल है, दैट्स आई यहाँ पर देखे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू वो यहाँ पर शो करा, तो दैट्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो कि दोनों यहाँ पर मर्ज एंड ज्वाइन कर रहे हैं हम कैंसिल, तो के दो डेटा फ्रेम्स को, डेटा फ्रेम वन को और डेटा फ्रेम टू को। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेम टॉपिक, इफ़ वी अपेंड डेटा फ्रेम वन टू डेटा फ्रेम टू the rows of the data frame 2 precede the rows data frame 1 okay to ke agar hum do yahan par data frame use kar rahe hain to ke the rows of the data frame 2 wo yahan par kisko yahan par precede karenge to ke data frame 1 ko okay to get the column label appear in the sorted order we can set the sort parameter true तो के यहाँ पर ये पॉइंट नोट कीजिएगा तो के अगर जिस हमें वो शॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए दैट मीन्स वो हमें क्या करना है यहाँ पर शॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ओके, द कॉलम लेबल सेल अपीयर इन अनशॉर्ट ऑर्डर व्हेन द पैरामीटर शॉर्ट फॉल्स ओके, बट हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया ओके okay, अभी नेक्स्ट एग्जिट देखे तो कि यहाँ पर एग्जांपल में कैसे तो के डी फ्रेम टू इज इक्वल टू डी फ्रेम टू डॉट अपेंड यहाँ पर क्या करे डेटा फ्रेम वन ओके, तो एग्जिट देखो यहाँ पर डी फ्रेम टू प्रीसीड द रोज ऑफ डेटा फ्रेम वन, तो डेटा फ्रेम टू के थ्रू हम जस्ट कौन सा यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं डेटा फ्रेम वन को ओके okay, अभी देखो यहाँ पर जस्ट क्या हुआ तो के देखो आर फोर आर टू एंड आर फाइव, तो ये तीनों थे ये कौन से यहाँ पर डेटा फ्रेम के थे तो के सेकेंड के थे, एंड यहाँ पर देखे तो जस्ट यहाँ पर उसके बाद आर वन आर टू ये जो दिया हुआ है ये कौन सा था तो कि ये डेटा फ्रेम फर्स्ट का था, दैट मीन्स यहाँ पर देखो पहले ही बताया था तो कि डेटा फ्रेम टू प्रीसीड द रोज ऑफ द डेटा फ्रेम वन, यानी कि पहले डेटा फ्रेम टू के आएंगे यहाँ पर उसके बाद कौन सा आ रहा है वन शो कर रहा है ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखे तो एग्जिट क्या पैरामीटर वेरीफाई इंटीग्रिटी, ये जस्ट दो पॉइंट तीन पॉइंट से वो जस्ट नोट कीजिएगा आपकी टेक्स्ट बुक में, verify integrity of append method may be set to true when want to raise an error if the row labels are duplicate okay, तो अगर जिस वहां पर क्या होगा row labels duplicate है तो आपको जिस ये error show कर सकता है, by default verify जो यहां पर verify integrity वो क्या रहता है false okay, and the last one that is why we could append a duplicate rows लेबल R2, तो यहाँ पर भी देखिए R2 हमें शो कर रहा है और यहाँ पर भी R2 शो कर रहा है और यहाँ पर भी हमें R2 शो कर रहा है ओके, एंड R2 इवेंट अपेंडिंग द टू डेटा फ्रेम्स एज शो। चलो नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइनिंग मर्जिंग में ओके, पैरामीटर्स इग्नोर इंडेक्स, एक यहाँ पर हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं इंडेक्स इग्नोर ऑफ अपेंड मेथड मे बी सेट टू ट्रू एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू यूज अ रो इंडेक्स लेबल ओके, तो बाई डिफॉल्ट इंडेक्स लेवल यहाँ पर क्या रहता है इग्नोर इंडेक्स यहाँ पर फॉल्स, लाइक यहाँ पर देखें तो कि जस्ट यहाँ पर डेटा फ्रेम यहाँ पर वन डेटा फ्रेम टू डॉट अपेंड डेटा फ्रेम टू इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू ओके, तो यहाँ पर जस्ट क्या हुआ तो कि वी डू नॉट वॉन्ट टू यूज अ रो लेबल इंडेक्स, तो सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फाइव, बट यहाँ पर देखें तो रो इंडेक्स यहाँ पर क्या हुआ तो कि शो नहीं कर रहा था, प्रीवियस यहाँ पर कौन सा था R2, R1 जो रो लेबल्स है तो यहाँ पर अभी जस्ट क्या कर दिया उसने नहीं चाहिए, तो जस्ट यहाँ पर देखे तो वो R1, R2 वो शो
नहीं कर रहा है. ओके, द अपेंड मेथड कैन ऑल्सो बी यूज अपेंड टू सीरीज और द डिक्शनरी ऑफ अ डेटा फ्रेम. चलो नेक्स्ट, यहाँ पर हम यू एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे. तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. थैंक यू. हेलो, आज के वीडियो लेक्चर में हम जस्ट कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2. एंड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट सीखा था तो कि जो डेटा फ्रेम है उसके जस्ट यहाँ पर एलिमेंट को इंडेक्सिंग के थ्रू एंड स्लाइसिंग के थ्रू के रूम में कैसे उसको एक्सेस करना है. एंड आज के वीडियो लेक्चर में हम जस्ट सीखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम. ओके, कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं. वी कैन एक्सेस द सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट. ओके, लाइक अ सीरीज वी कैन एक्सेस द सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी विद द डेटा फ्रेम नेम. We are going to use a part of report called the State of the Forest Report 2017. जैसे यहाँ पर एक report दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर accessible through जो ये site name जैसे दिया हुआ है and अपने example में यहाँ पर वो हम use करने वाले हैं. Okay, next यहाँ पर क्या बताया, देखो dense forest and area under the open forest all the square kilometers and state of Assam, Delhi, Kerala is on the following data frame forest area DF. ओके, जैसे यहाँ पर क्रिएशन हुआ सीरीज का तो के जस्ट पी डी डॉट सीरीज, देन यहाँ पर इंडेक्स भी दिए हुए हैं, सीरीज भी दिया और इंडेक्स दिया. तो यहाँ पर एग्जिट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें तो कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, रो लेबल्स भी दिए हैं, कॉलम एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट देखें हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स. तो के फर्स्ट यहाँ पर एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स, वो यहाँ पर एग्जिट क्या हमें शो करेगा, तो के जस्ट यहाँ पर हमें रो लेबल्स शो करेंगे. तो एग्जिट ये जो यहाँ पर था तो ये क्या है, तो कि ये अपना जो डेटा फ्रेम है, कौन सा डेटा फ्रेम, तो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रीवियस ये जो जनरेट किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा फ्रेम हमने जनरेट किया था वो यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, वहाँ पर हमें शो कर रहा है. ओके, अभी इंडेक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स में यहाँ पर देखो आउटपुट में एग्जिट क्या हुआ, तो कि जियो एरिया वेरिडेंस ये, तो इंडेक्स यहाँ पर देखे तो ये सारे इंडेक्स यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, वो यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर शो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं एट्रीब्यूट कॉलम्स. ओके, तो कॉलम्स यहाँ पर देखिए, तो जिस यहाँ पर हमें कॉलम्स लेबल शो करेंगे, तो सिंपल हमने क्या टाइप किया, फॉरेस्ट एरिया डीएफ डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स. तो देखो यहाँ पर हमें शो कर दिया इंडेक्स, दैट यहाँ पर कॉलम इंडेक्स शो कर रहा है आसाम केरला दिल्ली. ओके, ये जिस हमें वहाँ पर डिस्प्ले कर देता है. नेक्स्ट यहाँ पर एट्रीब्यूट में हम देखें तो डी टाइप दिया हुआ है, डी टाइप्स. ओके, ये एग्जिट क्या करेगा, डिस्प्लेज द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम्स इन द कॉलम डेटा फ्रेम. ओके, तो देखो आसाम केरला ये तीनों जो कॉलम्स है उसकी यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, तो के वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है उसकी, तो के डेटा टाइप्स यहाँ पर वो हमें शो कर रहा है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम तो के वैल्यूज. ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज ओके क्या कर रहा है, तो के टू डिस्प्लेज अ नंपाई इन द एरे हैविंग द All the values in the data frame without the access labels. तो यहाँ पर जैसे हमें कुछ वो values यहाँ पर वो show कर सकता है. चलो next देखते हैं, यहाँ पर shape बता रहे हैं. Okay, तो shape तो okay, to display the tuple representing the dimensity of the data frame. तो exit यहाँ पर shape क्या है, तो okay, 4 and 3 बता रहे हैं. अभी 4 and 3 कैसे, तो देखो यहाँ पर जैसे अपने example में था, तो कौन सा था, तो देखो प्रीवियस हमने जो यहाँ पर देखा था 4 एंड 3, तो के 4 यहाँ पर किसके लिए, तो के 4 यहाँ पर था रोज के लिए एंड जो वहाँ पर 3 शो कर रहा था वो एग्जिट कौन सा था, तो के वो यहाँ पर था अपना कॉलम्स. तो ये एग्जिट यहाँ पर हमें शो कर रहा है, तो के 4 कौन सा था रोज एंड 3 है वो कौन सा है, तो के वो यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है. चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं साइज. तो टू डिस्प्ले इज अ टपल रिप्रेजेंट द डायमेंशिटी ऑफ द डेटा फ्रेम. अभी एग्जिट देखो तो डेटा फ्रेम डॉट यहाँ पर साइज मेंशन क्या, और आंसर यहाँ पर हमें शो कर रहा है 12. तो के 12 क्यों शो कर रहा है, तो के 4 रोज एंड नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा, तो के 3 कोलन. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें रिटर्न क्या कर रहा है, वो 12 यहाँ पर रिटर्न कर रहा है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट, तो के जस्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज कर रहे हैं डॉट टी डेटा फ्रेम डॉट टी. ओके, तो एग्जिट ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्स डेटा फ्रॉम,
ओके तो के जो डेटा फ्रेम है उसको ट्रांसफॉर्म्स कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो के रो इंडिसेस एंड द कॉलम लेबल इन ऑफ द डेटा फ्रेम रिप्लेस द ईच अदर। अभी देखो चेंज हो गया, तो पहले ही यहाँ पर था क्या था कॉलम लेबल से, बट नाउ एज ए अभी क्या हो गया तो के ट्रांसफॉर्म्स हो गया, तो अभी ये एज ए रो लेबल शो करा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें जियो एरिया वेरिडेंसी, ये रो लेबल्स थे बट नाउ अभी वो क्या हो गया तो के कॉलम लेबल, दैट मीन्स उसको ट्रांसफर्स कर दिया तो के जो रोज थे वो कॉलम्स एंड कॉलम्स थे वो रोज, वाइस वर्सा यहाँ पर वो कन्वर्ट कर दिया, जस्ट ट्रांसफर कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हेड एंड एंड टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड रोज, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर ऑफ रोज हमें डेटा फ्रेम में देखना है। लाइक यहाँ पर देखो तो के डेटा फ्रेम हेड टू, तो दस यहाँ पर क्या होगा तो के जो ये डेटा फ्रेम है उसमें से कौन सी तो के फर्स्ट टू रोज है वो यहाँ पर हमें शो करेगा, तो ये फर्स्ट टू रोज यहाँ पर हमें आउटपुट में शो करेगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पर टेल तो के उसका अपोजिट साइड तो के यहाँ पर कौन सा शो करेगा तो के लास्ट इन नंबर ऑफ रोज यहाँ पर वो हमें डेटा फ्रेम में शो करेगा, दैट मीन्स ये जो रोज है ये कौन सी है तो के भाई ये लास्ट टू रोज होगी, जो डेटा फ्रेम में लास्ट टू रोज है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा, ठीक है, तो ये दस हमें सी एस वी फाइल टू जस यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है डेटा, कैसे करेंगे ये हम जस यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर टू एंड आज का टॉपिक हम जस्ट स्टार्ट करने हैं इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सी एस वी फाइल्स एंड डेटा फ्रेम, कैसे करेंगे तो कि वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम बाय इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम सी एस वी फाइल्स वेयर द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कोमा। ओके तो इसका जस्ट पूरा नाम भी जिस हमें पता होना चाहिए कोमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके तो एग्जिट क्या कर रहे हैं तो कि डेटा हम क्या कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी फाइल्स हैं सी एस वी फाइल्स हैं एंड जो वैल्यूज रहती है वो फाइल्स के अंदर वो वैल्यूज यहाँ पर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कि भाई मैंने यहाँ पर कर दिया तो कि नेम देन यहाँ पर कर दिया फोन देन यहाँ पर कर दिया तो कि एड्रेस, तो ये तीनों वैल्यू है वो क्या हुआ तो कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू। वी कैन ऑल्सो स्टोर और एक्सपोर्ट डेटा इन अ डेटा फ्रेम एज ए सी एस वी फाइल, तो जैसे हम क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट तो कर ही सकते हैं बट यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है तो वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो आज हम वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओके कैसे करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट हैव द फॉलोइंग फाइल सी एस वी फाइल नेम रिजल्ट डॉट सी एस वी स्टोर्ड इन अ फोल्डर, तो अभी हम ये क्या कर रहे हैं तो कि एक फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा फाइल तो कि सी एस वी फाइल, तो ये जो अपना फाइल है यहाँ पर तो ये फाइल अपना कौन सा है तो कि यहाँ पर जो दिया हुआ रिजल्ट डेटा डॉट सी एस वी, तो ये हमें किस में टाइप करना है तो कि ये हमें यहाँ पर नोट पेड में टाइप करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ कोमा सेपरेटेड दिया हुआ है, ठीक है, तो कि जस्ट यहाँ पर जितने भी लेबल्स हैं रोज हैं ठीक है वो जो वैल्यूज हैं वो हमें कोमा सेपरेटेड वो टाइप करना है, और फाइल को सेव कैसे करना है तो कि फाइल को सेव करना है डॉट सी एस वी एक्सटेंशन के थ्रू हमें वो सेव करना है। ओके इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस द कोड व्हाइल वी प्रोग्रेस द सजेस्टेड क्रिएट दिस सी एस वी फाइल यूजिंग अ स्प्रेडशीट एंड सेव इन योर कंप्यूटर। ओके वी कैन डॉट द डेटा फ्रॉम द सी एस वी फाइल इन टू डेटा फ्रेम सच से मार्क्स पांडास एट रीड सी एस वी फंक्शन एंड ऑन बिलो, तो एग्जिट हमने यहाँ पर क्या किया तो कि पहले हमने क्या कर दिया रिजल्ट डेटा डॉट सी एस वी फाइल नोटपैड में टाइप कर दिया। ओके एंड जस्ट वहाँ पर हमने क्या कर दिया उसको अपने फोल्डर के अंदर सेव कर दिया है। ओके अभी ये फाइल को हम क्या कर रहे हैं तो कि जस्ट वहाँ पर हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो रीड यहाँ पर कैसे कर रहे हैं तो देखो तो कि इन टू डेटा फ्रेम तो कैसे किया तो कि मार्क्स इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। ओके तो यहाँ पर एक हम फंक्शन जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पर लोड कर रहे हैं डेटा और कौन सी मेथड के थ्रू जस्ट यहाँ पर फंक्शन के थ्रू रीड सी एस वी, तो देखो एग्जिट हमें लोकेशन हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कौन सा तो के एफ देन ये अपना फोल्डर नेम एंड ये अपना फाइल तो के ये जो फाइल था हमने ये फोल्डर के अंदर क्या किया हुआ है सेव किया हुआ है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो के एस
ईपी एक यहाँ पर जिसके आप पैरामीटर यूज किया हुआ, तो कि ये जिस यहाँ पर पैरामीटर हम क्या कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर जो हमें कोमा जो दिया हुआ है, ओके कोमा जो सेपरेटर दिया हुआ, तो यहाँ पर वो हम सेपरेटर एस सी पी मीन्स यहाँ पर सेपरेटर, तो यहाँ पर आप जिस कोमा दिया तो वो सेमीकोलन टेब या फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर डबल कोट में मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक और पैरामीटर हमने यूज किया हुआ है, कौन सा, तो कि हेडर यहाँ पर, तो वो स्पेसिफाई क्या कर रहा है, तो कि नंबर ऑफ रोज विज वैल्यूज आर टू बी एज ए कॉलम्स नेम्स। ओके तो यहाँ पर हमने हेडर जस्ट स्टार्ट किया स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, एंड लास्ट में यहाँ पर जैसे हेडर जीरो हमने क्यों मेंशन किया हुआ, ओके तो कि वो जस्ट यहाँ पर क्या इंप्लाइज कर रहा है, तो कि द कॉलम नेम्स आर इनफ्रेड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, ओके यहाँ पर कर रहा है, यानी कि वो जस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कि जस्ट कुछ जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट लाइन से यहाँ पर क्या करेगा, वो जस्ट स्टार्ट यहाँ पर इम्प्लाई करेगा। और बाय डिफॉल्ट अगर हम जस्ट बात करें तो कि ये जस्ट ऑलवेज वैल्यू अगर हेडर जीरो नहीं दे रहा है तो डिफॉल्ट भी वो कौन सा रहता है, तो कि वो जीरो फर्स्ट से ही वो स्टार्ट करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टिंग। ओके एक्सक्लूसिव स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स यूजिंग द पैरामीटर नेम्स व्हाइल द क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम यूजिंग रीड सी ए सी फंक्शन। For example, following statement name parameter used to specify the labels for the column. कैसे कर रहे हैं देखो, तो यहाँ पर marks pd.read_csv. Again the same, देखो जैसे हमने यहाँ पर path provide किया अपनी फाइल का, जो csv फाइल था, value कौन सा दिया, तो कि comma separated value, but यहाँ से अलग हुआ, तो कि यहाँ पर जस्ट क्या कर रहे हैं हम, तो कि names यहाँ पर, तो देखो एग्जिट यहाँ पर बताया, तो कि एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाई द कॉलम्स नेम यूजिंग पैरामीटर नेम व्हाइल क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, तो एग्जिट हम कौन सा देने, तो कि आर नेम देन द स्टूडेंट्स नेम फिर सब्जेक्ट वन एंड द सब्जेक्ट टू। तो अभी देखो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया आर नंबर स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट वन एंड द सब्जेक्ट टू, ऑलरेडी वहाँ पर थे रोल नंबर नेम इको मैथ्स ये थे, बट हमने यहाँ पर क्या कर दिया, तो कि जस्ट हम वहाँ पर कॉलम नेम्स वहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रेम टू सी एस वी फाइल। ओके तो जस्ट यहाँ पर यूज कौन सा यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, टू सी एस वी फंक्शन टू सेव अ डेटा फ्रेम टू टेक्स्ट और सी एस वी फाइल। ओके पहले हमने क्या किया था, तो कि सी एस वी फाइल टू हम कर रहे थे वहाँ पर डेटा फ्रेम। ओके एंड अभी नाउ हम क्या कर रहे हैं, तो कि जो यहाँ पर ऑलरेडी जो डेटा फ्रेम है उसको हम किस में कन्वर्ट करें, सी एस वी में। ओके जस्ट यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल टू सेव द डेटा फ्रेम रिजल्ट डी एफ, और यहाँ पे जो रिजल्ट डी एफ है वो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या है, तो कि ये अपना डेटा फ्रेम है। ओके जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्रिएट किया हुआ था। ओके तो ये एक सिंपल है। ओके नाउ अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं, देखो टू सी एस वी, तो ये जो डेटा फ्रेम था अभी हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर सी एस वी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके पाथ अंडरस्कोर बफर कौन सा पाथ, तो कि ये जस्ट यहाँ पर, तो कि जस्ट अपना जो फाइल जो सेव होना चाहिए वो कौन से लोकेशन पर, ये लोकेशन पर वो फाइल सेव होना चाहिए। एंड यहाँ पर एग्जिट क्या दे दिया हमें, तो कि वो फाइल जो स्टोर करे वो वैल्यू कौन सा सेपरेटेड होना चाहिए, तो कि कोमा सेपरेटेड होना चाहिए। लाइक अभी जस्ट हमने ये फाइल जो ओपन किया हमने, वो यहाँ पर ओपन हमने जस्ट यहाँ पर कौन सा किया, तो कि ये हमने फाइल स्प्रेडशीट में ओपन किया, बट ये फाइल आप कहाँ पर, तो कि आप जस्ट अगर नोट पेड में ये फाइल ओपन करते हैं तो उसमें जो वैल्यू शो करेगा वो वहाँ पर कोमा सेपरेटेड वैल्यू वहाँ पर हमें शो कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इन केस वी डू नॉट वॉन्ट अ कॉलम नेम्स टू बी सेव्ड इन अ फाइल मे यूज द पैरामीटर हेडर फॉल्स। सिंपल है, हमें कॉलम्स नेम नहीं चाहिए, तो जैसे हम क्या करेंगे, हेडर क्या कर देंगे, फॉल्स। अनदर पैरामीटर इंडेक्स फॉल्स इज यूज व्हेन वी डू नॉट वॉन्ट द रो लेबल्स टू बी रिटन इन द फाइल डिस्क, तो एग्जिट यहाँ पर भी उसको क्या कर दिया, फॉल्स, तो यहाँ पर जो भी नहीं चाहिए तो लेबल्स नहीं चाहिए इन शॉर्ट। तो देखो सी एस वी एंड पाथ दे दिया। ओके अभी देखो सेपरेटर यहाँ पर क्या यूज कर दिया, तो यहाँ पर जस्ट यूज कर दिया एट द रेट, तो यहाँ पर देखो 90, 92, 89, 84, बट बीच में यहाँ पर यूज क्या करें, तो यहाँ पर जस्ट एट द रेट साइन यहाँ पर देखो यूज करें, तो ये एग्जिट यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर देखो रो लेबल्स भी यूज नहीं करें, कॉलम लेबल भी यूज नहीं करें, बट बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वहाँ पर वो क्या यूज करें, तो कि एट द रेट यहाँ पर आउटपुट हमें
यहाँ पर देखे तो वो सब में यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एट द रेट साइन वो सेपरेटेड कर देगा और हेडर फॉल्स या एंड इंडेक्स भी फॉल्स, दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या है तो कहते सुनने यहाँ पर ना तो कॉलम लेबल शो कर रहे हैं ना तो यहाँ पर हमें तो के रो लेबल शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जिट सिंपल, यहाँ पर हेडर क्या कर देना है फॉल्स और इंडेक्स क्या कर देना है फॉल्स शो कर देना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर पांडा सीरीज एंड नमपाई एंड सीरीज है, वो डिफरेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो, आज के वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक है पांडा सीरीज और नमपाई एंड एरेस। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन द पांडा सीरीज एंड द एनपाई एरेस। ओके फर्स्ट डिफरेंट यहाँ पर करें तो कि इन सीरीज यू कैन डिफाइन आवर ओन लेबल। ओके तो कि एक जस्ट ये डिफरेंट है, डिफाइन ओन लेबल इंडेक्स टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ओके तो यहाँ पर ये जिस रहता है कि हमें जैसे अपने जैसे एलिमेंट्स अगर एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर अपना जैसे यहाँ पर लेबल इंडेक्स यहाँ पर डिफाइन करना है तो हम कर सकते हैं, और ये जो रहते हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं और ये लेटर्स भी हो सकते हैं। ओके अभी नमपाई साइड देखें तो कि जिस नमपाई एरे इज एक्सेस बाय देयर इंटीजर पोजिशन यूजिंग नंबर्स ओनली। ओके लाइक 0, 1, 2, 3 जो भी नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो कि जिस यहाँ पर क्या बताया द एलिमेंट्स कैन बी इंडेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो। ओके एंड दिस साइड नंबर इंडेक्स इन स्टार्ट विद अ जीरो द फर्स्ट एलिमेंट एंड इंडेक्स इज फिक्स, जैसे पहले बताया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन जो भी कंटिन्यूस रहते हैं। ओके इफ अ टू सीरीज आर नॉट अलाइंड एन ए एन, ओके नॉट अ नंबर और मिसिंग वैल्यू आर जनरेटेड। ओके इगर इन केस वहाँ पर वो नंबर्स नहीं है वो वैल्यूज नहीं है दैट डिस्प्लेज अ एन ए एन, ओके जो मिसिंग वैल्यू है वहाँ पर ये हमें शो कर देता है। ओके एंड द नेक्स्ट इस साइड अगर हम बात करें तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एन ए एन वैल्यूज, इफ देर इज नो मैचिंग वैल्यूज एरे अलाइनमेंट्स फेल। तो अगर वहाँ पर कुछ भी वो मैचिंग वैल्यू नहीं आ रहा तो दैट्स वहाँ पर अलाइनमेंट फेल, यानी कि दैट्स कुछ वहाँ पर हमें एग्जिट वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। ओके सीरीज रिक्वायर्स अ मोर मेमोरी एंड ऑक्यूपाइज अ लेसर मेमोरी, ये दोनों में एग्जस्ट यहाँ पर डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है उसका सॉल्यूशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो कि जस्ट यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ व्हाट इज द सीरीज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगल डायमेंशन एरे लिस्ट एंड डिक्शनरी, तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर हमें बता। ओके फर्स्ट यहाँ पर अगर हम सिंपल बात करें तो कि सीरीज जैसे अभी बताया तो कि कौन सा है वन डायमेंशन एरे, ओके एंड कंटेन द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, ओके और कोई भी डेटा टाइप हो सकता है वो इंटीजर हो सकता है लिस्ट स्ट्रिंग कोई भी टाइप का वो डेटा टाइप हो सकता है। ओके डिफॉल्ट रेंज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक लेबल दैट स्टार्टिंग विद 0, 0, 1, 2, 3, ओके ये जो इंडेक्स वैल्यूज है। ओके अभी नाउ फर्स्ट सीरीज वर्सेस यहाँ पर वन डायमेंशन है। ओके सीरीज कैन हैव अ डिफिकल्ट एज वेल एज प्री डिफाइंड लेबल इंडेक्स वाइल द नंबर वन डायमेंशन एरे ओनली डिफॉल्ट इंडेक्स, सीरीज कैन कंटेन द वैल्यू एनी डेटा टाइप वाइल एन एरे कंटेन द एलिमेंट द सेम डेटा टाइप। अभी नेक्स्ट लिस्ट तो के सीरीज के अंदर डिफॉल्ट एज वेल एज अ प्री डिफाइंड इंडेक्स लेबल, आप जस्ट पहले अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया कोई भी जस्ट वहाँ पर हम इंडेक्स लेबल डिफाइन कर सकते हैं वाइल द लिस्ट हैज ओनली डिफॉल्ट इंडेक्स कौन से लिफ जो भी यह टाइप के रहते हैं। ओके एंड द सीरीज और डिक्शनरी यहाँ पर बात करें तो कैन बी एक्सेस यूजिंग द डिफॉल्ट इंडेक्स एज वेल एज ऑन जस्ट यहाँ पर रूल लेबल्स वाइल द डिक्शनरी कैन नॉट एक्सेस यूजिंग डिफॉल्ट इंडेक्स द नीड टू बी एक्सेस यूजिंग प्री डिफाइंड कीज। चलो सेकेंड क्वेश्चन था वॉट इज डेटा फ्रेम एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम टू डायमेंशन एरे। ओके सिंपल जस्ट यहाँ पर हम सीखे तो जस्ट ये एक तो क्या है तो कि टू डायमेंशन एरे, ओके टू डायमेंशन लेबल जो भी यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके लाइक पहले भी हमने डिस्कस किया था तो कि लाइक अ टेबल जो रहता है MySQL में। ओके अगर टेबल है तो ऑब्वियस यहाँ पर क्या रहेंगे रोज एंड द कॉलम्स रहेंगे, देयरफॉर हैज अ रो एंड कॉलम इंडेक्स, तो यहाँ पर उसको क्या रहेंगे तो कि उसके रो कॉलम इंडेक्स रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कि ये जस्ट अपना यहाँ पर क्या हो गया
टेबल है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, देन द नेम, देन द S1, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, तो ये क्या हो जाएंगे, तो कि ये हो जाएंगे कॉलम लेबल, ओके, एंड रोल लेबल, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बात करें तो वो जो यहाँ पर हम नंबर्स देंगे, तो ये एग्जिट क्या हो जाएंगे उसकी, तो कि यहाँ पर हो जाएंगे रो लेबल, ओके, दैट कैन हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बुलियन, ओके, लाइक यहाँ पर है रोल नंबर है, तो रोल नंबर कौन से रहेंगे, तो कि न्यूमेरिक है, फॉर एग्जाम्पल नेम है, तो वो कौन से हो जाएंगे, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, तो ये था, ओके, जस्ट डिफरेंस क्या है पर, तो इट कैन होल्ड द वैल्यूज और एलिमेंट एनी डेटा टाइप, कहाँ पर, तो कि डेटा टाइप में, डेटा फ्रेम में, ओके, टू डायमेंशन, इट कैन कंटेन द वैल्यूज एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप, ओके, ये एक डिफरेंट है, यहाँ पर कोई भी एनी डेटा टाइप है, बट यहाँ पर कौन सा रहेगा, सेम टाइप, ओके, इट कैन कंटेन द इंडेक्स एज वेल एज अ लेबल फॉर द रोज एंड द कॉलम्स, तो कि यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर हम लेबल्स यहाँ पर हो सकता है, लेबल्स फॉर रोज एंड द कॉलम्स, बट यहाँ पर देखो तो कि लेबल इंडेक्स बाय द पॉजिटिव इंटीजर फॉर बोथ रोज एंड द कॉलम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द डेटा फ्रेम्स रिलेटेड टू अ सीरीज, ओके, कैसे यहाँ पर देखो, बोथ द डेटा फ्रेम्स एंड द सीरीज आर डेटा स्ट्रक्चर फॉर बोथ पांडास लाइब्रेरी. A series is a one-dimension structure with a data frame is a two-dimension structure. Like a simple example है, कौन सा है, तो के table जो MySQL में रहता है हम create करते हैं, वो table. चलो next, what you understand by the size of a series or a data frame? Okay, exit यहाँ पर क्या है, देखो series, size of the series refers to number of values element in series. इसमें सीरीज है, ओके, डेटा फ्रेम में क्या है, तो के साइज ऑफ द डेटा फ्रेम रिफर्स द नंबर ऑफ वैल्यूज और एलिमेंट इन अ डेटा फ्रेम, लाइक एग्जांपल देखे तो पांडास हमने इंपोर्ट कर दिया, ओके, pd.series यहाँ पर हमने जस्ट ये 1, 2, 3 दिए हुए हैं, ओके, तो दैट्स यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, तो कि ये उसका इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर है एंड ये जो हमने वहाँ पर दिया और कौन से टाइप का इंटीजर यहाँ पर, ओके, अब यहाँ पर देखो तो कि जस्ट ये क्या हो गया, तो कि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वैल्यूज एंड द एलिमेंट्स कौन सा, तो कि यहाँ पर सीरीज है, एंड नाउ यहाँ पर डेटा फ्रेम में देखे तो कि dfpd.dataframe एक यहाँ पर एलिमेंट दिया और ये यहाँ पर सेकेंड दिया, ओके, नाउ अभी देखिए यहाँ पर तो कि ये जस्ट यहाँ पर क्या हो गए, तो कि हमने जस्ट यहाँ पर इसकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज एंड उसके जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं. चले नेक्स्ट, तो क्रिएट अ फॉलोइंग सीरीज टू डू द स्पेसिफाइड ऑपरेशंस, ओके, अभी यहाँ पर एग्जिट क्या कर रहे हैं, तो कि इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग द 26 अल्फाबेट वैल्यूज एंड द डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज, हमें जस्ट प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने नाम चेंज किया थोड़ा, तो कि सीरीज, ओके, SER दे दिया, pd.english सीरीज, यहाँ पर जस्ट पूरा सिंपल हमने अल्फाबेट्स दे दिए, ओके, जैसे यहाँ पर हम सीरीज प्रिंट करेंगे ये जो यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पर तो कि अभी जस्ट यहाँ पर आउटपुट में हमें जैसे यहाँ पर 7 तक ही प्रिंट किया, बट ये कहाँ तक जाएगा, तो कि ये जस्ट यहाँ पर लास्ट तक यहाँ पर जा सकता है, ओके, तो ये यहाँ पर हो सकता है जेड तक यहाँ पर हमें आउटपुट शो करेगा, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज डू द स्पेसिफाई ऑपरेशंस, ओके, तो यहाँ पर एग्जिट स्पेसिफाई ऑपरेशन कौन सा करना है, तो के वोवेल्स हैविंग द 5 एलिमेंट्स विद द इंडेक्स ए आई ओ यू एंड ऑल द 5 वैल्यूज टू सेट अ 0, ओके, तो एग्जिट यहाँ पर क्या करेंगे, देखो तो क्या क्या इफ एंड लास्ट में, हाँ, चेक इफ इज इट एम्प्टी और नॉट, ओके, तो यहाँ पर तो कि जैसे यहाँ पर वोवेल pd.series एंड यहाँ पर 0 इंडेक्स वाली यहाँ पर हमने कौन सा दे दिया ए आई ओ यू, ओके, एंड जस्ट लास्ट में हम क्या चेक कर रहे हैं, तो कि जैसे वो एम्प्टी है कि नहीं, तो कि जैसे vowel.empty और रिटर्न इज यहाँ पर कर रहा है फॉल्स, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू हमने मेंशन किया और इंसर्ट किया हुआ है. चलो नेक्स्ट यहाँ पर तो सेम क्वेश्चन, तो के फ्रेंड्स दैट फ्रॉम अ डायरेक्टरी हैविंग द रोल नंबर ऑफ 5 दैट यू हैव फाउंड एज अ डेटा एंड दैट देयर फर्स्ट नेम एज अ कीज, नाउ दैट इंपोर्ट पांडास हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, नाउ डिक्शनरी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वी जस्ट असाइंड रोल नंबर 1 टू राज, वी राज टू 2, अजय टू 3, वी टू 4 एंड राजवी टू 5, ओके, दैट्स यहां पर देखो क्रिएट किया, तो के 1 2 3 4 एंड यहां पर सीरीज फ्रेंड pd.series एंड यहाँ पर जैसे हमने क्या दे दिया, तो कि सीरीज कौन सा क्रिएट किया, डिक्शनरी, ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज एंड डू स्पेसिफाई ऑपरेशन. सो अगेन द सेम क्वेश्चन, तो के एम टी सीरीज एंड एम टी सीरीज, ओके दैट चेक इफ इज एम टी और नॉट. ओके तो यहाँ पर देखें तो के एम टी सीरीज पी डी डॉट सीरीज. देखिए यहाँ पर जैसे हमने डेटा टाइप मैंशन किया, बट हमने कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ वैल्यू यहाँ पर मैंशन नहीं किया. दैट मीन्स ये क्या हो गया, तो कि ये सीरीज यहाँ पर एक्चुअल में कौन सा है, तो कि एम टी सीरीज है. ओके एम टी सीरीज डॉट एम टी, तो रिटर्न इज यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, ट्रू, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट्स वैल्यूज स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. ओके क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज एंड डू स्पेसिफाई ऑपरेशंस. मंथ डेज फ्रॉम अ नम हैविंग द डेज इन द 12th मंथ ऑफ द ईयर एंड द लेबल शुड बी मंथ नंबर्स फ्रॉम द 1 to 12. ओके सिंपल है. चलो तो के फर्स्ट हम यहाँ पर लाइब्रेरी इनको पी डी कर दिया, एन पी कर दिया, दैट मीन्स पांडा एंड नम पाई. ओके नाउ एम डी इज इक्वल टू दैट एन पी डॉट एरेज. ओके दस यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, तो के जस्ट नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई कर दिया. ओके एंड जस्ट यहाँ पर एम डेज, तो के जस्ट सीरीज एक यहाँ पर कर दिया, तो के क्या कर दिया उसमें इंक्लूड कर दिया हमने एम डी. इंडेक्स रेंज यहाँ पर हमने कौन सा कर दिया, तो के 1 to 13, दैट मीन्स यहाँ पर सीरीज है तो लास्ट वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड कर देगा. तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 to और कहाँ तक हमें जस्ट शो कर रहा है, 12 तक. तो दैट्स ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो के जस्ट यहाँ पर जो डेज हैं, डेज इन द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, जस्ट यहाँ पर हमने क्रिएट किया सीरीज. चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6. ओके दैट क्रिएटिंग इन द सीरीज क्रिएटेड इन द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कमांड्स फॉर द फॉलोइंग. सेट ऑल द वैल्यूज वॉयल टू 10. ओके जो जितने भी वॉयल्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पर था उसके यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है हमें 10. ओके तो जस्ट एग्जिट कैसे कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर तो के वॉयल्स जस्ट यहाँ पर एंड यहाँ पर हमने क्या असाइन कर दिया, 10. दैट मीन्स अभी देखो तो ए आई ओ यू यहाँ पर उसका वैल्यू कितना है, यहाँ पर असाइन कर दिया हमने 10. ओके दैट्स व्हाट द सीरीज इज फॉर. ओके सेकंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड ऑल द वैल्यूज ऑफ वॉयल बाय द 2 एंड डिस्प्ले द सीरीज. तो एग्जिट देखे यहाँ पर वॉयल्स एट यहाँ पर वॉयल 2 देन द वॉयल यहाँ पर 2 से डिवीजन कर रहा है, दैट्स यहाँ पर रिटर्न आंसर हमें ये कर रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर पहले इसका वैल्यू कितना था, 10, तो अभी 2 से डिवाइड किया तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, तो के 5. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. क्रिएट अनदर सीरीज वोवेल 1 हैविंग द 5 एलिमेंट्स विद द इंडेक्स ए ए आई ओ एंड दिस यहाँ पर वैल्यूज 2, 5, 8, 6 ही जस्ट यहाँ पर हमें करना है क्रिएट. ओके तो यहाँ पर एक और जो सर ने वोवेल 1 ओके एंड पी डी डॉट सीरीज एंड वैल्यू जस्ट फाइंड कर दिया और इंडेक्स कौन सा कर दिया, ए आई यू. तो देखो ए जस्ट 2 देन 2 द आई 6 द 0 3 ओ 3 एंड यहाँ पर हमने ये जस्ट फाइंड कर दिया. ओके चलो नेक्स्ट एट द वैल्यूज दैट वोवेल्स 1 एंड असाइन द रिजल्ट. ओके तो प्रीवियस यहाँ पर देखे तो प्रीवियस यहाँ पर वोवेल 2 इज इक्वल टू वोवेल प्लस 1. ओके वोवेल का वैल्यू पहले कितना था, तो के एग्जिट 2 था. ओके तो यहाँ पर जो हमने 2 से डिवाइड किया था, तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो तो वोवेल यहाँ पर 1. ओके तो यहाँ पर देखे तो जैसे एग्जिट वैल्यू कितना हो गया, तो के 2 और यहाँ पर प्लस 5 यहाँ पर, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है हमें जैसे 5 दिया, तो जैसे यहाँ पर 5 और उससे पहले वाला जैसे यहाँ पर कितना होगा, तो के 5, तो 5 प्लस 5 दैट रिटर्न यहाँ पर 10. तो दैट्स यहाँ पर हमें ये रिटर्न कर रहा है वोवेल एंड वोवेल 1 जो हमने डिक्लेरेशन किए हुए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. ओके देन सबट्रैक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वोवेल्स बाय वोवेल 1. ओके तो ये जस्ट यहाँ पर दिया हुआ था कैलकुलेशन, तो के वोवेल 1 एंड वोवेल जस्ट यहाँ पर वोवेल 1, तो जस्ट सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हमें इस तरह से शो कर रहा है. फिर मल्टीप्लीकेशन करें तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं. ओके तो 2 देन यहाँ पर हम जस्ट देखें तो 2 इंटू जस्ट यहाँ पर 5 देन यहाँ पर 5 मल्टीप्लीकेशन 5 देन जो भी यहाँ पर आंसर था, तो एग्जिट वो में कंटिन्यू शो कर रहे हैं. सेम वे यहाँ पर हमें जस्ट वो डिवीजन कर रहे हैं, तो ये जस्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं. चलो ओके नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, आफ्टर लेबल्स ऑफ वोवेल 1 2 ए आई यू. ओके तो एग्जिट अभी यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, तो कि ए आई ओ यू. ओके एंड वोवेल्स 1 यहाँ पर दिया, तो कि जस्ट वैल्यू असाइन कर दिया और कैपिटल में यहाँ पर साइन किया हुआ. चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7. ओके
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा था, फाइंड द डायमेंशन साइज वैल्यूज ऑफ द सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पर हम जिस बात करें तो कि इंग्लिश अल्फाबेट, ओके ये सीरीज है, तो अपना सीरीज का नाम कौन सा था, तो यहाँ पर अपना था सीरीज का नाम था SER। ओके, ये याद रखना। ओके, तो एग्जिट क्या कर दिया हमने, SER.save। तो देखो 26 जो अल्फाबेट सीरीज था, और साइज तो यहाँ पर भी 26, और वैल्यूज कौन सी थी, तो देखो जस्ट यहाँ पर ABCD A2 लेके Z तक यहाँ पर जस्ट करा था। इन शॉर्ट ये अपना आंसर रहेगा, डॉट सेव, डॉट साइज एंड डॉट वैल्यूज। चलो नेक्स्ट, रीनेम द एम्प्टी सीरीज एज अ सीरीज एम्प्टी। ओके, तो एग्जिट यहाँ पर देखे फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, एम्प्टी सीरीज डॉट रीनेम एंड जस्ट नाम कौन सा कर दिया, सीरीज एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखे नेम द इंडेक्स द सीरीज मंथ डेज एज अ मंथ नंबर एंड दैट ऑफ द सीरीज फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड नेम। तो कैसे होगा, तो के एम डेज डॉट इंडेक्स डॉट नेम, तो क्या कर दिया मंथ नंबर, यानी कि जो एम डेज सीरीज था अपना, एंड जो अपना फ्रेंड सीरीज था उसको जस्ट यहाँ पर सेम कर दिया कौन सा नाम से, एफ नेम। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देते हैं, डिस्प्लेज द थर्ड एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ द सीरीज फ्रेंड इन द ऑर्डर। ओके, तो ये देखा जस्ट यहाँ पर सेकेंड एंड यहाँ पर कौन सा थर्ड, ओके थर्ड एंड सेकेंड यहाँ पर हमें शो करा। ओके, तो ये एग्जिट अपना यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर हमें शो करा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, डिस्प्ले द अल्फाबेट E to P फ्रॉम द सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट। तो एग्जिट देखें यहाँ पर सीरीज 4 to 16। ओके, तो यहाँ पर हम जिस बात करें ABCD, ओके एंड ई, ओके तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो 4 मीन्स यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो के ई, देखिए यहाँ पर जिस समय 4 कौन सा कर शो कर रहा है, ई। ओके, दैट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, दैट्स व्हाई यहाँ पर 4E एंड पी यहाँ पर 16 दिया, दैट मीन्स वो 15 हो जाएगा, तो दैट यहाँ पर वो प्रिंट कर रहा हमें पी। चले नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले इज द फर्स्ट 10 वैल्यूज ऑफ द सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो एग्जिट सिंपल फंक्शन हमने जस्ट चैप्टर में देखा था सीरीज डॉट हेड, तो हेड यहाँ पर फर्स्ट 10 वैल्यूज प्रिंट करना है, तो 10। ओके, तो दिस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 9, दैट मीन्स फर्स्ट कितनी हो गई, 10 वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर जो समय शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पर डिस्प्ले इज द लास्ट 10 वैल्यूज इन द सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट। तो सीरीज डॉट टेल एंड 10 दिया, दैट मीन्स लास्ट 10, तो यहाँ पर देखे तो 25, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा है अल्फाबेट, तो 26, तो लास्ट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लास्ट 10 यहाँ पर जो सीरीज वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हमें प्रिंट करा है। चलो नेक्स्ट, डिस्प्ले इज एम टी सीरीज। ओके, तो दस यहाँ पर प्रिंट एम टी सीरीज, ओके दस यहाँ पर हमें प्रिंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ जस्ट यहाँ पर हम देखते हैं, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन द थ्रू 3 through 7 सीरीज मंथ 8। ओके, तो एग्जिट देखें यहाँ पर, तो प्रिंट यहाँ पर सेकेंड एंड 7, तो जस्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो यहाँ पर देखें तो जस्ट एग्जिट यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, ओके 3 to 7, ओके 2 to 7 दिया हुआ था। चलो नेक्स्ट, डिस्प्ले द सीरीज मंथ इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, पहले यहाँ पर देखें तो जस्ट पहले 1 to 12 हमने जस्ट प्रिंट किया था, एंड नाउ अभी देखें तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर रिवर्स में जस्ट प्रिंट कर रहा है। ओके, तो 1 to 10 यहाँ पर 12, 11, 10 यह जस्ट यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हम स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पार्ट 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। ओके, दैट्स डेटा फ्रेम क्रिएट करना है सेल्स। ओके, अब यहाँ पर क्या जिस क्या हुआ, तो के जैसे यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं सेल्स फिगर्स ऑफ द 5 सेल्स पर्सन इन INR। ओके, तो जस्ट कुछ यहाँ पर फिगर्स दिए हुए, ये जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, जो भी यहाँ पर दिया था
कैसे करेंगे यहाँ पर देखें तो एग्जिट क्या करना है, तो के पहले हमें पांडास लाइब्रेरी जस्ट इंक्लूड करना है। ओके एंड यहाँ पर जस्ट डेटा फ्रेम नेम दिया हुआ है। ओके जस्ट यहाँ पर एक सीरीज जो भी यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ये जस्ट कुछ यहाँ पर जो फिगर्स दिए थे यहाँ पर हमने क्रिएट किया। ओके नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तो के सेल्स डॉट पी डी देन यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम, ओके दस यहाँ पर डेटा फ्रेम और जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। नाउ अभी जस्ट प्रिंट करें तो हमें जस्ट ये यहाँ पर क्रिएट करें, हमें एग्जिट हमने क्या क्रिएट कर दिया, तो कि यहाँ पर डेटा फ्रेम एक यहाँ पर सेल्स क्रिएट कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 10 यूजिंग द डेटा फ्रेम क्रिएट एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रीवियस अभी हमने लिख दिया। ओके तो फर्स्ट क्या करना है, डिस्प्ले द रो लेबल्स ऑफ द सेल्स, तो रो लेबल्स एग्जिट यहाँ पर देखें सेल्स डॉट इंडेक्स, तो इंडेक्स यहाँ पर देखें रो लेबल्स, तो रो लेबल्स यहाँ पर अपने कौन से थे, तो ये एग्जिट जो अपने यहाँ पर है ये एग्जिट क्या हो जाएंगे, तो कि ये यहाँ पर थे अपने रो लेबल्स। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखें कॉलम लेबल्स, तो कि सेकंड जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 है, तो जिस कॉलम्स लेबल यहाँ पर क्या कैसे किया, तो कि सेल्स डॉट कॉलम्स, तो 14 15 16 17 ये एग्जिट यहाँ पर देखें तो ये अपने यहाँ पर जिस क्या हो जाएंगे, तो ये अपना हो जाएंगे वहाँ पर कॉलम इंडेक्स। ओके चले नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या करें, यूज डेटा फ्रेम क्रिएटेड इन क्वेश्चन नंबर 9 एंड फॉलोइंग। ओके तो सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम सी में यहाँ पर हम देखें, तो डिस्प्ले इज अ टाइप डेटा टाइप्स ऑफ द कॉलम्स, तो जस्ट यहाँ पर जो कॉलम्स दिया है उसके यहाँ पर क्या करें हमें डेटा टाइप्स यहाँ पर शो करा है, 16 इंटीजर एंड इंटीजर यहाँ पर शो करा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, तो दिस डी क्वेश्चन डिस्प्ले इज अ डायमेंशन शेप एंड साइज एंड द वैल्यूज, कैसे करेंगे देखो, तो के दिस यहाँ पर सीरीज डॉट एन डायमेंशन देन सेल्स डॉट शेप एंड सेल्स डॉट साइज एंड सेल्स डॉट वैल्यूज, ये जस्ट यहाँ पर हम क्या करें प्रिंट करें। चल नेक्स्ट देखते हैं ई क्वेश्चन, तो के डिस्प्ले इज द लास्ट टू रोज ऑफ द सेल्स, ओके तो ये एग्जिट अपना जस्ट पूरा डेटा फ्रेम है। ओके तो बट हमें क्या करना था लास्ट टू, तो लास्ट टू यहाँ पर क्या देखे हमने क्या किया सेल्स टेल टू, तो देखो दस दो लास्ट की ये रोज। ओके तो यहाँ पर हम आउटपुट में देखें तो यहाँ पर हमें दो यहाँ पर शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, डिस्प्ले इज द फर्स्ट टू कॉलम्स ऑफ द सीरीज, ओके तो ये अपना डेटा फ्रेम, ओके एंड द फर्स्ट टू तो 14 एंड 15, तो एग्जिट यहाँ पर देखिए हमने कमांड कौन सा दिया, तो के सेल्स डॉट आई लुक इट एंड यहाँ पर कौन सा चाहिए था हमें फर्स्ट टू, ओके 012 जो कि यहाँ पर जो दिया रहा है, तो के जस्ट यहाँ पर 14 एंड कौन सा 15, तो एग्जिट हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी, क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग फॉलोइंग डेटा, यूज अ डिक्शनरी टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम सेल्स, तो ये एग्जिट हमें डिक्शनरी यहाँ पर 2018 यहाँ पर डिक्शनरी ऐड करना है जो ऑलरेडी डेटा है उसमें। ओके डिक्शनरी टू यहाँ पर जस्ट 2018 एंड यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐड कर रहा है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है सेल्स डॉट पी डी डेटा फ्रेम डिक्शनरी टू इंडेक्स, देखें यहाँ पर इंडेक्स जो यहाँ पर पूरा ऑलरेडी दिया हुआ, तो एग्जिट देखे यहाँ पर रिकॉर्ड्स यहाँ पर कौन सा ऐड हुआ 2018। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर चेक इफ द सेल्स टू आर एम्प्टी और नॉट, तो यहाँ पर द सेल्स टू यहाँ पर चेक करें एम्प्टी है कि नहीं, बट रिटर्न यहाँ पर क्या करेगा फॉल्स जस्ट बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर कुछ डेटा हमने इंक्लूड इंसर्ट किया हुआ है। चल क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, ओके क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर एग्जिट क्या करें, तो जस्ट 9 में जो किया था वही हमें डेटा फ्रेम यूज करना है, अपेंड द डेटा फ्रेम सेल्स टू डेटा फ्रेम सेल्स, ओके कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ पर सेल्स डॉट सेल्स डॉट अपेंड यहाँ पर सेल्स टू, ओके या फिर यहाँ पर जैसे हम क्या कर सकते हैं सेकेंड रिकॉर्ड मेथड यूज कर सकते हैं कौन सा, तो कि सेल्स डॉट पी डी डॉट कॉन्टेक्ट यहाँ पर कॉन्केट देन सेल्स सेल्स टू एक्सिस वन। ओके तो देखें यहाँ पर जिस प्रिंट हुआ, तो देखो पहले यहाँ पर पूरा यहाँ पर हमें रिकॉर्ड वो शो करा पूरा जितना भी यहाँ पर 2018 तक का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर हमें शो करेगा। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर चेंज द डेटा फ्रेम सेल्स दैट बिकम्स अ ट्रांसपोज, ओके तो जस्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं यहाँ पर कैसे, तो के सेल्स एंड सेल्स डॉट टी, तो भी देखिए यहाँ पर 2018 से लेके एंड बाद में यहाँ पर देखे तो के जस्ट यहाँ पर हमें वैल्यूज शो कर रहे हैं, पहले हमने जस्ट 2017 तक यहाँ पर एंट्री किया था, बाद में हमने
18, तो के 18 में हमने कौन सा, तो के एक जस्ट यहाँ पर हमने एंटर किया हुआ था। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यूज द डेटा फ्रेम क्रिएटेड इन ऑक्वेशन 9। ओके वही सेम यूज करना है डेटा फ्रेम। ओके डिस्प्ले द सेल्स मेड बाय द ऑल द सेल्स पर्सन इन 2017, जो 2017 में यहाँ पर जो है पूरा। ओके सेल्स डॉट पी डी देन द डेटा फ्रेम, जो पहले हमने कमांड एग्जीक्यूट किया था। ओके प्रिंट सेल्स डॉट लोकेट एंड 2017, तो ये जो पूरा हमें शो कर रहा है ये कौन सा, तो के देखो नेम कौन सा है 2017, ये जैसे यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यूज द डेटा फ्रेम क्रिएटेड इन इक्वेशन 9। ओके सेम हमें डेटा फ्रेम यूज करना है। डिस्प्ले द सेल्स मेड बाय द श्रुति 2016, तो एग्जिट देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया, सेल्स डॉट एल ओ सी जैसे यहाँ पर यूज किया। कौन सा लेबल हमें प्रिंट करना था, श्रुति, एंड कौन से ईयर का, 2016, तो एग्जिट देखो यहाँ पर द सेम एंड यहाँ पर वो हमें प्रिंट करेगा। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओके डिलीट द डेटा ऑफ द ईयर 2014 यूजिंग, जो भी यहाँ पर सेल्स डेटा फ्रेम हमें यूज करना था, तो कमांड हमने एग्जिट कौन सा यूज किया, डिलीट, एंड कौन सा हमने डिलीट किया, सेल्स, और कौन सा यहाँ पर 2014, तो देखिए यहाँ पर 2014 यहाँ पर एक टेबल जो भी है कॉलम यहाँ पर मिसिंग है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिलीट द डेटा फॉर सेल्स मैन कैन शुड फ्रॉम द डेटा फ्रेम सेल्स। ओके ये अपना जस्ट यहाँ पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम। ओके एंड यहाँ पर देखे तो ये जस्ट यहाँ पर कैंसुक का डेटा, और यहाँ से अगर देखे ये अपना आउटपुट देखे तो कि सेल्स डॉट ड्रॉप। ओके एक जस्ट यहाँ पर फंक्शन यूज किया, कौन सा हमें ड्रॉप करना था, कैंसुक। ओके एंड एक्सिस 0। ओके तो देखो यहाँ पर अभी हमें क्या कौन से करे, तो के जस्ट यहाँ पर 4 ही शो करे, ये जो यहाँ पर पूरा है यहाँ पर पूरा क्या हो गया, तो के जस्ट वहाँ से ड्रॉप कर दिया, दैट मीन्स वो यहाँ से डिलीट कर दिया। चलो ओके चेंज द नेम ऑफ द सेल्स पर्सन अंकित टू विवान एंड मधु टू साइलस, ये जस्ट नेम चेंज करना है। कैसे किया देखें, तो के सेल्स डॉट रीनेम फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, वो भी क्या करें देखो अंकित टू जस्ट यहाँ पर विवान एंड मधु यहाँ पर क्या करें सेल्स, तो जस्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो के जस्ट यहाँ पर हम नेम रीनेम कर रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, तो देखो एग्जिट यहाँ पर देखें तो वैल्यू जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अपडेट द सेल्स मेड बाय द सेलर्स इन 2018 टू, जस्ट यहाँ पर कितना करना है, तो के 1 लाख यहाँ पर करना है, तो देखिए यहाँ पर तो जस्ट यहाँ पर सेलर्स एंड 2018 में जस्ट कितना यहाँ पर अपडेट हो गया, तो के जस्ट यहाँ पर चेंज कर दिया। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जिट क्या करना है, देखो राइट द वैल्यूज डेटा फ्रेम सेल्स टू कोमा सेपरेटेड सेल्स फिगर्स डॉट सीएसवी डॉट ऑन हार्ड डिस्क, डू नॉट राइट लेबल्स इन अ कॉलम, तो एग्जिट कैसे करेंगे हम, तो देखो सेल्स डॉट सीएसवी एफ सेल्स डॉट सीएसवी एडर फॉल्स एंड इंडेक्स फॉल्स, तो ये एग्जिट क्या कर रहा है, तो कि एफ ड्राइव में कौन सा फाइल, एक सीएसवी फाइल, तो कि सेल्स डॉट सीएसवी फाइल जनरेट होगा, और वो फाइल के अंदर ना तो कुछ हेडर होंगे ना तो कुछ वहाँ पर इंडेक्स वैल्यू होगा। कैसे यहाँ पर देखो इसका एग्जिट आउटपुट क्या रहता है, ये इसका एग्जिट यहाँ पर आउटपुट है, ना तो यहाँ पर कुछ हेडर है ना तो यहाँ पर कुछ इंडेक्स है, ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पर हमें प्रिंट कर रहा है। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीड द डेटा इन द सेल्स फिगर्स एट सीएसवी फाइल्स एंड रिट्रीव इन द डिस्प्ले, नाउ अपडेट द रो लेबल्स एंड द कॉलम्स एट सेल रिट्रीव टू बी। ओके तो सेल्स रिट्रीव पी डी डॉट रीड सी एस वी, जस्ट यहाँ से जो हमने प्रीवियस में यहाँ पर क्रिएट किया था ये फाइल। ओके अभी इसी को हम क्या कर रहे हैं, तो के रीड कर रहे हैं, तो के नेम्स कौन से 2014, 15, 16, 17, 18 एंड इंडेक्स, तो के जस्ट ये जो नाम दिए हुए ये नाम। ओके तो ये जस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ओके तो आज के जस्ट यहाँ पर हम देखें तो ओके तो यहाँ पर अपना जस्ट चैप्टर नंबर 2 विद एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, बट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 2 का जस्ट फुल वीडियो जस्ट वहाँ पर आएगा, तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।